पहला क्वेश्चन है 2017 जून का, फटाफट से सॉल्व कीजिएगा और आंसर तब तक पोस्ट मत कीजिएगा जब तक मैं ना बोलूं। तो सभी का आंसर है सेकंड, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज टू। देखते हैं क्या बोला गया। द फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेम सेल, स्टेम सेल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट यहां दिए गए हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला देखिए, ऑल टाइप ऑफ स्टेम सेल हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू द कंप्लीट एम्ब्रियो, सारे स्टेम सेल के पास प्रॉपर्टी है कि वो कंप्लीट एम्ब्रियो बना सकता है। तो व्हाट अबाउट मल्टी, मल्टीपोटेंट का क्या होगा, यूनी का क्या होगा, ये तो कंप्लीट एम्ब्रियो नहीं बनाते, राइट right? प्लूरी बना सकता है, टोटी बना देगा, लेकिन मल्टी और यूनि तो नहीं बना पाएंगे, तो ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब ए गलत है, तो देखिए ए पहले ऑप्शन में भी है और फोर्थ ऑप्शन में भी है, गलत हो गए। दूसरा देखिए, ई देखिए सेकंड ऑप्शन में भी है और थर्ड ऑप्शन में भी है, हमारे पास जो ऑप्शन बचा हुआ है वो सिर्फ सेकंड एंड थर्ड है, उनमें ई कॉमन है, यानी ई हर हाल में सही होगा। ये तरीका होता है थोड़े कम टाइम में क्वेश्चन को सही करने का, ठीक है। ई में क्या बोला है, एडल्ट सेल कैन बी रीप्रोग्राम्ड टू गेन प्लूरीपोटेंसी बाय मॉडिफाइंग द फॉलोइंग जीन्स लाइक OCT4, SOX2, MYC एंड KLF4। बिल्कुल सही, अभी हमने iPS सेल में यही पढ़ा था। ये सारे फैक्टर जो है एक्चुअल में फाइब्रोब्लास्ट को रीप्रोग्राम करके क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके iPSCs में चेंज कर सकते हैं, राइट। अब ये ई तो सही हो गया, अब सी और डी में से एक ऑप्शन सही होगा, लेकिन एक और ऑप्शन है जिसको मैं बिना पढ़े हटा सकती हूँ, वो कौन सा है, वो है डी, क्योंकि डी बचे हुए ऑप्शन में है ही नहीं, तो अगर मेरे पास टाइम कम है तो मैं डी ऑप्शन को डील ही नहीं करूंगी। लेकिन डी ऑप्शन में दिया क्या गया, द प्लूरीपोटेंसी ऑफ स्टेम सेल इन एम्ब्रियो इज एसेंशियली मेंटेन बाय FGF8, कब पढ़ा हमने, TGF बीटा भी नहीं है, इट वॉज OCT4 SOX2 नैनो, राइट। तो ये गलत हो गया, ए भी ए तो गलत है ही, बी और सी बच गया, बी और सी में से एक ऑप्शन सही होगा। पहला है बी है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल आर दोज हुज कमिटमेंट इज लिमिटेड टू रिलेटिवली स्मॉल सबसेट ऑफ ऑल पॉसिबल सेल टाइप, बिल्कुल सही, सिर्फ पॉसिबल सेल में से स्मॉल सबसेट सेल को वो बना पाता है, दिस इज ट्रू। अब ये ट्रू हो गया तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन थर्ड क्यों गलत हुआ, देखिए, स्टेम सेल नीश अलाउ द कंट्रोल सेल्फ रिन्यूअल, बिल्कुल, एंड ऑल्सो द सर्वाइवल ऑफ द सेल दैट लीव द नीश, भाई स्टेम सेल नीश का काम होता है, जो नीश में है उसी को हैंडल करना, जो नीश से बाहर निकल गया अब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो जो डॉटर सेल नीश को लीव करके बाहर चली गई है उसके सर्वाइवल में ये कैसे हेल्प करेगा भाई, ये तो नहीं हेल्प करेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। सेल्फ रिन्यूअल तो ठीक है, नीश में पाए जाने वाले सेल का सेल्फ रिन्यूअल करवाएगा, लेकिन नीश को लीव करने वाले सेल के सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो गलत हो गया बी और ई यहाँ पे स्टेटमेंट सही। चलो ओके, ये तो हमने कर लिया था, यस अगला सवाल, चलो अच्छे बच्चे कह रहे हैं टू, बिल्कुल टू इज करेक्ट आंसर। क्या बोला है, स्टेम सेल आर वाइडली यूज फॉर द रीजनरेटिव प्रॉपर्टी एंड कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट इनटू द डिफरेंट लीनिएज, अ पर्सन विद अ डैमेज लीवर अप्रोचेस अ स्टेम सेल थेरेपी, एक पर्सन का लीवर जो है डैमेज हो गया है और वो स्टेम सेल थेरेपिस्ट के पास गया है जो स्टेम सेल थेरेपी करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेप्यूटिक स्ट्रेटजी वुड बी सेफेस्ट, सबसे सेफ कौन सा रहेगा। पहला, ट्रांसप्लांटिंग एडल्ट लीवर सेल फ्रॉम अ हेल्दी डोनर एंड ग्राफ्टिंग देम इनटू द पेशेंट, किसी और डोनर हेल्दी डोनर से हम लीवर सेल को लें और उस पेशेंट में ट्रांसप्लांट कर दें, तो आप ध्यान दीजिएगा ऐसे केस में जो रिजेक्शन होता है इसमें रिजेक्शन के चांसेस हाई होते हैं, यानी ये सेफ तरीका नहीं है, राइट। और बॉडी में रिजेक्शन होता है तो आपको पता है इट सीवियर कंडीशन में इट मे इवन लीड टू द डेथ कंडीशन, राइट, दिस इज नॉट अ सेफेस्ट वे। पहला हट गया। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफॉर्मिंग स्किन सेल फ्रॉम द पेशेंट इनटू द आईपीएस सेल एंड यूजिंग देम फॉर द फर्दर डिफरेंशिएशन एंड ग्राफ्टिंग इनटू द लीवर, सबसे सेफ तरीका, मेरी ही बॉडी के स्किन सेल को लेके उसको आईपीएस में कन्वर्ट करो और आईपीएस से फिर उसको उस तरीके से डिफरेंशिएट करवाओ जिस तरीके से डिफरेंशिएट होके वो ऑर्गन यानी डैमेज लीवर की ट्रीटमेंट हो सकता है, थेरेपी हो सकती है, राइट। तो ये सबसे सेफ तरीका है कि उसी इंसान की बॉडी के सेल को लेकर आईपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दो, राइट, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, इंजेक्टिंग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल इनटू द डैमेज लीवर, नो, इंजेक्टिंग कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल इनटू द लीवर डायरेक्टली, सबसे सेफेस्ट तरीका होगा हमारे पास वो है कि उसी पेशेंट की बॉडी से उसी के आईपीएस सेल को बना के उसके बाद जो है ट्रीट कर दिया जाए, ठीक है। चलो अगला सवाल, ओके ये हमने कर लिया था, नेक्स्ट ये कॉर्ड ब्लड सेल, जब एक बच्चा पैदा होता है तब उसको रिस्टोर किया जा सकता है, उस कॉर्ड ब्लड सेल की बात की गई है, लिवर सेल कैन ऑलरेडी रीजनरेट बाय देयर ओन। अब मान लीजिए अगर वो लीवर किसी टुन आदमी का है, राइट, जो हमेशा अल्कोहल कंजम्पशन करता है, तो क्या वो खुद से रीजनरेट कर पाएगा, देयर आर सो मेनी कंडीशन, लीवर के भी रीजनरेट करने का कंडीशन है, इफ देयर इज अ हेल्दी बॉडी दैट मे इवन हैव अ चांस फॉर रीजनरेशन, बट इफ इट इज नॉट देन ऑब्वियसली नहीं। ओके ग्रेट, चलो अभी के आंसर जो है सही आ रहे हैं। द जीन दैट हैव बीन यूज्ड फॉर रीप्रोग्रामिंग सोमैटिक सेल ऑफ एन एडल्ट मैमल टू स्टेम सेल कॉल्ड द इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल आर KLF4, SOX2, OCT4, CMYC।
दिस कोड फॉर, ये किस चीज को कोड करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, बिल्कुल दे ऑल आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन दोनों है? नहीं, शेफ्रॉन प्रोटीन है बिल्कुल नहीं, ग्रोथ फैक्टर्स है बिल्कुल नहीं, दे आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अगला, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, वन बिल्कुल सही बोला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोटीन फैक्टर नेम्ड एज अ यामानाका फैक्टर कैन बी यूज टू कन्वर्ट मेमेलियन सोमैटिक सेल इनटू द इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल? कौन सा ऐसा यामानाका फैक्टर है जिससे कि हम मेमेलियन सोमैटिक सेल को इंड्यूस प्लूरिपोटेंट सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली हमने देखा था दैट इज OSKM, राइट? दैट इज, देखिए जो ऑर्गेनिज्म में कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को डैमेज लिवर में एंट्री दी जाएगी। अब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को कहां से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल लिया जाएगा? किसी और से अगर लिया जा रहा है, किसी और ऑर्गेनिज्म से, आई मीन किसी और इंडिविजुअल से अगर लिया जा रहा है, तो भी तो वो रिजेक्शन करने में पॉसिबल है अगर वो कोई सेकंड पर्सन है या ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो उसका सोर्स तो कोई और पर्सन है ना, वो बंदा खुद तो नहीं है। मतलब मेरे अंदर अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को इंजेक्ट करेंगे तो वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का डोनर कोई तो होगा, तो उससे भी तो रिस्क बढ़ेगा। तो सेफ तरीका यह है कि मेरी बॉडी के ही टिश्यू को लेकर या सेल को लेकर आईपीएस बनाया जाए, उसी से मेरा ट्रीटमेंट किया जाए, तो उसमें कोई रिजेक्शन के चांसेस नहीं है। ठीक है, सेम इस केस में भी होगा कि किससे वो कॉर्ड ब्लड सेल लाया जा रहा है, वो तो पर्सन कोई और, वो जो इंडिविजुअल होगा या जो स्टोरेज होगा, उस स्टोरेज का सोर्स तो कोई और रहा होगा, तो अगेन कोई सेकंड पर्सन हो जा रहा है, तो मेरी बॉडी से ही उसका ट्रीटमेंट हो, ये केस तो सिर्फ सेकंड वाले में ही पॉसिबल है ना, राइट? इसीलिए मल्टीपल आंसर आ रहे हैं मेरे पास, 3 and 2 दोनों आ रहे हैं, इतना कंफ्यूजन क्यों? चलो देखते हैं। वैसे ये क्वेश्चन, ये एक्सपेरिमेंट हमने किया था, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है, एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, क्या बोला है? When the 4 blastomere pair of 8-cell tunicate, यानी 8-cell tunicate है यहाँ पे, हमने ये एक्सपेरिमेंट भी देखा था, ये रहा 8-cell जो है tunicate। अब इसको क्या किया है हमने, 4 pair में डिवाइड कर दिया, 4 pair यानी 2-2 का करके 4 pair हो गया, ये हो गया, ठीक है। एम्ब्रियो आर डिसोसिएटेड, ईच फॉर्म मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इट वुड हैव फॉर्म्ड हैड इट रिमेन इन द एम्ब्रियो, यानी इसने वो सारे स्ट्रक्चर बनाए, ऑल स्ट्रक्चर बनाए जो ये बनाता अगर ये इस एम्ब्रियो में पाया जाता तो, यानी इन सभी आइसोलेटेड ब्लास्टोमियर्स ने वही स्ट्रक्चर बनाए जो ये एम्ब्रियो में रहकर बनाते, दैट इज अ इंडिकेशन ऑफ व्हाट, दैट इज अ इंडिकेशन ऑफ ऑटोनॉमस, उसने सब कुछ बनाया जो ये यहाँ पे बनाता, राइट? नेक्स्ट, हाउएवर द नोटोकॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम गेट स्पेसिफाइड ओनली इफ द डिफरेंट ब्लास्टोमियर्स गेट चांस टू इंटरैक्ट, लेकिन नोटोकॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम तभी बनेंगे जब इनको इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा, अदरवाइज ये नहीं बनेंगे। तो हमने देखा था कि इंटरैक्शन किसके लिए जरूरी होता है, इंटरैक्शन जरूरी होता है हमें कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के लिए। बस हमारे पास आंसर मिल गया, आपको बताना है कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पिक करना है। पहला है ईच पेयर ऑफ ब्लास्टोमियर फॉर्मिंग रेस्पेक्टिव स्ट्रक्चर, यानी ये पेयर रेस्पेक्टिव स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं ये ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन को बता रहे हैं, बिल्कुल सही, ट्रू, हमने भी ऑटोनॉमस ही डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट देखिए, ईच पेयर ऑफ ब्लास्टोमियर फॉर्मिंग रेस्पेक्टिव स्ट्रक्चर इंडिकेट द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, गलत। द नोटोकॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट इंडिकेट द Notochord and nervous system development indicate the conditional specification, बिल्कुल सही। हमारा आंसर क्या हो गया, A and D, right? That is the third option. कुछ बच्चे अलग ही चल पड़े, B and D लेकर, second option. चलो अगला सवाल, मेक श्योर तभी आंसर दीजिएगा जब मैं कमेंट सेक्शन में आंसर देने को बोलूंगी, उससे पहले नहीं। ओके, बिल्कुल सही। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सर्टेन प्रोटीन्स और mRNAs that are regionally localized within the unfertilized egg and regulate the development are called. कुछ प्रोटीन्स या फिर mRNA जो कि हमें अनफर्टिलाइज्ड एग में भी देखने को मिल सकते हैं, यानी साइटोप्लाज्म में देखने को मिल सकते हैं, राइट? एंड ये प्रोटीन हो, mRNA हो या फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं डिटरमिनेंट्स। एंड क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं तो हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट। ठीक है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था। चलो अगला सवाल, ध्यान रहे, आंसर तभी देना है जब मैं आपसे पूछूं। टेक रिलेटेड इशू के लिए प्लीज ग्रुप में आप मैसेज कीजिए। डन, चलो आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। और प्लीज ये बच्चे जो एडवांस में आंसर दे रहे हैं बिना बोले, प्लीज गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक पूछा ना जाए प्लीज आंसर मत दीजिए, इतने तो छोटे बच्चे हैं नहीं आप लोग, आपसे कोई रिक्वेस्ट किया जा रहा है आप समझ नहीं पा रहे हैं, तभी आंसर दीजिए जो आपसे बोला जा रहा है। और डन वगैरह भी लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया वगैरह भी लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है क्वेश्चन कितना टाइम ले सकता है, उसके बाद मैं खुद ही आपको बोलूंगी, तो इत्मीनान से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बिना कुछ कमेंट में लिखे हुए, मैं डायरेक्ट जब बोलूंगी तब आप आंसर दीजिएगा। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट आर सेइंग 1, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर इज 1। क्या बोला गया है, इफ यू रिमूव अ सेट ऑफ सेल्स फ्रॉम एन अर्ली एम्ब्रियो यू ऑब्जर्व दैट द एडल्ट ऑर्गेनिज्म लैक द स्ट्रक्चर दैट वुड हैव बीन प्रोड्यूस फ्रॉम दोस सेल, यानी जो सेल आपने रिमूव किया है उस सेल से जो स्ट्रक्चर बनते वो स्ट्रक्चर उस एम्ब्रियो में नहीं बने, तो आपको बताना है वो ऑर्गेनिज्म किस टाइप का स्पेसिफिकेशन शो कर रही है, यानी इसमें क्या हुआ, सिंपल भाषा में कहूं तो कौन से फीचर्स को यूज किया गया है, दैट इज नो कंपनसेशन, कोई कंपनसेशन नहीं हुआ, एंड कंपनसेशन नहीं हुआ तो सीधी सी बात है ये ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन होने वाला है, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन का ही फीचर है कि भाई कोई कंपनसेशन नहीं होगा। अगला सवाल,
बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर विल बी 3। क्या बोला है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट इफ अ सेल हैज कमिटेड पर्टिकुलर फेट, अगर एक सेल ने एक फेट के लिए कमिटमेंट कर लिया तो इसे हम क्या कहेंगे, क्या हम इसे प्लूरिपोटेंट कहेंगे? नहीं, इसे हम टोटिपोटेंट भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वो सेल जो है डिटरमाइंड हो गया है, उसे हम डिफरेंशिएटेड भी नहीं कहेंगे। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन, बट यस वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, शांति से क्वेश्चन कीजिए। डन मैम, हो गया मैम, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आई नो कब बोल दे, आई नो कब आपको बोलना है आंसर के लिए। पीसफुली क्वेश्चन कीजिए, पूरा ध्यान क्वेश्चन पर लगाइए। ओके, यू कैन आंसर नाउ। कुछ बच्चों को लग रहा है राजधानी ट्रेन पकड़ने की जल्दी है, पर आप भूल रहे हैं बिना इंजन के ट्रेन नहीं भागा करती है ना, और इंजन पूरे डब्बों को साथ में लेकर चलती है, तो इतना आगे आगे भागने का कोई फायदा नहीं है। तो बोला जा रहा है कृपया उसका जो है पालन करें, कहा जा रहा है कि तभी आंसर दे जब बोला जाए। तो आई थिंक बहुत सिंपल लाइन है ये कि आप तभी आंसर दे जब मैं बोलूँ, फिर भी पता नहीं कुछ बच्चे क्यों नहीं सुन रहे हैं। ओके, तो वी आर गेटिंग मल्टीपल आंसर्स, इवन वी हैव गॉट आंसर ऑप्शन 1, 2, 3, 4, सब मिल गया हम लोगों को। क्या बात है, इस बार आप लोगों ने चारों में से किसी ऑप्शन के साथ नाइंसाफी नहीं की, सबको बराबर का सम्मान दिया, बट ऐसा सम्मान आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चलिए, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा दैट इज ए ओनली, दैट इज थर्ड ऑप्शन। कैसे होगा चलिए देखते हैं। ऑल्दो पढ़ाया गया, सब कुछ बताया गया है। बोला आई गिवन अ सर्टेन फैक्ट विच डिफाइन डिटरमिनेशन, डिटरमिनेशन को डिफाइन करने वाले कुछ फैक्ट्स यहां दिए गए हैं। पहला, सेल हैव मेड अ कमिटमेंट, सॉरी, सेल ने जो है कमिटमेंट कर लिया है ताकि वो आगे चल के डिफरेंशिएट प्रोग्राम में चला जाएगा। बिल्कुल, जब कोई सेल कमिटमेंट कर लेता है तो इसी को ही तो हम डिटरमिनेशन कहते हैं। और किसके लिए कमिटमेंट करेगा, किसी ना किसी काम के लिए, वो काम फेट गेन हो सकता है, डिफरेंशिएशन हो सकता है, या किसी और पाथवे में स्विच होने का हो सकता है, राइट। तो पहला तो स्टेटमेंट सही हो गया। सेकंड देखिए, अ फेज वेयर स्पेसिफिक बायोकेमिकल एक्शन अकर इन द एम्ब्रियोनिक सेल। ऐसा तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया कि कोई बायोकेमिकल एक्शन देखने को मिलता है डिटरमिनेशन फेज में, गलत। नेक्स्ट, अ सेल कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू डिफरेंशिएशन सिग्नल। अगर अभी अभी हमने फर्स्ट ऑप्शन को सही माना है, तो अगर एक सेल कमिटमेंट में जा रहा है और वहां पे अगर उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कोई प्रोग्राम मिले तो ऑब्वियसली उसके लिए वो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा, तो ये भी गलत हो गया, ये पहले वाले का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, फेज वेयर इंडक्टिव सिग्नल ट्रिगर अ सेल डिफरेंशिएशन। नहीं भाई, कमिटमेंट फेज यानी कमिटमेंट फेज मतलब हो गया एक तरीके से फुली डिटरमाइंड स्टेज। डिटरमाइंड स्टेज में एक सेल को कभी भी दूसरे सेल से इंडक्टिव सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। इंडक्टिव सिग्नल की जरूरत कब पड़ती है, स्पेसिफिकेशन स्टेज में पड़ती है, जब एक सेल स्पेसिफाइड होता है। डिटरमाइंड स्टेज में उसको इंडक्टिव सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस हिसाब से चले तो हमारा सिर्फ ए ऑप्शन सही है, दैट इज ओनली ए, दैट इज सी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल, कुछ कुछ बच्चों का लेट रिस्पॉन्स आ रहा है, आई थिंक उनका नेटवर्क इशू है, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जा रहे हैं तो वो तब तक पुरानी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और उनका आंसर लेट हमको पोस्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो वी आर गेटिंग मल्टीपल आंसर, 1 and 2 बोथ। कुछ बच्चे कह रहे हैं 2, कुछ कह रहे हैं 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या था मैं आपको बताती हूँ, इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। कंडीशन बेस्ड यानी ऐसा कंडीशन जो कि एग्जामिनर के द्वारा रखा गया है और वो आपसे जानना चाहता है कि बताओ भाई आपका सोचना क्या है। एक्चुअल में इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपके कंसेप्ट चेक होते हैं, ठीक है। अब ये जो कंसेप्ट है देखते हैं कितने बच्चों ने चेक किए हैं। चलो देखते हैं क्या बोला गया है। विच ऑफ द इन्फ्रेंस गिवन बिलो वुड ड्रॉन फ्रॉम द फॉलोइंग टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म विद द अर्ली एंड द लेट गैस्ट्रुला स्टेज ऑफ न्यूट। यहाँ एक एक्सपेरिमेंट किया गया है अर्ली एंड लेट गैस्ट्रुला फेज में, मेनली न्यूट के एम्ब्रियो में, ठीक है। आपको बताना क्या है, आपको करेक्ट इन्फ्रेंस बताना है, और आपके सामने जो एक्सपेरिमेंट रखा गया है ये है होस्ट का रीजन और ये है डोनर का, और ये है डिफरेंशिएशन ऑफ डोनर। तो डोनर रीजन क्या है, जब एपिडर्मिस को न्यूरॉन में डाला गया यानी एपिडर्मिस को न्यूरॉन वाले रीजन में प्लेस किया गया, तो हमें जो डोनर टिश्यू का डिफरेंशिएशन मिल रहा है वो है एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस एपिडर्मिस ही रहा, उसने अपना फेट नहीं बदला। ऐसा जिद्दी कौन होता है, ऐसा जिद्दी होता है ऑटो वाला, यानी ऑटोनॉमस वाला। अगला, नेक्स्ट, जब न्यूरॉन टिश्यू को एपिडर्मिस एरिया में ट्रांसप्लांट किया गया तो अभी भी ये न्यूरॉन ही बना रहा है, यानी ये भी जिद्दी है, इसने भी अपना फेट नहीं बदला, और जिद्दी कौन होता है, ऑटोनॉमस, ठीक है। नेक्स्ट, लेट गैस्ट्रुला, ये तो अर्ली गैस्ट्रुला फेज में एक्सपेरिमेंट किया गया था, फिर लेट गैस्ट्रुला फेज में एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया कि एपिडर्मिस बनाने वाले टिश्यू को न्यूरॉन बनाने वाले टिश्यू में रख दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया गया, तो देखा गया कि एपिडर्मिस बनाने वाला टिश्यू अब न्यूरॉन बना रहा है, देखिए यहाँ पर, यानी इसने अपना फेट बदल लिया। फेट बदल लिया कौन करता है ऐसा, दैट इज कंडीशनल वाला। और यहाँ भी देखिए, न्यूरॉन बनाने वाले को जब एपिडर्मिस एरिया में डाला गया तो वो अभी एपिडर्मिस बनाने लगा, यानी इसने अपना फेट बदल दिया, और कौन बदलू होता है, कंडीशनल वाला बदलू होता है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, क्या क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि अर्ली फेज में ऑटोनॉमस हमको मिल रहा है, ठीक है, और लेट फेज में हमको कंडीशनल मिल रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था कि अर्ली में कंडीशनल होता है, लेट में ऑटोनॉमस होता है, लेकिन वो जो हमने पढ़ा था वो हमें उस तरीके का एक्सपेरिमेंट था इसलिए पढ़ा था, और रियलिटी भी वही है, लेकिन ये जो कंडीशन बनाया गया है क्वेश्चन का, हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है, और ये कंडीशन हमको ये कह रहा है कि भाई अर्ली वाले सेल इस एक्सपेरिमेंट में ऑटोनॉमस शो कर रहे हैं और लेट वाले सेल इस कंडीशन में कंडीशनल वाले डेवलपमेंट को शो कर रहे हैं। बस हमें वैसे ही चलना है, जैसा कंडीशन हमको वैसे चलना है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ जो कंसेप्ट लगाया है वो कंसेप्ट गलत नहीं लगाया है,
हमने यही देखा था कि जो अपना फेट जिद्दी बनके लेकर रखेगा, चेंज नहीं करेगा, वो ऑटो होगा। तो यहाँ पे हमने ऑटो ही किया है, और जो अपना फेट चेंज कर देगा किसी के इंटरेक्शन में आके, वो कंडीशनल होगा। तो यहाँ भी हमने कंडीशन लिया, लेकिन इन्होंने जो यहाँ पे स्टेट डाला है वो स्टेट इन्होंने चेंज कर दिया है। इसी को बोलते हैं कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे काफी क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं, मतलब जहाँ पे आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन गलत है, बट ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ये क्वेश्चन वैसे बनाया गया है ताकि आपके कंसेप्ट को एक बार से तरीके से आप बोल सकते शेक कर दिया जाए। अब इसी के अकॉर्डिंग हमको ऑप्शन पिक करना है। बोला है सेल ऑफ अर्ली न्यूड गैस्ट्रुला एग्जिबिट कंडीशनल डेवलपमेंट, हमें एक्सपेरिमेंट में तो ऐसा नहीं मिल रहा है, और ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन एक्सपेरिमेंट के ऊपर है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट, सेल ऑफ अर्ली न्यूड गैस्ट्रुला एग्जिबिट ऑटोनॉमस डेवलपमेंट, हमको एक्सपेरिमेंट में ही मिल रहा है। अगला, सेल ऑफ लेट न्यूड गैस्ट्रुला एग्जिबिट कंडीशनल डेवलपमेंट, यस यहाँ पे हमको कंडीशनल मिला है, ट्रू। एंड सेल ऑफ लेट गैस्ट्रुला एग्जिबिट ऑटोनॉमस डेवलपमेंट, नो। तो देखा जाए तो बी और सी हमारा सही हो जाता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो याद रहेगी ये सीख, कभी भी आपको देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने इसको पढ़ा हो और आपके दिमाग में ये डाउट ना आया हो कि यार ये क्वेश्चन शायद गलत दे दिया है, लेकिन एक बार आपको ऑप्शन भी चेक करना था, राइट? एक बार तो कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ कि जो मुझे पता है और जो इन्होंने इधर दिया ये उल्टा पुलटा दे दिया है पूरा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा उसी टाइम पे हिंट मिलना चाहिए कि जो आपको पता है और जो इन्होंने पूछा है वो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, यानी शायद ये सीएसआईआर के एग्जामिनर द्वारा क्रिएट किया हुआ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, कंडीशन बेस्ड एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन, ठीक है? तो यहाँ पे आज आपने एक नई चीज सीखी, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। कहा ही करत हो बबुआ, देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ट्रू स्टेटमेंट बताना है, ठीक है? बोला क्या गया है, द फेट ऑफ सेल और टिश्यू इज स्पेसिफाइड व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑटोनोमसली ऑन बीइंग प्लेस्ड इन अ न्यूट्रल एनवायरनमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंटल पाथवे, एंड एम्ब्रियो विल शो डेवलपमेंट पैटर्न बेस्ड ऑन इट्स टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन। अच्छा, स्पेसिफाइड के लिए बोला है कि स्पेसिफाइड सेल वो होता है जो ऑटोनोमसली डिफरेंशिएट होता है, बट कोई मुझे बच्चा ध्यान देकर बताएगा कि ये कौन से स्पेसिफाइड के लिए बोला है, अर्ली स्पेसिफाइड के लिए बोला है या लेट वाले के लिए बोला है, किसके लिए ये स्टेटमेंट यूज किया है? ऑब्वियसली लेट वाले के लिए किया, क्योंकि लेटली स्पेसिफाइड सेल को ही जो है हम डिटरमाइंड कंसिडर करते हैं, राइट? हमने बताया था कि अर्ली स्पेसिफिकेशन स्टेज में कंडीशनल देखा जाता है, लेट वाले में ऑटोनोमस देखा जाता है, लेकिन वो कंडीशनल के वो स्पेसिफिकेशन के अंडर में आ रहा था, ठीक है? तो ये जो स्टेटमेंट बोला गया ना वो लेटली स्पेसिफाइड यानी डिटरमाइंड सेल के लिए बोला गया, अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो। चलिए आगे क्या बोला गया है, बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट इट कैन बी सेड द पोटेंसी ऑफ द सेल इज, पोटेंसी पे क्वेश्चन पूछ दिया है, क्या बोला है, पोटेंसी ऑफ द सेल इज इक्वल टू इट्स नॉर्मल फेट इन रेगुलेटिव डेवलपमेंट, रेगुलेटिव यानी कंडीशनल डेवलपमेंट की बात की है, तो इसका पोटेंसी और फेट दोनों बराबर होते हैं कंडीशनल में, बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा होता तो जो फेट होता वही बनता। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जो पोटेंसी होती है वो बड़ी होती है फेट के कंपैरिजन में इन रेगुलेटिव या कंडीशनल डेवलपमेंट। तो ए तो गलत हो गया, ए गलत, तो फिर ये गलत, ठीक है? बी हर हाल में सही होगा, बी देखिए क्या बोला है, क्योंकि बचे हुए ऑप्शन में सिर्फ बी रह गया, द पोटेंसी ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन इट्स नॉर्मल फेट इन रेगुलेटिव डेवलपमेंट, एकदम सत्य वचन बोला गया, ट्रू। नेक्स्ट, पोटेंसी ऑफ द सेल इज इक्वल टू इट्स नॉर्मल फेट इन मोजाइक डेवलपमेंट, एकदम सही। देखिए यहाँ पे कंडीशनल ऑटोनोमस वर्ड यूज ही नहीं किया इन्होंने, इन्होंने दूसरा वर्ड यूज कर लिया, रेगुलेटिव एंड मोजाइक, इसलिए मैंने कहा था सारे टर्म्स याद रखने हैं। तो यहाँ पे ऑटो की बात कर रहा है, तो बिल्कुल ऑटोनोमस में क्या होता है, ऑटोनोमस में जो पोटेंसी होती है वो फेट के बराबर चलती है, इसलिए वो फेट अपना आराम से गेन कर पाता है। ग्रेटर देन इट्स नॉर्मल फेट इन मोजाइक डेवलपमेंट, गलत। तो इस हिसाब से चले तो बी एंड सी, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, सीधी बात, नो बकवास। तो इतना मल्टीपल आंसर काहे दे रहे थे जी, बी और सी ही तो था, इतना सिंपल क्वेश्चन था। अब इसमें भी आप ये मत बोलिए कि एक्सेस दिमाग लगा लीजिए, लिया आप लोगों ने, ठीक है? तो देखते हैं, मैक्सिमम बच्चों ने टू बोला है, कुछ कुछ बीच में थ्री भी बोल रहे हैं, देखते हैं क्या बोला है। वैसे ये क्वेश्चन हम एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, व्हेन द प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन फ्रॉम अ अर्ली गैस्ट्रुला ऑफ फ्रॉग वाज ट्रांसप्लांटेड, यानी न्यूरॉन को कहां ट्रांसप्लांट किया गया, एपिडर्मिस में, द डोनर सेल डिफरेंशिएट इनटू एपिडर्मिस, तो डोनर सेल जो है एपिडर्मिस बन गया, मतलब कि डोनर ये था, डोनर न्यूरॉन था, उसको एपिडर्मिस एरिया में ट्रांसप्लांट किया, तो वो भी एपिडर्मिस बन गया, ठीक है? ये कब हुआ, ये अर्ली गैस्ट्रुला फेज में हुआ। फिर सेम टू सेम सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया गया लेट गैस्ट्रुला फेज में, ठीक है? चलो लेट गैस्ट्रुला फेज में ले लेते हैं। जब न्यूरॉन को एपिडर्मिस एरिया में ट्रांसप्लांट किया गया तो देखने को मिल रहा है कि ये न्यूरॉन बना रहा है अब। अरे भाई साहब, इतना सिंपल तो सवाल है। दिस ऑब्जर्वेशन कुड पॉसिबली बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग फिनोमेना, किस फिनोमेना के द्वारा बताया जा सकता है, बताइए करेक्ट आंसर। कितना इजी सा सवाल है, बोला है अर्ली गैस्ट्रुला। अच्छा, हम पहले खुद बता लेते हैं, अब सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं कि न्यूरॉन को जब एपिडर्मिस एरिया में ट्रांसप्लांट किया तो एपिडर्मिस बनने लगा अर्ली फेज में, तो ये क्या कर रहा है, ये इंट्रैक्शन में आगे अपना फेट बदल दिया, हेंस ये क्या है, ये है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे जो न्यूरॉन है ये डोनर अभी भी न्यूरॉन में ही डिफरेंशिएट हो रहा है, ये कैसा केस है, ये है ऑटोनोमस, राइट? यानी अर्ली फेज में कंडीशन मिल रहा है, लेट फेज में हमें ऑटोनोमस मिल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला है द अर्ली गैस्ट्रुला शो कंडीशनल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही, वेयर एज लेट गैस्ट्रुला शो ऑटोनोमस डेवलपमेंट, एकदम सत्य वचन बोला इन्होंने। नेक्स्ट, अर्ली गैस्ट्रुला शो ऑटोनोमस डेवलपमेंट, घनघोर गलत स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन फ्रॉम द अर्ली गैस्ट्रुला आर ओनली स्पेसिफाइड, वेर एज फ्रॉम द लेट गैस्ट्रुला आर डिटरमाइंड, यानी अर्ली गैस्ट्रुला वाले जो न्यूरॉन थे वो स्पेसिफाइड थे, जबकि लेट वाले डिटरमाइंड थे। देखिए कितना स्मार्टली पूछा है, लेट वाले डिटरमाइंड, ऑटोनोमस वाला क्या करता है, डिटरमाइंड सेल कहलाता है तो, और कंडीशनल वाला स्पेसिफाइड कहलाता है। इस हिसाब से देखें तो यस, अर्ली गैस्ट्रुला वाला जो न्यूरॉन है वो स्पेसिफाइड था, लेट वाला डिटरमाइंड था, सी भी सही हो गया। यहाँ पे उल्टा बोला है तो इसको हम गलत कर देंगे, तो ए और सी सही हो गया, मतलब कि सेकंड ऑप्शन सही हो गया। इजी, ये क्लास ऑफलाइन होती, लक्ष्मीकांत जी आधे बच्चे तो फील होते कि मानो कि वो बोलना ही नहीं जानते हैं, ठीक है? कुछ कुछ बच्चों का तो मुझे आवाज ही तब सुनने को मिलता जब वो क्लास खत्म कर चुके होते पूरा बैच। कुछ पूछने से बोलते तू बोल, एक बोलता तू बोल, बस तू बोल ही होता रहता।
अगला सवाल, नेहा जी आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकती हैं, आपको तो क्वेश्चन से ही मतलब है, कोई भी बुक प्रेफर कीजिए, आंसर आपको सही हर बुक में नहीं मिलेगा, आंसर आपको अपनी तरफ से थोड़ा बेटर ढंग से सॉल्व करना होगा। ये जो बच्चे गलत दे रहे हैं ना बार बार आंसर, सही सही सिचुएशन नहीं है ये, ठीक है, आप लोग प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन काफी ईजी है और सही, मतलब इसमें इतनी हिंट है ना कि आप चाहते भी इसके लिए गलत ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर सकते हो। देखिए क्या बोला गया, कॉलिंग स्टेटमेंट आर बीइंग मेड रिगार्डिंग द स्पेसिफिकेशन और डिटरमिनेशन ड्यूरिंग द एनिमल डेवलपमेंट, आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। अब आज मैं आपको एक और रूल सिखाती हूँ, अभी मैंने आपको कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन का रूल बताया, अब सेकंड रूल सीखिए। इसमें अगर आप ध्यान दें तो पांच बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं, जब भी ऐसे स्टेटमेंट आए ना बड़े बड़े वाले, आप सबसे छोटा स्टेटमेंट पहले पिक कीजिए, क्योंकि हो सकता है छोटे स्टेटमेंट से अगर हम कोई क्वेश्चन करें तो हमारे पास जो आंसर आए वो जल्दी निकल के आ जाए, फिर बाकी बाकी ऑप्शन को भी आपको पढ़ना होगा बस क्रॉस चेक करने के लिए, ठीक है। ये तरीका होता है कि कम टाइम में सही आंसर पे पहुंचने का। सबसे छोटा स्टेटमेंट मुझे यहाँ बी दिख रहा है फिलहाल में, तो बोला है एट द स्टेज ऑफ स्पेसिफिकेशन सेल कमिटमेंट इज नॉट लबाइल, स्पेसिफिकेशन स्टेज पे सेल का कमिटमेंट लबाइल नहीं होता, जबकि ये गलत है। लबाइल यानी द थिंग विच इज सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ चेंज, जो चेंज हो सकता है, तो लेकिन स्पेसिफिकेशन स्टेज पे तो कमिटमेंट क्या होता है, लबाइल होता है, जाके नोट्स में देखिएगा ये स्टेटमेंट यूज किया है हमने। अब देखिए बी स्टेटमेंट क्या है, बी स्टेटमेंट रॉन्ग है, राइट, तो बी स्टेटमेंट जब रॉन्ग है तो बी इधर भी है और बी इधर भी है, यानी हर हाल में ये भी गया और ये भी गया, यानी पहला और सेकेंड ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसके साथ साथ हमारे पास अब दो और बेनिफिट आ गए, क्या जो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं सी थर्ड एंड फोर्थ, उसमें सी देखिए कॉमन है और डी भी कॉमन है, यानी हर हाल में सी और डी स्टेटमेंट सही है, चाहे आपको स्टेटमेंट के बारे में पता हो या ना पता हो, सी और डी हर हाल में सही है। ये कुछ रूल्स होते हैं जो आपको सीखने होते हैं, राइट, यानी सही कम टाइम में। आप देखिए ये स्टेटमेंट बिना पढ़े भी आगे निकल जाना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। सी और डी में वैसे बोला क्या है, देखिए अ सेल और टिश्यू इज डिटरमाइंड व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑटोनोमसली इवन व्हेन प्लेस्ड इन अनदर रीजन ऑफ एम्ब्रियो और क्लस्टर ऑफ डिफरेंशियली स्पेसिफाइड सेल इन द पेट्री डिश। बिल्कुल सही, दिस इज ट्रू, एक सेल डिटरमाइन तभी कहलाता है जब वो ऑटोनोमसली डिफरेंशिएट होने लगे, चाहे आप किसी और इन्वायरमेंट में ही उसे क्यों ना रखें, वो ऑटोनोमसली जो है डिफरेंशिएट करेगा। तो ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। देखिए साइटोस्केलेटन अरेंजमेंट मेंटेन पोजीशनिंग ऑफ न्यूक्लियाई इन द सिंसिटियम व्हिच एनेबल द स्पेसिफिकेशन ऑफ दीज न्यूक्लियाई बाय अपोजिंग द मॉर्फोजन ग्रेडिएंट नेमली बाइकॉइड एंड कॉडल इन ड्रोसोफिला। वैसे तो ये क्वेश्चन मॉर्फोजन से है, लेकिन क्योंकि ये ड्रोसोफिला के बारे में है तो इसके बारे में हम ड्रोसोफिला में पढ़ेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट आपको पता ना भी हो तो भी ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। बट आप इसको ऐसे ही सेलेक्ट कर सकते थे क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में सी और डी था, सी का हमें पता है, डी हमको नहीं पता क्योंकि हम इसे ड्रोसोफिला में पढ़ेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट हमको कंफर्म करना है वो है ई एंड ए, यही ई और ए हमें बताएगा कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। अब सबसे छोटा स्टेटमेंट कौन सा है, ई छोटा स्टेटमेंट है कंपेयर टू ए। ई में क्या बोला है, कैपेसिटी फॉर मोजाइक डेवलपमेंट अलाउ द सेल टू एक्वायर डिफरेंट फंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। मोजाइक डेवलपमेंट वाले सेल को इंटरेक्शन की जरूरत कब से पड़ गई, मोजाइक यानी ऑटोनोमस, ऑटोनोमस यानी वो खुद करेगा, खुद डेवलप करेगा अकॉर्डिंग टू दी सीडी, नॉट अकॉर्डिंग टू द इंटरेक्शन विद द नेबरिंग सेल। ये जो स्टेटमेंट बोला है ना, अगर मोजाइक की जगह पे रेगुलेटिव वर्ड यूज हो जाता ना तो ये पूरा स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब ये गलत है तो ये भी गलत है और हेंस फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब इसके लिए हमें ए स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, ए में क्या बोला है ताकि हम कंफर्म हो जाए। ए में बोला है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमिटमेंट द सेल मे नॉट अपीयर डिफरेंट फ्रॉम इट्स नियरेस्ट और मोस्ट डिस्टेंट नेबर इन द एम्ब्रियो एंड शो नो विजिबल साइन ऑफ डिफरेंशिएशन बट इट्स डेवलपमेंट फेट इज रिस्ट्रिक्टेड। अगर आप ध्यान दो तो ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट हमने हमारे बेसिक्स क्लियरेंस में पढ़ा था जो स्पेसिफिकेशन का था, कमिटमेंट के टाइम पे एक सेल अपने दूर या पास वाले सेल से हो सकता है विजिबल साइन के द्वारा डिफरेंट ना दिखे, लेकिन एक्चुअल में उसका फेट जो है रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है कमिटमेंट में। यस दिस इज ट्रू। इस हिसाब से देखिए तो ए सी डी ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो गए, ये तीनों स्टेटमेंट एकदम सही हो गए। तो इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट था जो हमारे लिए नया था, बाकी सारे स्टेटमेंट हमारे पढ़े हुए थे, तो इजीली आप फोर्थ ऑप्शन पिक कर सकते थे, राइट। चलो अगला सवाल, ओके वेरी इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो मैंने आपसे क्लास में भी पूछा था, उस टाइम भी बहुत से बच्चों ने ब्लंडर किया था, लेकिन उम्मीद करती हूँ अभी नहीं किया होगा, राइट। क्या बोला है, इफ अ ब्लास्टोमियर ऑफ फोर सेल सी आर्चिन एम्ब्रियो वॉज आइसोलेटेड ईच ब्लास्टोमियर कैन फॉर्म अ प्लूटस लार्वा, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल था ये, हमने सी आर्चिन में पढ़ा था। क्या ये एग्जांपल ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन का है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, डिटरमिनेशन, मोजाइक डेवलपमेंट। देखिए अब जिसको नहीं भी पता है ना, इनकेस मैं आपको बता सकती हूँ, ऐसा सवाल था जो थाली में परोस के दिया है। देखिए ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन को ही तो हम डिटरमिनेटिव डेवलपमेंट कहते हैं और इसी को तो हम मोजाइक कहते हैं, तीनों तो एक ही चीज है और ये कोई एक ही ऑप्शन पिक करने वाले क्वेश्चन है, मतलब कि ये तो हर हाल में नहीं हो सकता, अब बच गया यही। और दो हमने पढ़ा है, हमें कंसेप्ट पता है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जिनको नहीं भी पता है उनके लिए भी आंसर सही करना बहुत आसान था, दैट इज टू, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब अगर इसको कॉम्बिनेशन टाइप में देता तब थोड़ा फंसने वाली चीज थी, लेकिन ये वन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है तो इजीली हो जाता, राइट। ये एक्सपेरिमेंट हमने क्लास में डील किया था। चलिए आज का आखिरी सवाल है ये, मे बी
ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? बोला है द जाइगोट ऑफ सी एलिगन एग्जिबिट आर रोटेशनल क्लीवेज व्हेन द फर्स्ट टू ब्लास्टोमियर फॉर्म्ड दैट इज पी1 एंड एबी आर एक्सपेरिमेंटली सेपरेटेड द फॉलोइंग आउटकम मे बी पॉसिबल. जब दोनों को एक्सपेरिमेंटली सेपरेट आउट किया तो कुछ यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आई मीन टू से रिजल्ट आया. क्या रिजल्ट आया? ये हमारे लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया. वेट अ मिनट. ओके, तो ये कुछ रिजल्ट आया, आउटकम आया, हमको बताना है कौन सा आउटकम सही होगा, कौन सा आउटकम ट्रू होगा. पहला, द पी वन इन आइसोलेशन जनरेट ऑल द सेल इट वुड नॉर्मली मेक शोइंग अ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन. बिल्कुल, यानी पी वन का जो फेड था उसने वो सारे सेल बनाए, और ऐसा जब होता है तो ये ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन होता है, जो कि ये क्या, ट्रू. नेक्स्ट, पी वन सेल इन आइसोलेशन जनरेट ऑल द सेल इट वुड नॉर्मली मेक शोइंग द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन. नहीं भाई, एकदम गलत. सेकंड, ए बी सेल इन आइसोलेशन जनरेट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेल टाइप इट वुड नॉर्मली मेक शोइंग द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन. बिल्कुल, हमने ये कहा था कि ए बी सेल को जो फेट था वो पूरा नहीं बना रहा, वो सिर्फ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेल बना के रुक जा रहा था आइसोलेशन में, और जब वो ऐसा कर रहा था तो इसीलिए क्यों क्यों हो रहा था, क्योंकि वो पी वन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है. और ऐसा जब होता है तो हम कहते हैं कि भाई ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है. ए बी सेल इन आइसोलेशन जनरेट स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेल टाइप इट वुड नॉर्मली मेक शोइंग ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन. नहीं, एकदम गलत. तो आंसर देखा जाए तो ए एंड सी सही हो गया, दैट इज फर्स्ट सही हो गया, राइट? ओके, तो आज के जितने क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. लास्ट क्लास 2 घंटे की पूरी बोलते हैं ना, फुल एनर्जी रिच क्लास थी. बहुत कुछ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और उन्हीं क्वेश्चन का नतीजा है कि अगर उन सभी कंसेप्ट को आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन एकदम हलवा लेवल का था. ये कुछ भी टफ क्वेश्चन नहीं था, राइट? जो बच्चे अच्छे से रिवाइज करके आए हैं, जिनको अच्छे से समझ में आ रहा है, जो सिंसियर तरीके से पढ़ रहे हैं, उनको पता है इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन अब आपके लिए नहीं बन सकता है. आने वाले टाइम में इससे टफ लेवल पे ही जाएगा, इतना इजी लेवल पे और मतलब जो है इससे और डाउन लेवल पे नहीं जा सकता है. बस जो कमी है वो है आपके रिवीजन की, वो है अंडरस्टैंडिंग की. जैसे मैंने कहा था कुछ बच्चों के लिए कि जहां भी जिसको भी कमी नजर आती है प्लीज आप रिकॉर्डिंग को एक बार और देख लीजिए, उससे क्या होगा जो कमियां है ना वो फुलफिल हो जाती हैं, ठीक है? वो कमी फिर और रहती नहीं है. ओके, फाइन, तो ये हमारा डन हो गया, राइट? अब नाउ वी कैन स्विच टू अ न्यू चैप्टर. टीचिंग पाठशाला पे कंप्यूटर इम्यूनोलॉजी क्लासेस हैं क्या? वो इम्यूनोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है क्या सेल्स में? बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती, क्यों नहीं होती है? प्रीवियस क्वेश्चन, द होल कंडीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट वी रेड इन द क्लास वॉज नॉट गिवन. मजीद, कौन से एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन की बात कर रहे हो? दिस वन कंडीशन बेस्ड वाले की बात कर रहे हो आप? We're talking about this. हाँ जी मजीद, किसकी बात कर रहे हो आप? इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? प्लूटस लार्वा, प्लूटस लार्वा, प्लूटस लार्वा. Whole condition was not given. What else whole condition you are expecting? बोला है चार सेल जो है CRC embryo का, उसको isolate कर दिया गया. यानी चार सेल ऐसे थे and you have isolated that. And now you are getting the like each blastomere से आपको plutus larva मिल रहा. Plutus larva means normal larva. What else you want? अब इसमें आप और क्या मतलब कि information expect कर रहे हो? वही चीज को separate out करके वो सारे के सारे जो cell separated है वो normal larva बना रहे. Plutus larva means normal larva. तो और आप क्या और मतलब कौन सा इन्फॉर्मेशन इसे पुट कर दिया जाएगा? फिर और ज्यादा इन्फॉर्मेशन पुट कर देगा तो फिर तो हमारे दिमाग लगाने वाला तो कोई एरिया ही नहीं बचेगा ना. फिर तो ये समथिंग लाइक कि हमको स्पून में से खाना निकाल के हमारे मुंह में डाल दिया जा रहा है. क्वेश्चन इज क्वेश्चन, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू मेंटेन इट्स लेवल, राइट? ओके, किसी को पोटेंसी वाले क्वेश्चन में दिक्कत है? क्या है भाई पोटेंसी वाला क्वेश्चन, जरा पढ़ो तो. ऐसे कम से कम मत कीजिए. इसमें दो ही कंसेप्ट लग रहे हैं भाई, पोटेंसी इज ग्रेटर देन फेट और पोटेंसी इज इक्वल्स टू फेट. ये चीज ऑलरेडी आपको पढ़ाई गई है आपके सेल स्पेसिफिकेशन वाले चैप्टर में, फिर ये इतना इशू क्यों हो रहा है? लास्ट क्लास में हमने ये ऑलरेडी पढ़ा था, राइट? इतना लफड़ा फिर क्यों हो रहा है? सीरियस मतलब रिवाइज नहीं हो रहा है? हाँ, रिवाइज नहीं हो रहा है. और मैम से आके पूछा जा रहा है मैम ये कैसे हो रहा है? ये देखिए क्या बोला गया, ये देखिए ये वाला स्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी इज इक्वल्स टू फेट, यानी पोटेंसी जो है वो फेट के बराबर है. इसमें क्या इशू है? मिस कंडीशन में देखिए, कंडीशन में क्या नहीं है, पोटेंसी इज ग्रेटर देन द फेट, यानी पोटेंसी के लिए भी लिखा है पोटेंसी इज ग्रेटर देन फेट. अब इससे डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन आया और आप बोर्ड उसको भी समझा दीजिए. इसमें क्या समझाया जाए बताइए? इसी को समझाने के पीछे हमने हमारा लास्ट क्लास इन्वेस्ट किया है. प्लीज रिकॉर्डिंग देखिए अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो. मैम लास्ट क्वेश्चन कंपनसेशन नॉन कंपनसेशन वाला लॉजिक क्यों नहीं लगा? कौन से लास्ट क्वेश्चन है भाई? एक बात मुझे बताइए, क्या ये चीज मैंने कही नहीं थी कि आपको किसी भी स्पेसिफिकेशन का 100% प्रॉपर्टी हर क्वेश्चन में सेटिस्फाइड नहीं मिलेगा?
कोई एक प्रॉपर्टी भी पूछ दी जा सकती है क्वेश्चन में, क्या ये स्टेटमेंट मैंने कहा था, क्या ये बात मैंने आपको क्लास में समझाई थी, मैंने जब आपको लिस्ट किए थे सारे के सारे फीचर्स तो मैंने आपको कहा था कि जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में हर एक प्रॉपर्टी को जस्टिफिकेशन मिले, ये कंक्लूजन में मैंने बताया था। कोई दो ऑप्शन भी, दो प्रॉपर्टी भी उठा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूरी प्रॉपर्टी भी उठा के पूछा जा सकता है, एक प्रॉपर्टी भी उठा के पूछा जा सकता है। फिर अगेन ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है मेरे पास, मतलब मेरी बात भी नहीं सुनी जा रही है, रिवीजन भी नहीं किया जा रहा है, और कहीं कोई चीज लैक हो जा रही है तो रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी जा रही है। तो बेटा अगर ये तीनों गलतियां आप कर रहे हैं ना, तो आप अपने लिए बहुत बड़ा वाला गड्ढा खोद रहे हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जिनके भी कंसेप्ट फ्लक्चुएट हो रहे हैं, प्लीज 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 क्लास में जो बताया जा रहा है अगर आप मिस कर जा रहे हैं कि आप दो घंटे में इतनी सारी बातों को नहीं पकड़ सकते हैं, तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। वो जो लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट आप रिकॉर्डिंग से कीजिए, लेकिन जो आप क्वेश्चन बना के मेरे ऊपर फेंक रहे हैं वो चीजें तो ऑलरेडी क्लास में कवर की जा चुकी हैं, उसके लिए मैं और एक्स्ट्रा या नया क्या बताऊं। अभी जितने भी बच्चों ने जितना भी सवाल पूछा है सबके जवाब प्रीवियस क्लास में दिए गए हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट कंसेप्ट से क्वेश्चन आए थे, घुमा फिरा के सिर्फ वो कंडीशन बेस्ड वाला क्वेश्चन था और कोई क्वेश्चन घुमाया हुआ नहीं था, सब डायरेक्ट टू सॉल्व क्वेश्चन थे। अभी घुमाने वाले क्वेश्चन तो आगे आएंगे जब मॉडल ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, उसमें घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, आप लोगों की तरफ से कुछ एक चीजें यहां वहां कमी हो रही है तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो मेक श्योर प्रॉपर ढंग से चलिए ताकि इशू ना हो। चलिए तो आज का हमारा नया चैप्टर शुरू करते हैं विद दिस नोट कि जहां भी जिस भी बच्चों को इशू हो रहा है वो एक बार रिकॉर्डिंग देखेंगे। डोनर और होस्ट वाला कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा, वो कैसे कंडीशन बन रहा है, वो कैसे ऑटोनोमस। चलिए गिव मी अ 5 मिनट्स, ये एक टिश्यू है, ठीक है। ये अर्ली फेज है, अर्ली फेज है, वेट अ मिनट। अर्ली फेज है ये, राइट। मैंने कहा ये वाला जो टिश्यू है ना ये न्यूरॉन बनाता है, ठीक है, ये है डोनर, और मैंने क्या किया, मैंने इसको ट्रांसप्लांट कर दिया है दूसरे एम्ब्रियो में, और इसको ट्रांसप्लांट कर दिया है मैंने इस जगह पे, इधर पे, ये लो मैंने यहां पे ट्रांसप्लांट कर दिया। जहां मैंने ट्रांसप्लांट किया है ना वो वाला एरिया एपिडर्मिस बनाने की फेट रखता है, और जो मैंने ट्रांसप्लांट किया है उसका फेट है कि भाई ये न्यूरॉन बनाएगा। और पहली बात तो ये इसका सवाल था, ये फॉरवर्ड एनीवेज, जिनका भी सवाल था आई एम डैम श्योर आपने क्लास अच्छे से नहीं देखी है, क्योंकि ऐसे ही एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल हम ऑलरेडी हाइपोथेटिकल एग्जांपल में देख चुके हैं, तो मैं इसके लिए तो श्योर हूं कि आप क्लास अच्छे से नहीं देख रही है, ठीक है। तो जब न्यूरॉन को एपिडर्मिस एरिया में ट्रांसप्लांट किया गया अर्ली फेज में, तो देखने को क्या मिला, देखने को मिला कि ये जो न्यूरॉन है वो एपिडर्मिस वाले रीजन में आके ये न्यूरॉन अब क्या बनाने लगा है, अभी एपिडर्मिस ही बना रहा है। सेम केस किया गया कि एपिडर्मिस को दूसरे डोनर में से लेकर जब उसको ट्रांसप्लांट किया गया न्यूरॉन बनाने वाले एरिया में, तो वो क्या कर रहा है, वो न्यूरॉन बनाने लग रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आसपास के जो सेल हैं, न्यूरॉन बनाने वाला सेल वो आसपास के सेल से इंट्रैक्शन करने लग रहा है, जो सिग्नलिंग वो सेल भेज रहे हैं या जो मॉलिक्यूल वो सेल भेज रहे हैं उसी मॉलिक्यूल को न्यूरॉन वाला सेल रिसीव कर ले रहा है, और उसके आसपास के जो सेल हैं उन सभी के पास जो सिग्नलिंग है वो ये है कि भाई तुम सब एपिडर्मिस बनाओ, तो न्यूरॉन बनाने वाला सेल भी यही सिग्नल रिसीव कर रहा है कि एपिडर्मिस बनाओ, एंड दैट इज व्हाई वो अपना फेट छोड़ के एपिडर्मिस बनाने में लग जा रहा है। सेम गोज विद द सेकंड एक्सपेरिमेंट एज वेल, एपिडर्मिस बनाने वाले को जब मैंने न्यूरॉन बनाने वाले एरिया में रखा तो एपिडर्मिस बनाने वाला सेल न्यूरॉन बनाने वाला सिग्नल सारा लेने लगा, क्योंकि उस टाइम पे सिग्नलिंग सभी सेल्स के बीच में चल रही है, क्योंकि इस स्टेज पे जो सेल है वो इंट्रैक्शन एज वेल एज सिग्नलिंग करके अपना फेट गेन करते हैं, और हेंस जो यहाँ पे एपिडर्मिस बनाना चाहिए अब वो न्यूरॉन बना रहा है। लेकिन जब सेम केस किया गया लेट स्टेज में तब ऐसा नहीं हुआ, तब देखा गया कि ये जो न्यूरॉन बनाने वाला सेल है जब इसको एपिडर्मिस वाले रीजन में डाल रहे हैं तो ये जो है अपना फेट चेंज नहीं कर रहा है, ये न्यूरॉन पे ही जिद्दी बनकर बैठा हुआ है। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे जो सेल है उनमें से कोई भी सेल जो है सिग्नलिंग नहीं भेज रहा है, क्योंकि किसी को किसी से इंट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, इस स्टेज पे सेल डिटरमाइन हो चुके थे तो कोई किसी के पास सिग्नलिंग नहीं भेज रहा है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट न्यूरॉन बनाने वाला सेल न्यूरॉन ही बना रहा है, वो किसी के थ्रू फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। और अगर उल्टा एक्सपेरिमेंट किया गया कि एपिडर्मिस वाले रीजन को न्यूरॉन एरिया में डाला गया तो वो एपिडर्मिस वाला रीजन अभी भी एपिडर्मिस ही बना रहा है, जो कि डोनर से आया है, डोनर यानी डोनेट होने वाला जो वो सेल जो कि ट्रांसप्लांट हो रहा है इधर से उधर। चलिए कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, मैं आपका 10 मिनट अगली क्लास 3 बजे से है ना, मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा आपका ले लूंगी, बस ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन। इतना भी मत एक्स्ट्रा दीजिए कि हम हथियार ही डाल दें, बताइए, हमारा तो गला हर हाल में कटना है ना। हमने कम पढ़ाया तो आप बोलोगे मैम आपने कम पढ़ाया इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, फिर हमने टू द पॉइंट पढ़ाया जो सिलेबस में है तो आप ब्लेम करोगे मैम एक्स्ट्रा पूछ लिया गया आप तो टू द पॉइंट पढ़ाती हो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, फिर हमने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, फिर आप बोल रहे हो मैम आप इतना एक्स्ट्रा पढ़ा दिया कि हमको कुछ याद नहीं रहा इसलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। मतलब भाई क्वेश्चन सॉल्व ना होना इज कॉमन और मैम को ब्लेम करना विल बी कॉमन, इसमें हम क्या करें, हमें तो कोशिश करनी पड़ेगी, आप डिसाइड कर लीजिए।
ब्लेम तो आपने हर हाल में मुझे करना है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका होता है। देर शुड बी समवन टू ब्लेम। कम पढ़ाओ तो आप सुनाते हो, ज्यादा पढ़ाओ तो आप सुनाते हो, तो हम क्या हिमालय पे चले जाएं? दिक्कत हर जगह है। चलो देखते हैं, बहुत आसान सा सवाल है राइट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए इंटरमीडिएट का ध्यान रखना है। क्या बोला है? एक्टिवेशन ऑफ WNT सिग्नल ट्रांजक्शन पाथवे इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ वेरियस पाथवे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू इंड्यूस साइटोस्केलेटन चेंजेस लाइक सेल शेप एंड मूवमेंट। इनमें से दिए गए पाथवे में से कौन सा पाथवे सेल के शेप एंड मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, यानी साइटोस्केलेटन रिलेटेड चेंजेस करवाएगा। बोला है पहले पाथवे में WNT आया, ठीक है, DSH, डैम, रो, रैक एंड रॉक। हमने अभी अभी जो पाथवे देखा है उसमें हमको ये वाला पाथवे साइटोस्केलेटन रीऑर्गेनाइजेशन के केस में मिला है, तो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला बीटा कैट रिलेटेड है, मतलब ये डेवलपमेंटल स्पेसिफिक होगा राइट। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये कैल्शियम वाला पाथवे है, देखिए सब पाथवे दिया है। और दूसरा वाला अगर आप देखते हैं तो ये एक ऐसा पाथवे है दैट इज लीडिंग टू दी RTK पाथवे। ठीक है, तो सबसे अच्छा एग्जांपल था इसमें रॉक था, डैम वन था, ये सब एग्जांपल थे। यहाँ पे जो है आपको बताया गया है, ये देखिए डैम, रो, रॉक, ये सब किसमें थे? साइटोस्केलेटन रीऑर्गेनाइजेशन के कामों में, यानी सेल का मूवमेंट, सेल का शेप, ये सब चीज के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, समीर मैंने जैसे कहा मैं आपका हार्डली और 5 मिनट लूंगी, उससे ज्यादा नहीं लूंगी। ट्राई दिस वन, नोटम वाला पाथवे कंप्लीट करा दीजिए। क्लास रीशेड्यूल टू 9 PM। 3 बजे वाली क्लास नहीं है? अगर 3 बजे वाली क्लास नहीं है तो मैं थोड़ा सा और, मैं 2:30 बजे तक पढ़ा सकती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। रुके मैं चेक कर लेती हूँ, आप लोग क्वेश्चन कीजिए, मैं चेक करती हूँ रुक में। क्लास जो है रीशेड्यूल हो गई है 3 बजे वाली, आपकी 9 बजे पे। अब आपको मुझे फिर से थोड़ी आधे घंटे के लिए झेलना पड़ेगा। क्या करोगे बच्चों, बच के जा नहीं सकते हो, हम किलर शायरी सुनाते रहेंगे और आपको पकाते रहेंगे। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था राइट, बहुत इजी क्वेश्चन था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट रिलेटिव एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन ऑफ WNT सिग्नलिंग कैस्केड इन्वॉल्व ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। बहुत सिंपल भाषा में बोल दिया, डेवलपमेंटल रिलेटेड WNT सिग्नलिंग के स्टेटस को कौन सा ग्राफ बता रहा है। ठीक है, पहला ग्राफ देखते हैं। क्या बोला है कि GSK3 APC एक्सिन जब ये इतने हाई है तब बीटा कैट इतना लो रहेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि ये तीनों मिलकर बीटा कैट को तो अरेस्ट करते हैं और GSK3 बीटा कैट पे फॉस्फोराइलेशन करता है, जिसकी वजह से इसका डिग्रेडेशन होता है, यानी ये इनवर्स रिलेशन है, इनका ज्यादा रहना मतलब इसका कम रहना, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला देखिए जरा, GSK3 APC एक्सिन और बीटा कैट दोनों बराबर रहेंगे कैसे भाई, ये तो इसको इनहिबिट करते हैं ना, तो बराबर कैसे पाए जाएंगे, गलत। नेक्स्ट DSH और ROCK का जो रिलेशन है, बाय द वे DSH हाई रहेगा तो ROCK भी हाई रहेगा राइट, तो DSH और ROCK का जो रिलेशन है वो साइटोस्केलेटन रीऑर्गेनाइजेशन वाला रिलेशन है। यहाँ पे डेवलपमेंट रिलेटेड पाथवे पूछा था तो ये भी गलत। PLC और कैल्शियम कौन सा है? कैल्शियम रिलेटेड पाथवे का एग्जांपल है जो नॉन कैनोनिकल का था, लेकिन यहाँ कैल्शियम रिलेटेड पाथवे नहीं पूछा है, डेवलपमेंट पाथवे पूछा है, दैट इज वाई वी कैन गो विद द ऑप्शन 1। हे प्रभु ये क्या हुआ, मोए मोए हो गया भाई और क्या हुआ। बहुत अच्छे से समीर जी बोले थे, मैम हमको 1 घंटा दे दो, हमको रेस्ट करना होता है, 1 घंटे का ब्रेक लेना होता है, 3 बजे वाली क्लास है, अब बताओ। इनफ फॉर टुडे। अच्छा ठीक है, चलो क्वेश्चन करवा के रुक जाएंगे, हम नोटम वाला जो सिग्नलिंग है वो हम कल पढ़ा देंगे। ठीक है, मैम भूख लग गई है, चलिए चलिए अत्याचार और नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन है बस, उसके बाद छुट्टी कर लेंगे आपकी।
चलो वेरी इजी क्वेश्चन राइट. इन रिस्पॉन्स टू WNT सिग्नलिंग बीटा कैट एंटर द न्यूक्लियस एंड बाइंड टू द LEF1 और TCF प्रोटीन बाय डिस्प्लेसिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन. किसको डिस्प्लेस करके बीटा कैट LEF या TCF से बाइंड करता है, किसको डिस्प्लेस करके बाइंड करता है, दैट इज CBP को नहीं, GSK3 को नहीं, ग्राउचो को ऐड करता है, डिस्प्लेस करके बाइंड करता है, नीमो को भी नहीं करता है. ठीक है चलो आज का आखिरी सवाल. ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया है इतने ही क्वेश्चन आए हैं. ठीक है तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल कुछ हाईफाई नहीं है, एकदम हल्के लेवल के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा कि आज हमने 70% पोर्शन एक्स्ट्रा पढ़ा है. इसलिए रीडिंग पर्पज आपका रीडिंग का काम ज्यादा है, मैंने पढ़ाया तो ऑब्वियसली थोड़ा लेंदी है लेकिन आपका रीडिंग का काम उससे भी ज्यादा लेंदी होगा. तो एक बार आप पढ़ के आएगा कल और मुझे अपने एक्सपीरियंस बताएगा कि कैसा लगा उतना इन्फॉर्मेशन पढ़ के. आपने आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं जाना है. ओके चलो बोला है आपको मैच द फॉलोइंग करना है, इधर दिए गए हैं लिगेंड और यहाँ दिए गए हैं रिसेप्टर. राइट मैच द फॉलोइंग करना कितना इजी है, कब से बोली जा रही है, 2 घंटे से हम ये बात कर रहे हैं. हेजॉग के लिए कौन है, हेजॉग के लिए कौन है, दैट इज पैच है. और WNT के लिए अभी बात किया हमने, दैट इज फ्रिजर्ड है. तो CAB दैट इज फर्स्ट ऑप्शन. डन. चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, क्वेश्चन रीड आउट कीजिए और आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. जब मैं कहूंगी तभी आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, ऐसे नहीं. बोला था हेजॉग पाथवे इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन वर्टिब्रेट लिम डेवलपमेंट, न्यूरल डिफरेंशिएशन, फेशियल मॉर्फोजेनेसिस. इन अकॉर्डिंग विद द अबव स्टेटमेंट व्हाट वुड हैपन इन द माइस दैट आर होमोजाइगस फॉर द म्यूटेंट एलील ऑफ सोनिक हेजॉग. सोनिक हेजॉग का होमोजाइगस म्यूटेशन हो गया है, म्यूटेंट एलील पाया जाए तो क्या होगा, लिम्ब वुड फॉर्म नॉर्मली बट द माइस वुड हैव अ फेशियल एबनॉर्मलिटी. लिम्ब नॉर्मली फॉर्म होगा लेकिन माइस में जो है फेशियल में प्रॉब्लम होगा. गलत, आपको याद होगा हमने हेजॉग पाथवे में बात की थी कि सोनिक हेजॉग जो है ये पिंकी फिंगर बनाने में मदद करता है, तो लिम्ब कैसे नॉर्मल फॉर्म होगा. गलत. नेक्स्ट मिड लाइन ऑफ द फेस वुड रिड्यूस एंड सिंगल आई वुड फॉर्म इन द सेंटर ऑफ द फॉरहेड. बिल्कुल सही, जिसको कि हम साइक्लोपिया कंडीशन कहते हैं. आई वुड फॉर्म नॉर्मली बट डिजिट वुड बी माल फॉर्म. नो, म्यूटेशन ऑफ सोनिक हेजॉग मे एक्टिवेट ट्यूमर फॉर्मेशन इफ पैच प्रोटीन कैन इनहिबिट द स्मूथर प्रोटीन. गलत. हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया दैट इज नॉट ट्रू. अगला सवाल चलिए देखते हैं क्या बोला है. द फंक्शनलिटी ऑफ पैक्सिक जीन इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिक एंड द नेसल स्ट्रक्चर मे बी एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग. आपको बताना है ट्रू स्टेटमेंट. पहला, पैक्सिक्स मेक ऑप्टिक वेसिकल कॉम्पिटेंट. पैक्सिक्स ऑप्टिक वेसिकल को कॉम्पिटेंट करता है, नहीं, हेड एक्टोडर्म को करता है. ये क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट देखिए, द ऑप्टिक वेसिकल कैन इंड्यूस एनी पार्ट ऑफ हेड एक्टोडर्म टू फॉर्म द नेसल एंड ऑप्टिक स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैक्सिक्स. अच्छा, हेड एक्टोडर्म तो कॉम्पिटेंट है राइट, क्योंकि पैक्सिक्स की प्रेजेंस है, तो ऑप्टिक वेसिकल जो है हेड एक्टोडर्म के किसी भी पार्ट को इंड्यूस कर सकता है, नहीं, ये एंटीरियर पार्ट को ही इंड्यूस करेगा. राइट तो गलत हो गया ये. नेक्स्ट, पैक्सिक्स रेंडर द हेड एक्टोडर्म कॉम्पिटेंट टू रिसीव सिग्नल फ्रॉम ऑप्टिक वेसिकल. बिल्कुल सही, ट्रू. नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम ऑप्टिक वेसिकल द हेड एक्टोडर्म मे ऑल्सो बी इंड्यूस्ड बाय BMP एंड FGF, सो द पैक्सिक्स इज नॉट एक्सक्लूसिव फॉर द लेंस फॉर्मेशन. बिल्कुल सही, अकेले काफी नहीं है ये, बाकियों के साथ जो है ये मिलकर करवाता है. तो सी एंड डी के बेसिस पे जो है हम सेकंड ऑप्शन पे मूव कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन को बच्चे बोल रहे थे मैम एनोटेशन के साथ मत दो, इसलिए मैं क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ से ही रेज कर दे रही हूँ. लास्ट वाले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, इस क्वेश्चन के बाद हम फिर से वापस से देखेंगे. आई थिंक उसमें बी स्टेटमेंट भी सही होगा क्योंकि हेड एक्टोडर्म तो इंटीरियर में ही पाया जाता है राइट, तो बोला है एनी पार्ट ऑफ हेड एक्टोडर्म, तो आई थिंक बी वाला स्टेटमेंट सही होगा क्योंकि हेड एक्टोडर्म का लोकेशन इंटीरियर ही होता है, तो वहाँ पे इंटीरियर मेंशन नहीं भी करने से आई थिंक हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि हेड मेंशन कर दिया है और हेड तो हेड जब मेंशन किया है तो ऑब्वियसली दैट विल बी इन इंटीरियर. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के बाद वापस उस क्वेश्चन को देखेंगे. आई थिंक उसमें बी सी डी तीनों ही ऑप्शन सही होंगे. चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. जी नेसल पैक्सिक्स से कहा, नेसल स्ट्रक्चर भी तो बनता है ना. अभी अभी हमने पढ़ा था कि पैक्सिक्स जो है नोज, पेनक्रियाज, आईज ये सब बनाने में मदद करते हैं. ओके क्या बोला गया है, देखिए, फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट गिवन फॉर वर्टिब्रेट आई लेंस इंडक्शन. ठीक है, आई लेंस इंडक्शन के लिए कुछ स्टेटमेंट यहाँ दिए गए हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट. पहला है पेयर बॉक्स 6 जीन यानी पैक 6 इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सिंथेसाइज इन स्पेसिफिक रीजन ऑफ हेड सर्फेस एक्टोडर्म. ट्रू स्टेटमेंट, ए सही है. ठीक है, ए सही है, तो देखिए ये हट गया, ये हट गया, इसमें ये नहीं है. पैक 6 इज सिक्रेटेड बाय ऑप्टिक वेसिकल. गलत है, तो सिक्रेटेड बाय हेड एक्टोडर्म. बी हट गया. सी देखिए, ऑप्टिक वेसिकल सर्व एज अ इंड्यूसर फॉर द कॉम्पिटेंट हेड एक्टोडर्म. बिल्कुल सही, ये इंड्यूसर की तरह काम करता है. सी भी सही हो गया. डी देखिए, स्टडीज ऑन एम्फीबियन सजेस्ट दैट द फर्स्ट इंड्यूसर ऑफ द लेंस मे बी द फॉरगट एंडोडर्म एंड हार्ट फॉर्मिंग मेसोडर्म. तो ये स्टेटमेंट सही है, ऑल्दो ये स्टेटमेंट को हमने डायरेक्टली नहीं पढ़ा, हमने डायग्राम की मदद से पढ़ा था. मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए. ठीक है, अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, द सीक्वेंस ऑफ एम्फीबियन लेंस इंडक्शन पॉस्टुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंट ऑन द एम्ब्रियो ऑफ ज़ेनोपस लेविस अनआइडेंटिफाइड इंड्यूसर. जिसको क्या कहा गया, पॉसिबली द फॉरगट एंडोडर्म एंड द कार्डियक मेसोडर्म. किसमें, ज़ेनोपस में. तो ज़ेनोपस में इंड्यूसर का कौन काम कर रहा है, इंड्यूसर का काम कर रहा है फॉरगट एंडोडर्म एंड कार्डियक मेसोडर्म, जिसकी मदद से OTX2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का जो एक्सप्रेशन होता है वो हेड एक्टोडर्म में होता है ड्यूरिंग द लेट गैस्ट्रोला स्टेज. अब अगर ये स्टेटमेंट देखते हैं तो यही स्टेटमेंट यहाँ क्वेश्चन में भी डाला गया है राइट. हाँ,
स्टडीज ऑन एंड सजेस्ट दैट द फर्स्ट इंड्यूसर ऑफ द लेंस में बी द फॉरगेट एंडोडर्म एंड द हार्ट फॉर्मिंग मेसोडर्म. देखिए एक्जैक्ट वही स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट कर दिया इन्होंने, ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रू. नेक्स्ट देखिए, द जीन फॉर लेंस प्रोटीन गेट इंड्यूस इन द सर्फेस एक्टोडर्म ऑफ ऑप्टिक वेसिकल. ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, इंग्लिश ही गलत है. देखिए क्या बोला है, जीन फॉर लेंस प्रोटीन गेट इंड्यूस्ड इन सर्फेस एक्टोडर्म ऑफ ऑप्टिक वेसिकल. ऑप्टिक वेसिकल का सर्फेस एक्टोडर्म क्या होता है भाई, एक ऑप्टिक वेसिकल, एक सर्फेस एक्टोडर्म. ऑप्टिक वेसिकल का सर्फेस एक्टोडर्म कहां से होता है, तो ये पूरा ही गलत स्टेटमेंट है इनकी, तो इंग्लिश यहाँ पे गड़बड़ देख रखी है. तो देखा जाए तो ए सी डी यानी पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है. ठीक है, अच्छा तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या बोला है, द ऑप्टिक वेसिकल कैन इंड्यूस एनी पार्ट ऑफ हेड एक्टोडर्म टू फॉर्म नसल एंड ऑप्टिक स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉर्टेक्स. तो ये स्टेटमेंट देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि हेड एक्टोडर्म ऑब्वियसली एंटीरियर साइड में ही पाया जाता है, राइट, पोस्टीरियर साइड में तो पाया नहीं जाता है. तो हेड एक्टोडर्म जब ऑलरेडी हेड एक्टोडर्म बोल दिया, मतलब एंटीरियर की तरफ ही बोल रहा है, तो वहां पे पैक्सिक्स है. अब पैक्सिक्स का नेचर क्या होता है, पैक्सिक्स का नेचर होता है कि भाई वो नोज भी बना सकता है, वो आई रिलेटेड स्ट्रक्चर भी बना सकता है, अभी हमने पढ़ा था. तो ये कह रहा है कि ऑप्टिक वेसिकल जो है वो हेड एक्टोडर्म के किसी भी पार्ट को इंड्यूस कर सकता है, क्योंकि उसके पास पैक्सिक्स होती है ताकि वो ऑप्टिक स्ट्रक्चर और नसल स्ट्रक्चर बना सके. तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी जो है समहाउ ट्रू है. तो ये भी ट्रू है, सी भी ट्रू है और डी भी ट्रू है. डी वाला भी तो स्टेटमेंट हमने अभी अभी पढ़ा था. देखिए जो बच्चे कुछ पता नहीं कोई बच्चे थे जो बोल रहे थे मैम डी गलत है, डी गलत नहीं है, डी यहाँ पे हमने अभी जस्ट पढ़ा था, कहाँ गया ये देखिए. साफ साफ बोला है द एंटीरियर न्यूरल प्लेट काइंड द हेड एक्टोडर्म वी आर द बीएमपी एनर्जी फील्ड प्रायर टू द सिग्नल फ्रॉम ऑप्टिक वेसिकल. स्टेटमेंट ही साफ साफ, यही पूरा स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट कर दिया इन्होंने, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट कर दिया है क्वेश्चन में. देखिए कहाँ गया, अपार्ट फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल द हेड एक्टोडर्म मे आल्सो बी इंड्यूस्ड बाय द बीएमपी एंड एफजीएफ, सो पैक्सिक्स इज नॉट एक्सक्लूसिव फॉर द लेंस फॉर्मेशन. तो यानी यहाँ पर बी सी एंड डी तीनों ही स्टेटमेंट सही है. वेयर इज द प्रेजेंस ऑफ पैक्सिक्स, शुभ्रजीत सीरियसली, पैक्सिक्स क्या, ऑप्टिक वेसिकल इंड्यूस एनी पार्ट ऑफ हेड एक्टोडर्म बोला है, हेड एक्टोडर्म के किसी भी पार्ट को जो है पैक्सिक्स इंड्यूस कर सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस, सॉरी ऑप्टिक वेसिकल इंड्यूस कर सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैक्सिक्स. तो बिल्कुल सही है, हेड एक्टोडर्म में इसकी प्रेजेंस बताई गई है. साक्षी ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन एक्चुअल में गलत दिया गया है, मतलब ऑप्शंस गलत दिए गए हैं, इसके ऑप्शन सही होने चाहिए थे बी सी डी. हाँ ये चैलेंजिंग क्वेश्चन था 2012 में, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन था, इसके जो आंसर होते हैं वो होता बी सी डी, तीनों स्टेटमेंट सही है. ठीक है, अब कोई बच्चा अगर आप बोल रहे मैम वो तो एक्टोडर्म में होता है, भाई हेड एक्टोडर्म सर्फेस एक्टोडर्म और एक्टोडर्म ये तीनों को हम इंटरचेंज बेसिस पे यूज करते हैं. हेड एक्टोडर्म का मतलब होता है हेड वाला पोर्शन जहां पे आइस बनने वाला, वो देखिए एक्टोडर्म की बात हो रही है. ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी ये वाला स्टेटमेंट जो मैंने लिखा था ये सही ही लिखा था, 2, 3, 4 तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है. चलो अगला सवाल, कल का टॉपिक कलम सी एलिगेंस शुरू कर देंगे. गाइस स्लाइड आप लोग के पास ही चली जाएगी, जो भी आपको स्लाइड देखनी है आप लोग के पास जब जाएगी तो उसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा. अभी हमको क्वेश्चन आंसर कर लेने दीजिए, अदरवाइज फिर ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा. स्लाइड आप लोग के पास ही जाएगी तो आप लोग अपने आंसर उसको रीड कर लीजिएगा, जिनको भी स्लाइड देखनी है. चलिए आंसर दे सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में. ड्यूरिंग द लेंस फॉर्मेशन इन जीनोपस द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव बीन प्रपोज्ड, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट. पहला है लेंस इंडक्शन कैन बी अचीव्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑप्टिक वेसिकल आफ्टर प्राइमिंग द हेड एक्टोडर्म बाय द एंटीरियर न्यूरल प्लेट, यानी लेंस का इंडक्शन हम तब भी कर सकते हैं अगर ऑप्टिक वेसिकल ना रहे, बस हम हेड एक्टोडर्म को प्राइम कर देंगे एंटीरियर न्यूरल प्लेट से, जो कि क्या है, जो कि गलत स्टेटमेंट है. नेक्स्ट ऑप्टिक वेसिकल ऑब्वियसली वो भी जरूरी है, राइट, ऑप्टिक वेसिकल कैन इंड्यूस द प्रिजम्प्टिव ट्रंक एक्टोडर्म टू फॉर्म द लेंस, ट्रंक में पाए जाने वाले एक्टोडर्म को ऑप्टिक वेसिकल इंड्यूस कर सकता है लेंस बनाने के लिए. ये क्वेश्चन उस एक्सपेरिमेंट पे आया है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये भी गलत. नेक्स्ट ओनली द हेड एक्टोडर्म कैन रिस्पॉन्ड टू द डायरेक्ट सिग्नल फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल टू फॉर्म द लेंस, बिल्कुल सही ट्रू. नेक्स्ट द एंटीरियर न्यूरल प्लेट प्राइम द हेड एक्टोडर्म वी आर द बीएमपी फॉर एन एफजीएफ प्रायर टू द सिग्नल फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल, बिल्कुल ये भी सही है ट्रू, जो कि हमने देखा था जहां पे पैक सिक्स के एक्सक्लूसिव ना होने की बात कही गई थी. सो विद दिस वी कैन गो विद द दैट इज ऑप्शन वन. आज का लास्ट क्वेश्चन,
शिवानी जी क्या हो गया जी, इम्प्रिंटिंग कब पढ़ाएंगे मैम? ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इम्प्रिंटिंग कहाँ से घुस आई है? साइंस का हेड का मतलब हो गया कि उसको एक्सपीरियंस देना, एक्सपोजर देना। इम्प्रिंटिंग आपके इवोल्यूशन का पार्ट है। यस, एनिमल बिहेवियर में पढ़ेंगे हम उसे। एक एनिमल बिहेवियर हम क्लास में भी पढ़ रहे हैं फिलहाल में। चलो आंसर दे सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, देखते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन में। लेंस फॉर्मेशन रिक्वायर सिक्वेंशियल इवेंट वेयर बाय द एंटीरियर न्यूरल प्लेट सिग्नल द एंटीरियर एक्टोडर्म टू प्रमोट द सिक्रीशन ऑफ पैक्सिक्स विच रेंडर द एंटीरियर एक्टोडर्म मोर रिसेप्टिव टू सिक्रीशन फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल। द अबव कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना। अरे भाई ये तो पूरा कॉपी पेस्ट किया गया, देख रहे हैं आप लोग, ये दिखाती हूँ मैं। इसलिए ना डब्बा में ना ये चीज बड़ी अच्छी होती है। ये देखिए की पॉइंट वाला कहाँ गया हमारा, यस ये देखिए पूरा ए टू जेड वाली लाइन कॉपी पेस्ट कर दी गई है और आपसे पूछ दिया गया इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस, राइट। पूरी कॉपी पेस्ट कर दी गई ये लाइन, तो ये एक बढ़िया रहता है। तो आप इसे क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन ओनली नहीं है, एपिथेलियल मेसेंकाइमल इंट्रैक्शन नहीं, परमिसिव इंट्रैक्शन भी नहीं, इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो फिर इसके साथ जो है हमारा ये वाला पोर्शन डन हो जाता है। चलो तो क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं हम। ओके पहला सवाल, तो जिस टॉपिक के लिए जो सजेशन मैं दूंगी उस सजेशन को मानते चलिए, वो टॉपिक आपका रेडी होता रहेगा। इसको प्रैक्टिस करके याद कीजिए, याद हो जाएगा। बिना पेन उठाए बिना पेपर के मदद लिए ये टॉपिक नहीं, मतलब दिमाग में नहीं बैठने वाला है। जिस APX1 ज्यादा भी प्रोड्यूस हुआ तो उसका इंट्रैक्शन तो हो नहीं पाएगा, राइट। मोस्ट चांसेस हैं कि जो एक्सप्रेशन जैसा हो रहा है वैसा ही होगा, बस इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि APX1 ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन जब तक उसके लिगेंड नहीं मिलेगा तब तक तो उसका एक्सप्रेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाए। विजय पूरा आपके मैसेज दिख रहे हैं मुझे, जब तक आपको बोला ना जाए तब तक प्लीज आंसर कमेंट सेक्शन में मत दीजिएगा, पहले भी बताया गया है। चलिए आंसर बताइए। ओके तो देखते हैं मल्टीपल आंसर आए हैं, क्या बोला गया है यहाँ पे। क्वेश्चन इज द जाइगोट ऑफ सी एलिगेंट एग्जिबिट अ रोटेशनल क्लीवेज व्हेन द फर्स्ट टू ब्लास्टोमियर फॉर्म P1 एंड P2 आर एक्सपेरिमेंटली सेपरेटेड। तो दोनों को एक्सपेरिमेंटल तरीके से सेपरेट आउट कर दिया गया है। बोला गया है क्या आउटकम पॉसिबल है, आपको बताना है ट्रू स्टेटमेंट। पहला, द P1 सेल इन आइसोलेशन जनरेट ऑल द सेल इट वुड नॉर्मली मेक शोइंग द ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। एकदम सही बोला है, ट्रू है ये। दूसरा है P1 सेल इन आइसोलेशन जनरेट ऑल द सेल इट वुड नॉर्मली मेक शोइंग द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। गलत। द AB सेल इन आइसोलेशन जनरेट स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेल टाइप इट वुड नॉर्मली मेक शोइंग द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ट्रू। द AB सेल विल शो द ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। नो। तो देखा जाए तो A एंड C यहां पे सही हो जाता है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन यहां पे सही हो जाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल। अनामिका जी अभी पोल पे काम चल रहा है, राइट। तब तक हम जमीन पे रहकर डांस कर लेते हैं, जब पोल आएगा तो फिर पोल पे डांस करेंगे। क्या बात है, कुछ बच्चों के कान पे जो है जूही नहीं रेंगती है, कितना भी बोल लो, दे आर लाइक हम तो वही करूंगा जो हमको मन कर रहा है, चाहे कोई कुछ भी बोल ले। चलो आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। देखते हैं मल्टीपल आंसर्स मिले हैं, क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। फॉरेस्ट स्टेटमेंट वेर मेड रिगार्डिंग द बल्ब डेवलपमेंट इन सी एलिगन। ठीक है, आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला ऑप्शन, द सिक्स बल्बर प्रिकर्सर सेल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एंकर सेल टू फॉर्म द इक्विवेलेंस ग्रुप। एकदम सत्य वचन बोला गया है, ट्रू, राइट। नेक्स्ट, इन द लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ लिंट 12 का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है तो लिंट 12 म्यूटेंट में बोथ सेल बिकम द यूटेरिन वेयर एज इन गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन बोथ बिकम एंकर सेल। ये तो पूरा उल्टा बोल दिया है ना लॉस, क्योंकि लिंट 12 की जरूरत नहीं होती है एंकर सेल बनाने के लिए। तो अगर लॉस ऑफ फंक्शन हुआ है तो दोनों सेल को एंकर सेल बनना चाहिए, और गेन ऑफ फंक्शन में क्या होना चाहिए, दोनों को प्रिकर्सर यूटेरिन प्रिकर्सर बनना चाहिए। बट ये तो पूरा उल्टा बोला है, बी गलत, तो फिर ये गलत, फिर ये भी गलत। बच्चों के ऑप्शन में सी कॉमन है, बच्चों के ऑप्शन में डी भी कॉमन है, मतलब सी डी हर हाल में सही होगा। तो ये देखते हैं क्या बोला गया है, इफ द एंकर सेल इज डिस्ट्रॉयड अर्ली इन द डेवलपमेंट ऑल द 6 VPC डिवाइड वंस एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोडर्मल सेल। एकदम सही पढ़ाया गया है, सेम टू सेम स्टेटमेंट पूरा पढ़ाया गया है आपको। एंकर सेल और वेंट्रल यूटेरिन प्रिकर्सर डिसीजन इज ड्यू टू द नॉच डेल्टा मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग एडजेसेंट सेल फेट। बिल्कुल, क्योंकि जो लिंक 12 एक्सप्रेस करता है वो लैग 2 नहीं करता और बोल देता है कि भाई मैं लिंक 12 कर रहा हूं, तू लिंक 12 मत कर, तू लैग 2 कर। इसको ही हम बोलते हैं क्या, दैट इज रिस्ट्रिक्टिंग द एडजेसेंट सेल फेट, यानी जो मैं कर रहा हूं तू मत कर, जो तू कर रहा है वो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये चीज किस पे होती है, ये एकदम सही बोला गया है। अच्छा, डेल्टा नॉच पाथवे पे मैंने आज एक डिटेल वीडियो बनाया है टीचिंग पार्शाला पे, ठीक है, स्पेशली वो बच्चे जो कि इस पाथवे को और डिटेल में पढ़ना चाहते थे सेलुलर लेवल पे, तो वो मैंने बना रखा है। आप में से जिन भी बच्चों को इंटरेस्ट होगा आप वो डिटेल वीडियो देख सकते हैं, आज सुबह सुबह उसको मैंने रिलीज किया है। ओके, नेक्स्ट है द पैराकाइन फैक्टर सिक्रेटेड बाय द एंकर सेल डायरेक्टली एक्टिवेट द नॉच डेल्टा पाथवे। पैराकाइन फैक्टर जो सिक्रेट करता है एंकर सेल वो डायरेक्टली एक्टिवेट करता है नॉच डेल्टा पाथवे, इज दैट सो? हाँ जी, ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल नहीं।
पैराकाइन फैक्टर सिक्रीट होकर नॉच डेल्टा पाथवे कैसे बनेगा भाई? नॉच डेल्टा पाथवे के लिए डेल्टा चाहिए, पैराकाइन फैक्टर सिक्रीट मतलब पैराकाइन सिग्नलिंग चलाएगा। तो अगर देखा जाए तो ई गलत है, ए सही है, सी सही है और डी सही है, तो ए सी डी यानी पहला ऑप्शन सही हो जाता है। थोड़ा सा और टाइम दे क्वेश्चन के लिए, अच्छा ठीक है और टाइम दे देते हैं, बट थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए क्योंकि यहीं से आपका प्रैक्टिस बनेगा और उसी स्पीड के साथ आप एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो एक काम करती हूँ, मैं टाइमर चला देती हूँ। काजल और विनीता जी, आपको कुछ तूफानी करने का मन कर रहा है आज? आज कुछ तूफानी करते हैं? वेंकट कोमल ममता, डिड आई मेंशन यू गाइस? डिड आई आस्क यू फॉर द आंसर? एक ही बात को कितनी बार मैं बोलूं बताइए जरा। नो यूज, लिटरली नो यूज। चलिए बताइए आंसर। विजयपुरा, आप अपने ऐप को एक बार अपडेट कर लीजिएगा या अपने नेटवर्क चेक कर लीजिएगा। सभी बच्चों को उठा के जो है मैंने ब्रेन सर की क्लास में भेज देना है, थोड़ी किडनी छन्नी हो जाएगी फिर वापस चले जाइएगा, गाल किडनी के साथ बड़ी अच्छी होगी। टीएल कैन एमडीओ यूजेस बोथ ऑटोनॉमस एंड कंडीशनल मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एट फोर सेल स्टेज कैन बी सीन इन द डेवलपमेंट ऑफ एंडोडर्मल सेल लीनिएज एंड ऑल्सो इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस। फॉलोइंग आर फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस, कुछ स्टेटमेंट है इसके रिगार्डिंग, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। पहला, if p2 cell is removed at early 4 cell stage the ems cell will divide into 2 ms cell and no endoderm will be made। ekdam bahut hi cute sa statement de diya inhone, ekdam sahi statement bina kuch phasane wala, to ye statement sahi ho gaya। next, in pop 1 deficient embryo both ems daughter cell will become e cell, ye bhi ekdam cute sa statement de diya, ekdam sahi true। next, when the position of ab and abp was reversed their fate get reversed and no normal embryo form, are bhai normal form hoga to नो क्यों बोल दिया, बाकी सब स्टेटमेंट सही बोला है, नो हटा देते तो सब सारा ये स्टेटमेंट सही हो जाता। नेक्स्ट, इन द एम्ब्रियो हुज मदर हैव म्यूटेंट GLP1 एबीपी इज ट्रांसफॉर्म इनटू एबीएस टाइप, बिल्कुल सही ट्रू। इस बेसिस पे चलते हैं तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है, ए बी डी। अगला सवाल, चलिए बताइए अपना आंसर, तब तक मैं भी सॉल्व करती हूँ। तो काफी मजेदार सा क्वेश्चन है, म्यूटेशन केस पे दिया गया है वल्वा के। ड्यूरिंग द वल्वा डेवलपमेंट इन सी एलिगन द एंकर सेल प्रोड्यूस LIN3 प्रोटीन which interact with LET23 protein present on the 6 vulva precursor cell that form an equivalence group. The central lineage cell that is P6P, it adopt the primary fate. The adjacent VPCs P5P and P7P, they adopt the secondary fate. And the rest VPC adopt the tertiary fate. Few mutant in column A and the phenotype in column B are listed in the table given below. आपको सही मैच करना है, म्यूटेंट का उसके फिनोटाइप के साथ मैच करना है। तो पहला है लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ LIN3। अगर LIN3 का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो क्या होगा, वल्वा ही नहीं बनेगा, सारे के सारे सेल हाइपोडर्मिस फेट लेंगे। क्या ऐसा कोई स्टेटमेंट है? ये देखिए, ऑल बीपीसी अडॉप्ट द टर्शियरी फेट, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4। ए का 4 हमको यहाँ दो ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो मैं इसको हटा दूंगी, इसको हटा दूंगी। अब 1 या 2 में से कोई एक सही होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ LIN3 एंड गेन ऑफ फंक्शन ऑफ LET23। LET23 का गेन ऑफ फंक्शन हो गया, LIN3 का लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, तो अगर LET23 का गेन ऑफ फंक्शन हुआ है तो 6 के 6 बीपीसी पे गेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा, हेंस एक वल्वा नहीं बनेगा, मल्टीपल वल्वा का कंडीशन देखने को मिलेगा। हेंस मुझे मल्टी वल्वा कंडीशन यही देखने को मिल रहा है, तो बी का जो है मैं सेकंड ले लूंगी। ठीक, देखते हैं रिड्यूस फंक्शन ऑफ LIN3। LIN3 का जितना कंसंट्रेशन है उससे भी कम कंसंट्रेशन में वो काम कर रहा है, यानी रिड्यूस हो गया है। रिड्यूस हो जाने की वजह से क्या होगा, सेकेंडरी सेल के पास जो LIN3 जाता था वो भी नहीं जाएगा, राइट। तो इस केस में सिर्फ P6P ही प्राइमरी फेट अडॉप्ट करेगा और जो रेस्ट VPC होंगे वो टर्शियरी फेट लेंगे, सेकेंडरी फेट वाले सेल बनेंगे ही नहीं, हेंस वल्वा वाले फिनोटाइप होगा। तो सी का देखा जाए तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो गया। डी देख लेते हैं, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ LIN3। LIN3 का एक्सप्रेशन जरूरत से ज्यादा हो गया, अगर ऐसा होता तो बताया था क्लास में कि एक से ज्यादा प्राइमरी VPC बन जाएंगे, यानी P5 P6 P7 ये सब प्राइमरी फेट अडॉप्ट कर लेंगे और P4 एंड P8 जो है ये सेकेंडरी फेट लेंगे और बचे वाले सेल जो है बचे हुए सेल जो है हाइपोडर्मिस ले लेंगे, ये हो जाएगा 1। तो इस हिसाब से चलते हैं तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है, राइट। काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था और इजी भी था। अगला सवाल, हां जी, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ LIN3 भी मल्टी वल्वा कंडीशन ही बनाएगा, लेकिन आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही मैच बैठेगा। अब सीधी सी बात है, अगर आप मल्टी वल्वा LIN3 के लिए ले लेते, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ LIN3 के लिए लेते, तो LET23 का जो गेन ऑफ फंक्शन हुआ है उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन चूज करते? तो इट्स जस्ट लाइक अ पजल, एक ही म्यूटेशन के दो आंसर हो सकते हैं, लेकिन आपको चारों को सही जगह पे बैठाना है, चारों को सही आंसर के साथ बैठाना है। तो जो अभी हमने कॉम्बिनेशन बनाया दैट वाज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। बेटा अगर सबके, अगर काफी लोग कुएं में कूद रहे हैं तो क्या आप भी कुएं में कूद जाएंगे? गलत काम तो गलत होता है ना, एक बड़ी अच्छी सी कहावत है, अगर एक इंसान अकेला चल रहा है और वो सही रास्ता है तो वो रास्ता सही ही रहेगा,
और अगर 10,000 लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो वो रास्ता गलत ही रहेगा। इट्स नॉट अबाउट हु इज वॉकिंग देयर। स्ट्रेंथ से रास्ते का गलत और सही होना कोई मतलब वैलिडेशन नहीं रखता है। गलत रास्ता गलत ही होगा चाहे उस पर 1,000 लोग ही क्यों ना चले, और सही रास्ता सही होगा चाहे उस पर 1 इंसान ही क्यों ना चले। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए। ओके, देखते हैं क्या बोला गया। द टू सेल टाइप एंकर सेल एंड वल्वा प्रीकर्सर सेल आर इन्वॉल्व इन वल्वा फॉर्मेशन इन सी एलिगन। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ दीज टू सेल्स टाइप एंड द सिग्नलिंग एक्टिविटी। मेरा लैपटॉप रो रहा है, उसको बैटरी चाहिए। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, पहला एंकर सेल इज अ जर्म सेल। ओके, एंकर सेल इज अ जर्म सेल। भाई हमने पढ़ा था सोमैटिक गोनाडल सेल होता है वो, सोमैटिक गोनाडल सेल। जर्म सेल फ्रॉम गोनाड? नो, सोमैटिक सेल होता है वो। तो ये पहले ही स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया, राइट? नेचर की गड़बड़ कह दिया। देखिए ए ए ए, ठीक है। तो भाई साहब ये तो तीनों स्टेटमेंट गलत हो गया, बच गया ये। अब बताओ, हमने अभी कोई स्टेटमेंट पढ़ा भी नहीं हुआ, हमारे पास सही आंसर आ गया। दूर होते हैं क्योंकि सेंट्रल और लेटरल सेल ही बल्बा बनाते हैं, तो सेल के अंदर ही बल्बा फॉर्मिंग जीन एक्टिवेट होगा। और वो जीन एक्टिवेट किसके थ्रू होगा? लिगेंड के थ्रू। वहां पे लिगेंड कौन काम कर रहा है? लिंथ्री काम कर रहा है। तो बिल्कुल सही, ट्रू। नेक्स्ट इज द लार्ज डेटा मीडिएटेड सिग्नल मैकेनिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग एडजेसेंट सेल फैट इज कॉल्ड लेटरल इनहिबिशन। बिल्कुल सही बोला है, फैट को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है लेटरल इनहिबिशन के द्वारा, राइट? चतुर वाली कहानी बताइए। तो प्राइमरी वाला किसको रिस्ट्रिक्ट करता है? सेकेंडरी वाले को, कि तुम प्राइमरी फैट ना ले लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, ताजिया जी क्या करें बताइए, हम तो रिक्वेस्ट कर करके थक गए, बट ये बच्चे जो हैं कान में रुई डाल के बैठे हैं, अपने मन का काम कर रहे हैं। लिन 39 के एक्सप्रेशन से नहीं, तो इक्विवेलेंट लिन 39 के एक्सप्रेशन से नहीं होता है। उनके पास इक्वल कॉम्पिटेंसी होती है टू गेट इंड्यूस फ्रॉम एंकर सेल। सबके पास इक्वल काबिलियत है कि सबको एंकर सेल के साथ इंट्रैक्शन मिल सकता है, और वो मिलता भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है? प्रॉब्लम हो जाती है लिन 3 की। एंकर सेल कभी भी 6 सेल में डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। वो जो रिलीज करता है, वो रिलीजिंग जो फैक्टर होता है, दैट इज लिन 3, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि वो जो लिन 3 सिग्नल रिसीव हुआ है, वो क्या करता है? वो किसी के पास ज्यादा अमाउंट में जाता है जो सबसे नजदीक होता है, और जो दूर होता है उसके पास कम अमाउंट में जाता है। तो सारे के सारे 6 वीपीसी के पास इक्वल कैपेबिलिटी होती है टू गेट इंड्यूस फ्रॉम एंकर सेल, और हेंस इस नेचर को हम इक्विवेलेंट नेचर कहते हैं। एबलेटेड क्या होता है? अब क्वेश्चन में हम हिंट बताएंगे तो फिर कैसे चलेगा? पूछिए, अच्छी वाली इंग्लिश यूज की गई है। कन्हैया जी, अब आपके लिए क्या हम बांसुरी बजाएं? तब आप सुनेंगे? अभी मना किया ना कि आंसर नहीं देना है जब तक बोला ना जाए। अलीशा, ये कुछ बच्चे ना सुन ही नहीं रहे, सीरियसली। ये कॉमन नाम में देख रही हूं तब से। संदीप, गीता, क्या हो गया जी? कंट्रोल नहीं हो रहा है? गोल्ड नहीं, डायमंड मेडल चाहिए अलग से। वीरेंद्र सर ने जस्ट ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू करवाई है डायमंड मेडल की। मैं सोच रही हूँ इन बच्चों को उनके पास भेज दूँ, अच्छे से सम्मानित किया जाएगा फिर। चलो बताओ आंसर क्या होगा। ओके, देखते हैं। बोला गया है डेवलपमेंट ऑफ वल्वा इन सी एलिगन इज इनिशिएटेड बाय इंडक्शन ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ सेल बाय द शॉर्ट रेंज सिग्नल फ्रॉम सिग्नल इंड्यूसिंग सेल। विद रेफरेंस टू दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट वी पुट फॉरवर्ड। स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सामने रखे गए हैं, आपको बताना है ट्रू स्टेटमेंट।
पहला, when the anchor cell was ablated early, ablated का मतलब होता है रिमूव कर देना, जब एंकर सेल को अर्ली स्टेज में रिमूव कर दिया गया, वल्वा फॉर्म नहीं हुआ, नो वल्वा डेवलपमेंट, यस ट्रू, एंकर सेल हट जाएगा तो कहां से वल्वा डेवलप होगा, ट्रू। नेक्स्ट, इन डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेंट, म्यूटेंट म्यूटेशन का नेचर डोमिनेंट है, हेंस एक एलील भी म्यूटेट हो जाए तो इनफ है इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, और नेगेटिव म्यूटेंट है ऑफ लेट 23, अ प्राइमरी वल्वा फॉर्म बट द सेकेंडरी वल्वा फॉर्मेशन डिड नॉट टेक प्लेस। देखिए लेट 23 में नेगेटिव म्यूटेंट हो जाए तो सीधी सी बात है लेट 23 तो फंक्शनल रहेगा नहीं, तो जब वो फंक्शनल ही नहीं रहेगा तो सारे 6 के 6 वीपीसी पे प्रेजेंट है ना, तो जब वो फंक्शनल ही नहीं है किसी भी वीपीसी पे तो किसी भी सेकेंडरी में भी सेम फेट बाई लेटरल इनहिबिशन इन्वॉल्विंग द लिन 39। भाई साहब लिन 39 ही लिन 12 होता है, लेटरल इनहिबिशन लिन 12 की मदद से होता है, लिन 39 की मदद से नहीं होता है, ये हो गया गलत। अच्छा ये सारा स्टेटमेंट सही होता, सिर्फ लिन 12 डाल देते ना तो पूरा स्टेटमेंट सही हो जाता, पता है। नेक्स्ट देखिए, अ कंस्टिट्यूटिव सिग्नल फ्रॉम हाइपोडर्मिस इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फेट बट इट इज ओवररूल्ड बाय द इनिशियल सिग्नल फ्रॉम द एंकर सेल। बिल्कुल सही, ट्रू। ये स्टेटमेंट भी मैंने आपको समझाया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी फेट जो होता है वो यहाँ पर जो सेल्स सेलेक्ट किए जाते हैं उनमें बहुत हाई रहता है, और इतना हाई रहता है इसलिए डिफॉल्ट फेट भी वो अडॉप्ट कर सकते हैं अगर सिग्नल ना मिले, लेकिन सिर्फ सिग्नल मिलने की वजह से वो सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो ओवर रूल कर दिया जाता है, और हेंस वो सिग्नल अपने प्रेजेंस की वजह से कोई और फेट दे पाता है। ठीक है, ये ट्रू हो गया। तो यहाँ देखा जाए तो ए और डी सही है, हेंस थर्ड ऑप्शन सही है, राइट। तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। चलो अगला सवाल, निशा जी इतने सवाल हम करवा रहे हैं ना, उन सारे सवाल से जुड़े हुए कंसेप्ट हमने समझाए हैं। चंदा जी कहाँ लिन 39, ठीक है, और कहाँ लिन 12, लिन 12 वाला केस हमारा चतुर वाला केस है, लिन 39 तो कितना आगे, कितना जी हम रोटेशन हटा तो दे रहे हैं। चलिए विजय जी थैंक यू, शुक्रिया इस कमेंट के लिए, ये तो अच्छी बात है, हम अच्छे से कराते हैं और आप अच्छे लोगों के साथ जुड़ गए हैं ना, फिर अच्छी रैंकिंग आनी चाहिए, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तो सोने पे सुहागा वाली चीज है, तो आपको अच्छा इतना मिला है तो फिर हम आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट निकालिए फिर, है ना, सब कुछ अच्छा अच्छा है तो रिजल्ट अच्छा अच्छा होना चाहिए, नंबर अच्छे अच्छे होने चाहिए। ओके चलो देखते हैं क्या बोला गया। 1 2 1 2 1 2 फाइन, क्या बोला है, द सी एलिगेंट इन अ सी एलिगेंट एंकर सेल एंड द फ्यू हाइपोडर्मल सेल टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वल्वा। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ दीज सेल्स इन द वल्वा फॉर्मेशन एंड रिजल्ट ऑब्टेंड आर एज फॉलोज। कुछ यहाँ एक्सपेरिमेंट किए गए, उन एक्सपेरिमेंट को यहाँ तीन लाइन में डिफाइन किया गया। पहला क्या बोला है, इफ द एंकर सेल इज किल्ड बाय लेजर बीम, हाइपोडर्मल सेल डू नॉट पार्टिसिपेट इन वल्वा फॉर्मेशन एंड नो वल्वा डेवलप। अगर एंकर सेल को किल कर दिया जाए लेजर बीम के द्वारा तो हाइपोडर्मल सेल जो है वल्वा बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और कोई वल्वा नहीं बनेगा, ये पहला एक्सपेरिमेंट देखा गया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या देखा गया, देखिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखा गया, अगर इफ 6 हाइपोडर्मल सेल क्लोजली लोकेटेड विद एंकर सेल कॉल्ड वल्वा प्रीकर्सर सेल आर किल्ड, नो वल्वा डेवलपमेंट। अगर बोला गया जो 6 हाइपोडर्मल सेल होते हैं जिनको भी हम आगे चलकर वीपीसी कहते हैं, अगर जो कि एंकर सेल के जस्ट नीचे, एंकर सेल के जस्ट नीचे लोकेटेड होते हैं, अगर हमने उनको किल कर दिया तो कोई वल्वा नहीं बन रहा है, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट देखा गया। तीसरा क्या देखा गया, इफ द थ्री सेंट्रल सेल वल्वा, इफ द थ्री सेंट्रल वल्वा प्रीकर्सर आर डिस्ट्रॉयड, द थ्री आउटर सेल व्हिच नॉर्मली फॉर्म हाइपोडर्मिस टेक द फेट ऑफ वल्वा सेल इंस्टेड। अगर बीच के तीन सेल को, तीन वीपीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो बाकी जो तीन बच गए हैं वो चले आते हैं मिडिल में और वहां पे वो वल्वा सेल का फेट ले लेते हैं। ये तीन एक्सपेरिमेंट किए गए। अब आपको क्या बोला गया, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वल्वा फॉर्मेशन। यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं वल्वा फॉर्मेशन से रिलेटेड। असली क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ अबव स्टेटमेंट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट। इन 5 स्टेटमेंट में से कौन सा कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो इन 3 एक्सपेरिमेंट के द्वारा। यानी अगर आप एक नए नवेले स्टूडेंट होते और आपको मैं वल्वा फॉर्मेशन नहीं पढ़ाती, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये 3 एक्सपेरिमेंट करके दिखाती, तो आप क्या कंक्लूजन पे पहुंचते। पहला देखिए, एंकर सेल एक्ट एज अ इंड्यूसर, एंकर सेल इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल, ये बात हमको कौन बता रहा है, पहला एक्सपेरिमेंट बता रहा है, क्योंकि जब एंकर सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो वल्वा बनाएंगे, ये बात हमको मिल रही है पहले स्टेटमेंट से पता चल रही है। नेक्स्ट, 6 हाइपोडर्मल सेल विद पोटेंशियलिटी टू फॉर्म वल्वा फॉर्म अ इक्विवेलेंस ग्रुप। 6 हाइपोडर्मल सेल जो है सबके पास पोटेंशियल होता है वल्वा बनाने का, वो इक्विवेलेंस ग्रुप फॉर्म करता है। ये बात मुझे कैसे पता चल रही है, थर्ड एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चल रही है, क्योंकि जब 3 को बीच से हटा दिया जा रहा है तो बाकी 3 आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब हेंस उनमें इक्विवेलेंस ही है। तो ये भी सही हो गया, ठीक है, ये भी सही, ये भी सही। थर्ड देखिए, 3 आउट ऑफ 6 हाइपोडर्मल सेल पार्टिसिपेट इन द वल्वा फॉर्मेशन। ये भी किससे पता चल रहा है, ये भी थर्ड वाले से पता चल रहा है, क्योंकि अगर हम 3 ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 3 जब हट गए तो बाकी 3 चले आए। नेक्स्ट देखिए, तो ये भी सही है, ये भी हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये कंक्लूजन हमें पता चल रहा है। नेक्स्ट, द सेंट्रल सेल फंक्शन एज अ प्राइमरी सेल एंड द 2 सेल ऑन द बोथ साइड एक्ट एज अ सेकेंडरी सेल, यानी 2 डिग्री सेल। तो देखिए, ये स्टेटमेंट अपने आप में एकदम सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट, ये जो कंक्लूजन है, उस कंक्लूजन से रिलेटेड कोई यहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। तो ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज अ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन, कंडीशन बेस्ड, एक कंडीशन बनाया गया है उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा है।
सारे ही स्टेटमेंट या पांचों के पांचों स्टेटमेंट सही है, मतलब पांचों के पांचों कंक्लूजन सही है, लेकिन वो कंक्लूजन जो इन तीन एक्सपेरिमेंट से रिलेट करे ऐसे कंक्लूजन सिर्फ तीन है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन सही नहीं है, और ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है। नेक्स्ट है 1 डिग्री सेल्सियस सीक्रेट अ शॉर्ट रेंज जक्स्टाकाइंड सिग्नल, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट इन तीन एक्सपेरिमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा, तो ये हमने हटा दिया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कौन सा स्टेटमेंट आप एक्सपेरिमेंट के द्वारा डिराइव कर सकते हैं, ये तीन एक्सपेरिमेंट के द्वारा। हमारा आंसर हो गया एबीसी, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो पांचों ही स्टेटमेंट ट्रू है वल्वा के सेंस में, लेकिन सिर्फ तीन स्टेटमेंट कंक्लूजन को बता रहे हैं जो यहाँ एक्सपेरिमेंट किया गया। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ अगेन कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। अगला सवाल, यस, इसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग आपसे सवाल पूछा था। यस, बिना कंडीशन के ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलिए बताइए अपना आंसर। तो बोला क्या है, एट अ टू सेल स्टेज ऑफ सी एलिगेंट डेवलपमेंट द ब्लास्टोमियर विल एक्सपेरिमेंटली सेपरेटेड एंड अलाउड टू प्रोसीड इन द डेवलपमेंट। वन ऑफ द ब्लास्टोमियर P1 डेवलप जनरेटिंग ऑल द सेल टाइप ऑफ सेल इट वुड नॉर्मली मेक, व्हाइल द अदर ब्लास्टोमियर AB मेड ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ सेल टाइप इट वुड नॉर्मली मेक। कंक्लूजन ड्रॉ किया, आपको बताना है करेक्ट कंक्लूजन। पहला, द डिटरमिनेशन ऑफ P1 एंड AB बोथ इज ऑटोनॉमस नहीं, बोथ इज कंडीशनल, बिल्कुल नहीं। लो भाई, दो दो के ऑप्शन बनाए गए हैं और दो गलत हो गए, तो मतलब सी और डी सही है। सी में क्या मिला, डिटरमिनेशन ऑफ P1 वाज ऑटोनॉमस, यस, AB वाज कंडीशनल, ठीक है। बोथ एसिमेट्रिक डिवीजन एंड सेल सेल इंटरेक्शन स्पेसिफाई द सेल फेट इन द अर्ली डेवलपमेंट, बिल्कुल सही। एसिमेट्रिक डिवीजन इन जिस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं, सेल सेल इंटरेक्शन यानी द टाइप ऑफ सिग्नलिंग जो हम देख रहे थे, उन दोनों के द्वारा ही जो है सेल फेट डिटरमाइन होता है। तो इस हिसाब से चलते हैं, तो सी एंड डी यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। अगला सवाल, वर्षा, विजय और आलिया, क्या बात है जी, बड़ी हड़बड़ी में लग रहे हैं आप लोग, हमें भी बताइए जरा उस हड़बड़ी का राज। चलो आंसर दो, क्या बोला गया क्वेश्चन में, द सी एलिगेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस एन एंकर सेल इन द सिक्स हाइपोडर्मल वल्वर प्रीकर्सर सेल VPC गेट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ वल्वा, इफ द थ्री ऑफ द हाइपोडर्मल VPC आर किल्ड बाय अ लेजर बीम नॉर्मल वल्वा इज स्टिल फॉर्म्ड। This could be due to the following possible reason. यानी बीच के तीन सेल को VPC को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, फिर भी नॉर्मल वल्वा बना। ऐसा क्यों हुआ? आपको रीजन बताना है और करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। पहला, सिक्स हाइपोडर्मल VPC फॉर्म अ इक्विवेलेंस ग्रुप ऑफ सेल, आउट ऑफ विच ओनली थ्री पार्टिसिपेट इन वल्वा फॉर्मेशन एंड थ्री सेल रिमेन एज अ रिजर्व सेल, बिल्कुल सही, ट्रू, क्योंकि एट अ टाइम तीन ही पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी तीन क्या करते हैं, हाइपोडर्मल सेल यानी रिजर्व सेल की तरह रहता है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द थ्री हाइपोडर्मल सेल आर किल्ड, द थ्री नेबरिंग हाइपोडर्मल नॉन VPC तो नहीं थे, वो VPC ही थे, वल्वा प्रीकर्सर सेल ही थे वो, ये गलत हो गया। ए सही है, बी गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब देखिए, इसमें तो बी है, ए है ही नहीं, और हम ए को ऑलरेडी सही कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, एंकर सेल फंक्शन एज अ इंड्यूसर विच कैन इंड्यूस एपिथेलियल सेल ऑफ गोनाड टू गेट रिक्रूटेड टू कंपनसेट फॉर द लॉस, कहां ही जा रहा है भाई ये, गलत। एंकर सेल एक्ट एज अ इंड्यूसर, यस, विच कैन स्पार्शली इंड्यूस ओनली थ्री हाइपोडर्मल सेल टू फॉर्म द वल्वा, यस, एट अ टाइम वो सिर्फ तीन ही हाइपोडर्मल VPC को जो है एक तरीके से इंड्यूस कर पाता, तो ये क्या हो गया, ये भी ट्रू हो गया। इस हिसाब से चलते हैं, तो ए एंड डी सही हो जाता है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। अगला सवाल, बी कैसे गलत हुआ भाई, 6 VPC की बात हुई थी, सेकंड ऑप्शन में नॉन VPC बोला है, बट नॉन VPC तो थे ही नहीं, 6 VPC थे डायरेक्टली, नॉन VPC पे तो लेट 23 एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, तो कहां से वो आके वल्वा बनाएंगे। चलो इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन पूछा गया है, इन सी एलिगन द SKN1 प्रोटीन कंट्रोल द फेट ऑफ EMS ब्लास्टोमियर विच जनरेट द पोस्टीरियर फेरिंग्स, विद रेफरेंस टू द अबव विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको गलत स्टेटमेंट पिक करना है। पहला, द MS ब्लास्टोमियर इज एबल टू जनरेट फेरिंजियल टिश्यू इवन इन आइसोलेशन, बिल्कुल सही, इनफैक्ट इसी टिश्यू के लिए ही तो हमने ऑटोनॉमस केस देखा था, राइट, यही तो नेचर, ये वाला एक ऑटोनॉमस नेचर देखा था और एक P1 का ऑटोनॉमस नेचर देखा था, तो ये हो गया ट्रू। नेक्स्ट देखिए, एम्ब्रियो फ्रॉम SKN1 स्किन एक्सेस डेफिशिएंट मदर लैक बोथ फेरिंजियल मेसोडर्म एंड एंडोडर्म डेरिवेटिव ऑफ EMS, ये भी सही है, बिल्कुल ट्रू, क्योंकि SKN1 का रोल क्या था, फेरिंग्स वाला नेचर, फेरिंग्स भी बनाना और साथ ही साथ इंटेस्टाइन भी बनाना, तो फेरिंग्स किससे बन रहा था, फेरिंग्स बन रहा था। नेक्स्ट, एम्ब्रियो विच आर SKN1 नल म्यूटेंट विल ऑलवेज मेक एक्स्ट्रा हाइपोडर्मल एंड बॉडी वॉल टिश्यू, वी आर नॉट श्योर फॉर दिस, तो हम इसको होल्ड पे रखेंगे, नल म्यूटेंट का कोई केस है। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, SKN1 एक्टिवेट मेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हुज लेवल ऑफ एक्टिविटी कंट्रोल द फेट ऑफ EMS लीनिएज, ये भी हमने पढ़ा है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया।
तो इस हिसाब से चलते हैं तो हमें जो है थर्ड ऑप्शन को ऑड ऑप्शन आउट करना पड़ेगा, थर्ड ऑप्शन हट जाता है क्योंकि हमने SKN1 का कोई नल म्यूटेंट केस नहीं देखा है, होमोजाइगस म्यूटेंट केस देखा है। तो हमने पहला स्टेटमेंट भी अपने नोट्स में पढ़ा है, सेकंड भी पढ़ा है, फोर्थ भी पढ़ा है, राइट। और ये तीनों स्टेटमेंट से हम अवेयर थे, सो फॉर अस इट वॉज पॉसिबल टू चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, दैट इज थर्ड ऑप्शन। ऑड ऑप्शन एलिमिनेशन करके हमने थर्ड ऑप्शन हटा दिया। अब रही बात SKN1 नल म्यूटेंट के केस की, तो SKN1 का नल म्यूटेंट केस अवेलेबल नहीं मिला कहीं भी, बुक में भी अवेलेबल नहीं है, ना ही पेपर में अवेलेबल है। तो वी आर नॉट श्योर कि ऐसा म्यूटेशन केस एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, और एग्जिस्ट करता है तो उसका म्यूटेंट फिनोटाइप क्या होता है। तो ये एक टास्क है आप लोगों के लिए भी, और मैं भी ऑब्वियसली खोजती रहती हूँ। इनकेस आप में से किसी को भी SKN1 का नल म्यूटेंट केस मिला तो आप मुझे रीच आउट कीजिएगा, और अगर मुझे पहले मिल गया तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है। तो ये वाला अभी फिलहाल के लिए अननोन है, वी आर हैविंग नो आइडिया कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, बट क्योंकि ये क्वेश्चन हम कर सकते थे क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन से हम अवेयर थे। चलो अगला सवाल, हाँ जी, तो फेरिंजियल टिश्यू ऑटोनोमस डेवलप हो रहा है, तो वही तो स्टेटमेंट फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कि आइसोलेशन में भी फेरिंजियल टिश्यू जनरेट हो रहा है, आइसोलेशन में भी जनरेट हो रहा है, मतलब कि ऑटोनोमस हो रहा है। ये चीज तो पढ़ाई गई है SKN1 वाले चैप्टर में। ये वाला वर्ड ब्लास्ट हो गया होगा, स्टेटमेंट आधा आधा बढ़ रहेगा। सेकंड कैसे रॉन्ग हुआ भाई साहब, सेकंड कहाँ रॉन्ग किया है, थर्ड वाले को रॉन्ग किया है ना। शिवांशी क्या ही देख रहे हैं आप लोग, सेकंड वाला तो सही हुआ है। विजय जी लग रहा है विजय बहुत मिल गई है आपको, तभी मेरी बातों को जो है अनसुना करने की कोशिश में लगे हुए हैं आप, चक्कर क्या है जरा हमें भी बताइए। इतनी बार रिक्वेस्ट करवा रहे हैं, अच्छा लग रहा है टीचर आपसे बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है एक ही चीज के लिए। ओके चलिए आंसर दीजिए, सबर सबर नाम की चिड़िया किसी को नहीं पता यहाँ पे, मुझे सब समझ में आ रहा है। चलो देखते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन में, ये पूछा गया था सितंबर 2022 में। बोला है सी एलिगन एम्ब्रियो यूजेस बोथ ऑटोनॉमस एंड कंडीशनल मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ सेल लीनिएज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट बोथ करेक्ट स्टेटमेंट, दो दो का ऑप्शन मैच किया गया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। पहला, द सिग्नल फ्रॉम द P1 ब्लास्टोमियर इंस्ट्रक्ट द EMS सेल फॉर इट्स फ्यूचर फर्दर डेवलपमेंट, बिल्कुल सही, EMS से ही एक इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन मिलता है। इट्स P1 नो, गलत गलत गलत, P2 से इंट्रैक्ट करता है, राइट, P1 से नहीं इंट्रैक्ट करता है, P1 तो टू सेल स्टेज में मिलता है, ये होना चाहिए P2 जो होता है वो फोर सेल स्टेज में होता है EMS के साथ, तो ये हो गया फॉल्स, पहला गलत, ए गलत, तो फिर ये गलत और ये गलत। सी देखिए दोनों में कॉमन है, हेंस सी हर हाल में सही होगा। पहले बी देख लेते हैं, बी में क्या बोला है, इन द एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रक्टिव सिग्नल फ्रॉम P2 एक्सक्लूसिवली द EMS सेल विल डिवाइड इनटू 2 MS सेल, बिल्कुल सही, इंस्ट्रक्टिव सिग्नल नहीं मिला अगर इसको किससे, P2 से, तो EMS सेल 2 MS बना लेगा, बिल्कुल सही, बी सही हो गया। अब देखिए बी सही हो गया और सी दोनों में कॉमन है, यानी समहाउ जो है सेकंड ऑप्शन सही होने वाला है, लेकिन देख लेते हैं। सी में बोला है इन द प्रेजेंस इन द एब्सेंस ऑफ POP1 सिग्नल द प्रोस्पेक्टिव MS सेल कैन मेक अप द ई फेट, बिल्कुल, अगर MS में भी आप POP1 को हटा दो, ठीक है, POP1 का एब्सेंस करवा दो तो MS किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई में कन्वर्ट हो जाएगा, और ई में अगर POP1 इंट्रोड्यूस करवा दो तो ई किस में चेंज हो जाएगा, MS में हो जाएगा, तो हमने देखा था, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। डी में बोला है MON2 प्रोटीन फ्रॉम द ब्लास्टोमियर नेबरिंग द EMS सेल इंस्ट्रक्ट द डिवाइडिंग EMS ब्लास्टोमियर्स फॉर द फेट, देखिए MON2 प्रोटीन बिल्कुल नेबरिंग ब्लास्टोमियर से मिलता है, लेकिन EMS का तो नेबर बहुत सारा है, AB है, P2 भी है, तो यहाँ पे मेंशनिंग नहीं किया, तो यहाँ पे वर्ड होना चाहिए था फ्रॉम P2 ब्लास्टोमियर, तब ये स्टेटमेंट पूरा सही होता, तो ये क्या हो गया, ये हो गया गलत, तो हेंस हम बी और सी लेके जा सकते हैं, यानी थर्ड सेकंड ऑप्शन लेके जा सकते हैं, यस नॉर्मल ब्लास्टोमियर से नहीं, P2 ब्लास्टोमियर से होता। चलो अगला सवाल, हाँ
देखिए क्या बोला गया, द ग्रुप ऑफ सिक्स सेल पी थ्री टू पी एट कॉल द वल्वा प्रिकर्सर सेल ऑफ सी एलिगन फॉर्म इक्विवेलेंस ग्रुप. ओके, द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेयर मेड एज एविडेंस दैट बीपीसी फॉर्म इक्विवेलेंस ग्रुप. आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन. पहला है, इफ द एंकर सेल इज डिस्ट्रॉयड द बीपीसी कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोडर्मल टिश्यू. एकदम सही, ट्रू. नेक्स्ट, इफ द थ्री सेंट्रल सेल दैट इज पी फाइव टू पी सेवन यानी पी फाइव पी सिक्स पी सेवन आर डिस्ट्रॉयड द रिमेनिंग सेल कैन जनरेट वल्वल सेल. बिल्कुल सही, ट्रू. बीच के तीन डिलीट कर दीजिए, बाकी तीन आके पार्टिसिपेट करने रहेंगे. If the expression of LIN3 is increased, VPC contributing to the secondary lineage can form the cell of primary lineage. बिल्कुल सही. LIN3 का concentration अगर आप बढ़ा देते हैं, यानी over express करवा देते हैं, तब क्या होगा? 5, 6 and 7 ये तीनों ही primary बन जाएंगे, right? तो ये क्या हो गया? ये भी true हो गया. Next, ectopic यानी abnormal expression of LET23 in P5 and P7 VPC convert them to the primary cell lineage. गलत. भाई तुम्हें ectopic expression करवाने की क्या जरूरत है? P5 और P7 पे तो already LET23 रहता है. और अगर abnormal तरीके से भी LET23 अगर आप express करवाते हो, तो वो primary तो नहीं लेंगे, very obvious. क्योंकि जो प्राइमरी फेट होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि लिन थ्री किसको ज्यादा मिल रहा है. ठीक है, ये गलत हो गया. इसके गलत होने से एबीसी तीनों सही हो जाते हैं, हेंस थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है. ओके, चलो अगला सवाल. एक टॉपिक का मतलब होता है एबनॉर्मल तरीके से एक्सप्रेस करवाना. तो अगर आप P5 एंड P7 पे एबनॉर्मल LET23 को एक्सप्रेस भी करवाते हो तो भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा नॉर्मल वल्वा डेवलपमेंट पे, क्योंकि लिन थ्री का कंसंट्रेशन वहां पे ऑलरेडी कम जा रहा है. तो आप कितने भी एक्सप्रेशन करवा लीजिए LET23 का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्वेश्चन पूछा था प्राइमरी फेट चाहिए, तो उसमें प्राइमरी फेट तो बिल्कुल नहीं आएगा. ओके, आप अपना आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में. आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, होपफुली. नहीं, एक और क्वेश्चन भी है. ओके, क्या बोला गया है देखिए. The following figure represent the interaction between the different blastomere in four cell stage of C. elegans embryo. ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट बोले गए हैं, आपको सारे करेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना है. पहला, द फेट ऑफ EMS blastomere इज ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड. गलत. इसका जो फेट होता है, स्पेशली एक फेट जिसमें कि ई सेल बनाता है, वो फेट कंडीशनल स्पेसिफाइड होता है, तो ये गलत हो गया. नेक्स्ट, द डिफॉल्ट फेट ऑफ EMS blastomere इज MS cell lineage. बिल्कुल सही, डिफॉल्ट फेट क्या होता है? MS होता है, तभी तो बिना किसी के इंट्रैक्शन के भी वो MS बना रहा है, दैट इज द डिफॉल्ट फेट. तो ये क्या हो गया? ये ट्रू हो गया. अब ए गलत हो गया, तो ए इधर है और इधर है. ठीक है, यहाँ पर बी और सी कॉमन है, बी और सी कॉमन है, मतलब बी भी सही और सी भी. सी में क्या बोला है? कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कैन बी ऑब्जर्व इन द डेवलपमेंट ऑफ ई सेल लीनियज, यही तो हम बोल रहे थे अभी फिलहाल में. तो ये भी क्या हो गया? ट्रू हो गया. नेक्स्ट देखिए, डी में क्या बोला है? एज्यूमिंग दैट पिक्चर के अकॉर्डिंग That a receptor needed to be activated for E fate. अब यहाँ पे condition डाल दिया गया है, assume करने को बोला गया है. Assume यानी imagine करो कि E fate लेने के लिए, E fate लेने के लिए cell के ऊपर एक receptor पाया जाता है, ऐसा बोल दिया है. ठीक है, बोला assume that the receptor needed to be activated for E fate, और इसका active रहना जरूरी है, active रहेगा तभी जो है ये E fate, ऐसा बोला गया है. A C elegans embryo where the receptor is constitutively active is likely to develop cell of E fate only in all three of the above cases. यहाँ जो तीन केस दिया गया है, उन सभी केसेस में बोला गया है कि अगर हम रिसेप्टर को लगातार एक्टिव कर दें, लगातार एक्टिव यानी जरूरत पड़ी तो भी एक्टिव रहेगा, नहीं जरूरत पड़ी तो भी एक्टिव रहेगा. तो तीनों ही केसेस में अगर हम रिसेप्टर को लगातार एक्टिव रख दें, तो बोला जा रहा है कि चांसेस हैं कि ई फेट ही सिर्फ डेवलप करेगा ऊपर के तीनों केसेस में. तो अगर मान लीजिए इस केस में ईएमएस से निकलने वाला जो सेल है, क्योंकि आप लगातार जो है यहाँ पे उस रिसेप्टर को एक्टिव कर रहे हो, चाहे कोई भी सेल हो, तो यहाँ भी वो रिसेप्टर एक्टिव है, इधर भी एक्टिव है, इधर भी एक्टिव है, इधर इधर इधर. अगर वो रिसेप्टर, वेदर रिसेप्टर इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव, लगातार वो रिसेप्टर एक्टिव है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली रिसेप्टर की एक्टिवनेस के लिए, रिसेप्टर का जब एक्टिविटी रहता है, यानी एक्टिव रहता है, तो ही ई फेट बनता है. और अगर सभी सेल में जो है रिसेप्टर एक्टिव है, तो सारा का सारा सेल जो है ई फेट ले लेगा, तीनों के तीनों केसेस में, यानी ये सब केसेस में. यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. ये एक नया म्यूटेशन केस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके आपसे पूछा गया है, ये भी सही हो गया. तो आंसर क्या हो गया हमारे यहाँ पे? ए हट गया, तो बी सी डी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाता है. क्लियर? तो ऐसे कंडीशन बेस्ड अगेन यहाँ पे एक कंडीशन जनरेट कर दिया आपके लिए, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना था. या ऑफ कोर्स अगर कोई रिसेप्टर के एक्टिव रहने की वजह से ई बन रहा है, तो अगर उस रिसेप्टर को सारे सेल्स पे एक्टिवेट करवा दोगे तो ई ही बनेगा, वेरी ऑब्वियस. ये तो म्यूटेशन केस बता दिया गया ना, बट फर्स्ट केस में P2 तो है ही नहीं, बट म्यूटेशन केस में आपको, म्यूटेशन केस में P2 चाहिए, नॉर्मल एक्सप्रेशन चाहिए, P2 नॉर्मल एक्सप्रेशन के केस में चाहिए. आप ऑलरेडी एक रिसेप्टर को लगातार एक्टिव कर रहे हो, लगातार एक्टिव इज अ म्यूटेशन केस. म्यूटेशन केस में किस चीज की जरूरत है? मोस्ट प्रोबेबली वो P2 उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करवाता है, ये नॉर्मल पाथवे होता तो, बट ये रिसेप्टर तो खुद ही एक्टिव है बिना किसी की मदद के, तो अब इसको किसकी जरूरत पड़ेगी? किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो ये हो गया आपका, दैट इज आंसर 4. ओके, अगला सवाल, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन में होमवर्क मिलूंगी आपको.
चलिए मीमूना लेट्स वेट, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ग्रेट काजल। एमएस डिफॉल्ट फेट है, अगर एमएस को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तो वो डिफॉल्ट फेट लेगा, लेकिन अगर आप जबरदस्ती उसमें एक रिसेप्टर एक्टिवेट करवा देते हैं, वो भी म्यूटेशन केसेस में, ताकि वो रिसेप्टर लगातार एक्टिव रहे, तो वो अपना डिफॉल्ट फेट भी नहीं ले पाएगा। उस टाइम पे वो ही बनाएगा। डिफॉल्ट फेट कब आएगा? जब कुछ नहीं मिला है, उसके पास कोई काम नहीं बचा है, तो वो एक रास्ते में चला जाएगा डेवलप होने के लिए। लेकिन जब वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, उस टाइम पे आपने कुछ और उसके अंदर एक्सप्रेस कर दिया, तो वो उससे रिलेटेड फिर फिनोटाइप शो करेगा। ओके चलिए इसका आंसर दीजिए, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। इन अ वाई टाइप सी एलिगन हर्माफ्रोडाइट टू एडजेसेंट सेल Z1 डॉट ट्रिपल पी एंड Z4 डॉट ट्रिपल ए हैव द पोटेंशियल टू बिकम द एंकर सेल, दे इंटरैक्ट इन अ मैनर दैट कॉज वन ऑफ देम टू बिकम द एंकर सेल व्हाइल द अदर वन बिकम द प्रीकर्सर ऑफ यूटेरिन टिश्यू, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन टू डिस्क्राइब द इंटरेक्शन ऑफ टू सेल। पूरी की पूरी कहानी एंकर सेल की देख रखी है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला, द सेल सिक्रीटिंग लैग टू बिकम एंकर सेल, बिल्कुल सही, एंकर सेल बनने के लिए लैग टू चाहिए, यूटेरिन सेल बनने के लिए लिंट 12 चाहिए। द सेल सिक्रीटिंग लिंट 12 रिमेन एज अ प्रीकर्सर ऑफ यूटेरिन टिश्यू, बिल्कुल सही। The lint wall secreting cell take the fate of anchor cell. अरे भाई अभी तो बोला uterine tissue बनेगा, तो ये कैसे, तो पूरा contradictory statement हो गया, गलत। The hippokinase signaling pathway bring the lateral inhibition so that one cell is inhibited and the other cell is promoted to become the anchor cell. भाई anchor cell के time पे हमने hippo signaling नहीं देखी थी, right? ये hippo signaling आपको trophoblast development case में देखने को मिलेगी, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे हमने एक delta nose signaling देखी थी, जिसमें lag 2 and lint wall काम कर रहे थे, और उसके बाद वो fate को restrict कर रहे थे। तो C और D गलत हो गया, A और B सही हो गया, that is second option सही। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चरशिप या पीएचडी का अरमान, हमारे पास है आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वर्ड। विद मी लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर सीएसआईआर 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, इंपॉर्टेंट के लेक्चर्स, वन टू वन डाउट क्लियरिंग सेशन, पीडीएफ कोर्स और भी बहुत कुछ। विद मी क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट विद मी वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, यूज करिए कोड विद 20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। विद मी एजुकेटिंग इंडिया, कि आप जो हैं अच्छे से रिवीजन करके आए होंगे। कितने क्वेश्चन है? 15 से तो ज्यादा ही है, ठीक है। हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम दो क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। किसी किसी ईयर में पूछा गया है, किसी मतलब सॉरी मैक्सिमम ईयर में पूछा गया है, किसी किसी ईयर में स्किप हुआ है, ठीक है। और पहले तो एक ही शिफ्ट में पेपर होता था, इसलिए एक साल में एक ही क्वेश्चन, एक शिफ्ट में एक एग्जाम के टाइम पे, यानी एक बैच पे एक ही क्वेश्चन देखने को मिलता था। आपको दो शिफ्ट में होने लगे हैं, और अगर टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आपको दोनों ही शिफ्ट में उससे क्वेश्चन मिल जाता है। ओके तो अच्छा, पहले मैं बता दूं, क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तो पोल का सिस्टम हमारा अपडेट नहीं हुआ है, उस पर काम चल रहा है, टीम काम कर रही है उसको बनाने में। तो अभी के लिए आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, कि जब तक मैं ना कहूं, आप कमेंट सेक्शन में यानी चैट बॉक्स में आंसर नहीं लिखेंगे। आपको डन 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 ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि क्वेश्चन छोटा है तो कितना टाइम देना है, क्वेश्चन बड़ा है तो कितना टाइम देना है। जितना टाइम मैं दूंगी उतने ही टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अनवांटेडली अपनी एनर्जी डन लिखने में, हो गया मैम आंसर दे दे मैम, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। शांत दिमाग से सिर्फ पूरा जो आपका फोकस है वो क्वेश्चन पे लगा के रखिएगा। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं ना कहूं कि आंसर लिखिए, तब आप कमेंट सेक्शन में जो है अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं। और जिन बच्चों को दिक्कत होती है चैट बॉक्स से, जो चैट बॉक्स में आंसर नहीं देना चाहते हैं, वो अपने पास एक पेज रखें और इवैल्यूएट करें कि वो कितने क्वेश्चन सही करेंगे, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है, और प्लीज कोई यहाँ पे बच्चा ओवर स्मार्ट ना बने, अनवांटेडली जो है आंसर या कोई और कमेंट जो है चैट बॉक्स में ना पोस्ट करें, ठीक है। आप इतने मैच्योर है कि आपसे एक रिक्वेस्ट की जा रही है, तो आप उस रिक्वेस्ट को जो है थोड़ा रिस्पेक्ट देंगे। यस, तो प्लीज कोई ओवर स्मार्ट यहाँ ना बने, वरना हमने जो है उसका इंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सल वेंट्रल जो है सारा एक्सेस खराब कर देना है हमने। चलो तो पहला सवाल आपके सामने, तो बोला गया है क्वेश्चन में यहाँ पे, एंटीरियर पोस्टीरियर लिम्ब एक्सिस एंड डॉर्सल वेंट्रल नर्व प्लेट इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है। अब ये वाला चीज तो नहीं पता है फिलहाल में, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, फ्यूचर में आएगा ये। एपी एक्सिस तो पढ़ा है, तो एपी एक्सिस पढ़ा है, और अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो भाई बाइकॉइड तो ड्रोसोफिला में आता है, पैच 3 मैंने आईलैंड में देखा था, कैप्टस भी मुझे ड्रोसोफिला में मिलेगा, मतलब मैंने इसमें से अभी कुछ नहीं पढ़ा है फिलहाल की बात की जाए, लेकिन सेकंड ऑप्शन ऐसा है जो कि मैंने पढ़ा है। यानी सेकंड ऑप्शन क्या करता है, इसके लिए तो श्योर है कि सेकंड ऑप्शन जो है यानी सोनिक हेजहॉग, ये एपी एक्सिस को बनाता है। एपी एक्सिस किसका बनाता है, दैट इज लिम्ब का बनाता है ये, राइट। तो इस तरीके से वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन। चलो अगला सवाल, इसके लिए यू विल बी गेटिंग 2 मिनट्स, एक एक वर्ड पे आपका ध्यान रहना चाहिए क्या क्या बोला जा रहा है। आंचल माही, क्या हुआ जी, हमें भी बताइए क्या दिक्कत हो रही है, कमेंट सेक्शन में क्यों आपके रिस्पॉन्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत है हमें बताइए, हम उस दिक्कत को थोड़ी और बढ़ा देते हैं। लास्ट 40 सेकंड्स लेफ्ट। ओपिलिया, जस्ट आई हैव मेंशन नॉट टू आंसर इन चैट बॉक्स। ओके आंसर नाउ, लेट्स सी क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द टेट्रापॉड लिम्ब
फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट वेर विजुअलाइज्ड। कुछ यहाँ पे टेट्रापॉड लिम्ब से रिलेटेड, प्रॉक्सिमल डिस्टल ग्रोथ से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। आपको क्या बताना है, विच वन ऑफ द अबव वुड शो द पॉसिबल इंट्रैक्शन बिटवीन द AER एंड लिम्ब मेसेनकाइम डायरेक्टली बीनीथ इट ड्यूरिंग द लिम्ब डेवलपमेंट। पॉसिबल इंट्रैक्शन यानी एक तरीके से यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट की बात की गई है कि बताइए करेक्ट क्या होगा। पहला, इफ AER इज रिमूव्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लिम्ब डेवलपमेंट, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ डिस्टल लिम्ब स्केलेटल एलिमेंट सीजेस। देखिए ये स्टेटमेंट जनरल था या स्पेसिफिक था, ये स्टेटमेंट स्पेसिफिक था। इसमें अच्छे से मेंशन किया है कि डिस्टल पार्ट मिसिंग हो जाएगा, डिस्टल पार्ट नहीं बनेगा। आपको याद आ रहा होगा वो डायग्राम जिसमें हमने देखा था कि प्रॉक्सिमल एरिया तो बन गया था, डिस्टल एरिया नहीं बना था, राइट। तो देखा जाए तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू होगा। सेकंड देखिए, इफ द लेग मेसेनकाइम इज प्लेस्ड डायरेक्टली बीनीथ द विंग AER, यानी विंग AER है उसके जस्ट बीनीथ एरिया में हमने लेग मेसेनकाइम डाल दिया तो क्या बनेगा, तो हमें मिल रहा था प्रॉक्सिमल एरिया में विंग्स और डिस्टल एरिया में लेग। लेग यानी डिस्टल एरिया में हमको हाइंड लिम्ब मिल रहा था, राइट। स्ट्रक्चर डेवलप एट द एंड ऑफ द लिम्ब, बिल्कुल सही, ट्रू। ये भी स्पेसिफिक बेसिस पे पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, इफ एन एक्स्ट्रा AER इज ग्राफ्टेड ऑन टू एन एक्जिस्टिंग लिम्ब बर्ड पे अगर आपने एक्स्ट्रा AER ग्राफ्ट कर दिया, आपको सुपर न्यूमरेरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ मिलेगा, यूजुअली एट द एंड ऑफ द लिम्ब। सुपर न्यूमरेरी स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ द लिम्ब यानी डिस्टल पार्ट का डुप्लीकेशन हो रहा था, याद आ रहा है सारा डायग्राम हमने देखा था, राइट। तो ये क्या हो गया, ये भी जो है ट्रू हो गया। फोर्थ देखिए, इफ द लेग मेसेनकाइम इज प्लेस डायरेक्टली बीनीथ द विंग AER, प्रॉक्सिमल हाइंड लिम्ब, प्रॉक्सिमल एरिया में हाइंड लिम्ब बनेगा, नहीं डिस्टल एरिया में हाइंड लिम्ब बनेगा। देखिए प्रॉक्सिमल वर्ड के कारण पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो देखा जाए तो ये गलत देके रखा है, हेंस ए बी सी, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी फोर्थ स्टेटमेंट सही है। चलो अगला सवाल, यू विल बी गेटिंग 1.5 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। ओके आंसर नाउ, दुर्गा रिकॉर्डिंग जब आप देखते हैं तो आपको जो है एक छोटा सा इस टाइप का स्टार बटन मिलता है, ऐसा वाला, उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर ऑप्शन आता है कितनी स्पीड में आपको देखना है, तो वो जो बटन होता है वो सेटिंग का बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा कौन सी स्पीड में देखना है, वो ऑप्शन क्लिक कीजिए आप उसी स्पीड में देख सकते हैं। चलो ऐप में जाइए, टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े होंगे तो गिवन हेल्पलाइन नंबर पे अपने पेमेंट का प्रूफ दे दीजिएगा ताकि पता चले कि आप पेड सब्सक्राइबर है, उसके बाद वहां से जो है आपको गाइडेंस मिल जाएगी। ओके क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पे देखिए, बढ़िया से क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट वर कैरिड आउट टू डेमोंस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ एपिकल एक्टोडर्मल रिज AER ऑफ द चिक लिम्ब बर्ड ऑन द अंडरलाइन मेसेनकाइमा लिस्टेड बिलो अलोंग विद द एक्सपेक्टेड आउटकम। वो जो AER ग्राफ्टिंग वाला एक्सपेरिमेंट था ना, उसी पे सवाल आया है, ये CSR का फेवरेट है, जो AER ग्राफ्टिंग वाला एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें चार पांच अलग अलग एक्सपेरिमेंट देखा था, वो CSR का फेवरेट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी उसी से आया है, पिछला क्वेश्चन भी उसी से आया था, आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बोला गया है पहला ऑप्शन में, रिमूवल ऑफ AER ऑफ फोर लिम्ब लीड टू द सीजेशन ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट, यानी अगर आप AER को फोर लिम्ब से हटा दो लिम्ब डेवलपमेंट रुक जाएगा, यस ट्रू है ये। नेक्स्ट, इफ एक्स्ट्रा AER इज प्लेस्ड इन द फोर लिम्ब बर्ड पर अगर आप एक्स्ट्रा AER लगा देंगे डुप्लीकेशन हो जाएगा डिस्टल रीजन का, और इसके रिजल्ट में जो है विंग्स देखने को मिलेगा, यानी विंग्स में डुप्लीकेशन देखने को मिलेगा, देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, बिल्कुल होगा। तीसरा देखिए, अगर हम एक एक्स्ट्रा AER प्लेस कर दे फोर लिम्ब बर्ड पे तो लेग डेवलप हो जाएगा विंग्स के बदले, नो भाई गलत बोला है, फॉल्स। ए सही है, बी सही है, सी गलत है। देखिए यहाँ पे भी ए बी कॉम्बिनेशन नहीं है, ये भी ए बी कॉम्बिनेशन नहीं है, इधर भी नहीं है, देखिए फोर्थ ऑप्शन में ए बी का कॉम्बिनेशन है, और अभी तक हमने सिर्फ तीन स्टेटमेंट सॉल्व किया है। डी देखिए क्या बोला है, इफ AER ऑफ फोलिम बर्ड इज रिप्लेस्ड, AER को हटा के अगर आप यहाँ पे FGF बीट्स डाल दें, FGF बीट्स में भी इसने FGF2 यूज किया है, ठीक है हमको जैसे पता है रिडंडेंट फंक्शन होता है FGF का, रिपीटेटिव फंक्शन रखते हैं, तो अगर आप वहाँ पे बीट्स डाल दें तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल विंग्स डेवलप हो जाएगा, बिल्कुल सही, ट्रू बोला है, क्योंकि फोलिम के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं AER को हटा के FGF जब तक आप नहीं डालोगे, क्योंकि FGF क्या कर सकता है, सब्सटीट्यूट कर सकता है AER की कमी को, राइट, तो विंग्स डेवलप हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लास्ट में बोला है अगर नॉन लिम्ब मेसेनकाइम को हम प्लेस कर दे AER के बिलो तो AER जो है उस मेसेनकाइम को डायरेक्ट करेगा ताकि वो विंग्स बना ले, नहीं नॉन लिम्ब मेसेनकाइम कैसे विंग्स बनाएगा, लिम्ब फॉर्मिंग मेसेनकाइम विंग्स बनाएंगे ना, हाइंड लिम्ब बनाएंगे, नॉन लिम्ब वाला तो बनाएगा नहीं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स। तो इस तरीके से देखा जाए तो ए सही है, बी सही है, और डी सही है, यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। अगला सवाल, टू मिनट्स होपफुली क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। ओके आंसर नाउ, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। द प्रॉक्सिमल डिस्टल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द टेट्रापॉड लिम्ब बर्ड आर मेड पॉसिबली बाय सीरीज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द एपिकल एक्टोडर्मल रिज एंड द लिम्ब बर्ड मेसेनकाइम डायरेक्टली बीनीथ इट। सम ऑफ द इंटरेक्शन परफॉर्म इन चिक डेमोंस्ट्रेट द फॉलोइंग रिजल्ट। आपको क्या बताना है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है, व्हेन द AER वाज रिमूव्ड एट एनी टाइम ऑफ डेवलपमेंट फर्दर डेवलपमेंट ऑफ डिस्टल लिम्ब स्केलेटल एलिमेंट सीज। ये पहला स्टेटमेंट जो है ये पूरा रिपीट हुआ है 2012 के क्वेश्चन के साथ, तो ये क्या है, ये ट्रू है। अगर आपको AER आप कभी भी हटा दो आगे का डेवलपमेंट सीज हो जाएगा, रुक जाएगा। नेक्स्ट, द लेग मेसेनकाइम वाज प्लेस्ड डायरेक्टली बीनीथ द विंग AER, डिस्टल हाइंड लिम्ब स्ट्रक्चर डेवलप एट द एंड ऑफ विंग। यस बिल्कुल सही, ट्रू है ये, डिस्टल एरिया में जो है आपको हाइंड लिम्ब मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द लिम्ब मेसेनकाइम वाज प्लेस्ड बाय नॉन लिम्ब मेसेनकाइम बीनीथ द AER, द लिम्ब स्टिल डेवलप, नो लिम्ब डेवलप नहीं करेगा। व्हेन एन एक्स्ट्रा AER वाज ग्राफ्टेड ऑन टू एक्जिस्टिंग लिम्ब बर्ड द डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब सीजेस, नहीं भाई डुप्लीकेशन होगा विंग्स का, फॉल्स। तो ए और बी यहां पे सही हो जाता है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल, यू विल बी गेटिंग 1 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन। रोहित चौधरी एंड रश्मि मिश्रा,
आप लोग बड़ी जल्दबाजी में मालूम होते हैं, कहीं जाना है आपको। अलीशा, दृष्टि, यस आई हैव जस्ट रिक्वेस्टेड नो, जब तक मैं ना बोलूं कमेंट सेक्शन में आंसर मत दीजिए। चलिए पोस्ट योर आंसर। Formation of digit and sculpting of tetrapod limb required death of specific cell in the limb in a programmed manner. Which one of the following interaction could explain proper limb formation? कौन सा यहाँ पे interaction proper limb के formation को बताएगा? तो देखिए, पहले बोला है कि BMP along with FGF this will going to activate DKK1 and DKK1 will lead to the apoptosis. Yes, this is true. ये तो अभी true दिख रहा है apoptosis वाला pathway. Next देखिए, BMP along with WNT beta cat that will lead to the cartilage formation. ये भी सही लग रहा है. यानी पहला ही statement जो है हमको सही लग रहा है. पहला statement मतलब कि पहला जो pathway दिया है वो हमको ठीक लग रहा है. Next देखते हैं, BMP बोला है कि BMP WNT को activate करवाएगा तो वो DKK1 को अलग से activate करवाएगा और BMP cartilage के formation को रोक देगा. ये गलत. ये भी देखिए, ये भी पहले अलग ही चल रहा है. DKK1 activate करवा दिया. तो हमने ये वाला पाथवे पढ़ा था, राइट? अगर आप ध्यान दें तो जो पाथवे हमने आज पढ़ा था पूरा उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, कुछ अलग से नहीं किया है. मुरारी जी, क्या पढ़ रहे हैं जी? फोर्थ ऑप्शन का आंसर, फोर्थ ऑप्शन आंसर में बता रहे हैं. चलिए 40 seconds फॉर दिस क्वेश्चन. हाँ जी श्रद्धा, आपका कमेंट शो हो रहा है. ओके आंसर नाउ. क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एपिकल एक्टोडर्मल रिज यानी AER. इंडक्शन इज एसेंशियल फॉर टेट्रापॉड लिम्ब डेवलपमेंट. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल लिम्ब. आपने अभी पूरा लिम्ब डेवलपमेंट डन कर लिया, राइट? आपको बताना है इनमें से कौन सा फैक्टर एसेंशियल नहीं है फंक्शनल लिम्ब बनाने के लिए. पहला है TBX जीन एंड WNT. बिल्कुल, हमने इन दोनों का रोल देखा था जब लिम्ब बर्ड जो है लिम्ब बर्ड डेवलप हो रहा था उस टाइम पे, दैट इज हाइंड लिम्ब एंड फोर लिम्ब दोनों के केस में देखा था. एंड्रोस्टेरॉन का हमने कहीं रोल नहीं देखा अभी तक. एपोप्टोटिक जीन का रोल हमने कब देखा था? जब ऑटोपोड का स्कल्पिंग चल रहा था, राइट? स्कल्पिंग के टाइम पे जो एपोप्टोसिस होगा तो उस एपोप्टोसिस में क्या होगा? एपोप्टोसिस में एपोप्टोटिक जीन एक्टिवेट होंगे तभी तो सेल डेथ होगा, तभी तो सेल डेथ होगा, राइट? तो एपोप्टोटिक जीन भी हम जीन को कंसिडर करें क्योंकि वहां एपोप्टोसिस हो रहा है. TBX जीन भी काम करेगा. फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर ऑफ कोर्स लिम्ब बर्ड से लेके लास्ट तक एक्सेस फॉर्मेशन तक इसने मदद किया है. तो ये सारे फैक्टर हेल्प करेंगे. जो एसेंशियल नहीं है वो कौन सा है? वो है एंड्रोस्टेरॉन, दैट इज सेकंड ऑप्शन. ऑड वन आउट, गयो. अगला क्वेश्चन 40 seconds. ओके आंसर नाउ. क्वेश्चन में बोला गया है, व्हाट वुड हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट इन चिक एम्ब्रियो वेयर द लेग मेसेनकाइम इज प्लेस्ड डायरेक्टली बीनीथ द विंग एपिकल एक्टोडर्मल रिज. ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये वाला बनेगा कि स्टार्टिंग में जो है विंग्स बन जाएगा इस तरीके से, और डिस्टल एरिया में क्या बन जाएगा? डिस्टल एरिया में इस तरीके से लेग बन जाएगा. तो ये हो गया लेग, ये हो गया विंग्स, राइट? जो कि विंग्स बनेगा कहां पे? प्रॉक्सिमल में. और लेग यानी हाइंड लिंब बनेगा कहां पे? डिस्टल में. ये रिजल्ट आएगा, पढ़ाया हमने. बोला है डिस्टल हाइंड लिंब स्ट्रक्चर डेवलप एट द एंड ऑफ द लिंब. एकदम सत्य वचन, ट्रू. नेक्स्ट, कंप्लीट हाइंड लिंब विल फॉर्म इन द रीजन वेयर द फोर लिंब शुड बी. नहीं भाई, फोर लिंब भी तो बन रहा है, विंग्स भी तो बन रहा है. द फोर लिंब वुड फॉर्म नॉर्मली. नहीं, आधा बनेगा. नीदर द फोर लिंब नॉट द हाइंड लिंब वुड फॉर्म. कैसे कैसे? गलत एकदम. तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया. अगला सवाल 40 seconds. ओके आंसर नाउ. क्या बात है अजय जी, अभिषेक जी, बड़े तेज मालूम होते हैं आप लोग. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिम्ब डेवलपमेंट इन माइस इज ट्रू. माइस में लिम्ब डेवलपमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? बोला है जीन इनकोडिंग TBX5 इज ट्रांसक्राइब्ड इन द लिम्ब फील्ड ऑफ हाइंड लिम्ब. TBX5 हाइंड लिम्ब में बनता है? नहीं भाई, फोर लिम्ब का केस है, मैंने बताया था. TBX5 फोर लिम्ब बनाएगा, फोर हाइंड लिम्ब बनाएगा, फोर लिम्ब कभी नहीं बनाएगा. ये ट्रिक बताया था ना मैंने. नेक्स्ट बोल देखिए, बताया गया TBX4 जो है फोर लिम्ब बनाएगा. अगेन गलत. स्लेट वन बोल सकते हैं, आईलेट वन बोल सकते हैं, सब टू यू. स्लेट वन, TBX4, पिट एक्स, दे आर एक्सप्रेस इन प्रिजम्प्टिव हाइंड लिम्ब. यस, हाइंड लिम्ब में ये एक्सप्रेस होते हैं. स्लेट वन, TBX4 एंड पिट एक्स आर एक्सप्रेस इन प्रिजम्प्टिव फोर लिम्ब. अभी बताया था फोर कभी फोर लिम्ब में एक्सप्रेस नहीं होता. सो वी कैन गो विथ थर्ड ऑप्शन. अगला सवाल, एंड यू विल बी गेटिंग 1 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन. अपने स्कोर्स भी चेक करते रहिएगा कितने क्वेश्चन हम कर रहे हैं और आपकी कितनी स्कोरिंग हुई एंड कितने सही किए आपने. एट द एंड में पूछूंगी सबसे. ओके आंसर नाउ. अरे जी, कान में कान डाल के रखे हैं, कानपुर में हड़ताल चल रही है आपके, बता दीजिए जरा सा.
Homeobox transcription factor, that is called the Hox gene, play important role in specifying whether a particular mesenchyme cell will become stylopod, zygopod, autopod. यानी Hox gene के expression से ये पता चलता है कि mesenchymal cell stylopod बनेंगे, zygopod बनेंगे या autopod बनेंगे. इसी expression के base पे जो है यहाँ पर model propose किया गया है Hox gene का, जो कि specify करेगा limb region में identity को. What would be the observed phenotype for human homozygous for Hox D13 mutation? असली question तो यहाँ से शुरू होता है. कि अगर ह्यूमन में होमोजाइगस कंडीशन में हॉक्स D13 का म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा. अरे भाई हॉक्स D13 है, 13 मतलब कि कुछ भी करो ये ऑटोपॉड में गड़बड़ी करवाएगा, राइट. और हमने ये केस देखा था कि, और इस केस में मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था, राइट. बोला नो जिगोपॉड फॉर्मेशन, ऐसे कैसे. एबनॉर्मलिटी ऑफ हैंड एंड फीट वेयर इन द डिजिट फ्यूज, एक्जैक्टली. डिफॉर्मिटीज इन स्टाइलोपॉड, नो फीमर ऑफ और पेटेला फॉर्मेशन, गलत. यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज सेकंड, राइट. पॉलीस इन डक्टाइली कंडीशन था. चलो अगला सवाल, एंड यू विल बी गेटिंग 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन. यस, डिजिट्स फ्यूज जाते हैं, लेग हो या हैंड हो. ऑटोपॉड बनेगा, ऑटोपॉड नहीं बनेगा जी, प्रॉपर ढंग से. ये क्या हो रहा है, मैंने आंसर देने के लिए कहा, ये जो बच्चे मस्त तरीके से जो है झूमते चल रहे हैं चैट बॉक्स में. अजय, श्वेता, रश्मि, नेहा, स्वाति, आशीष, प्रिया, ईशा, बगमिता, विपिन, सना, शमीमा. यस, मैंने आप लोगों को आंसर देने के लिए कहा. काजोल, मुरारी, प्रिया, वो जो ब्रेन सर ने एक अच्छी सी आपको रेमेडी दी है ना, कि कान में जो रुई डाल के रखा है उसमें एक बार माचिस की तिल्ली लगा लीजिए. बात मानिए, एक बार लगा के देखिए, मजा आ जाएगा आपको भी और हमको भी, यकीन मानिए, है ना. उनकी वो रेमेडी जो उन्होंने दी है वो एक बार उसको काम में लीजिए. स्पेशली ये जो बच्चे जो इतना उछल रहे हैं मेंढक की तरह कमेंट बॉक्स में, एक बार ये अपना के देखिए रेमेडी, बहुत असरदार रेमेडी, अच्छे अच्छे लोगों की, मतलब बोलते ना कान और दिमाग को चलाने में बहुत असरदार है ये रेमेडी, ट्राई कीजिए एक बार प्लीज. चलिए आंसर दीजिए, अलग ही जोश में है यहाँ पे सच में. बोला क्या है, ड्यूरिंग द विंग डेवलपमेंट इन चिक, इफ AER इज रिमूव्ड द लिम्ब डेवलपमेंट सीजेस. AER अगर हटा दिया जाता है तो लिम्ब डेवलपमेंट रुक जाता है. On the other hand, placing the leg mesenchyme directly beneath the wing AER, distal hind limb structure develop at the end of the wings. तो ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था उसी एक्सपेरिमेंट को यहाँ डिफाइन किया गया कि अगर आप AER को हटा देते हैं तो लिम डेवलपमेंट रुक जाएगा. अगर आप लेग mesenchyme को विंग mesenchyme के बीनीथ एरिया में रखते हैं तो डिस्टल पार्ट में जो है एक तरीके से लेग्स बन जाएगा और प्रॉक्सिमल पार्ट में विंग्स बन जाएगा. और अगर आप नॉन लिम mesenchyme को AER में रिप्लेस करते हैं तो AER रिग्रेस कर जाएगा, मतलब कि लिम्ब नहीं बनेगा. इन सारी बातों से कुछ यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन सामने आया, आपको बताना है कौन सा डेमोन्स्ट्रेशन जो है एक्सपेरिमेंट से सामने आया, कौन सा डेमोन्स्ट्रेशन सही है. ठीक है, पहला, फर्स्ट, द लिम्ब मेसेनकाइम सेल इंड्यूस एंड सस्टेन AER. जो लिम्ब मेसेनकाइम सेल होता है यही AER को इंड्यूस करता है, यानी बनाने में मदद करता है और AER को सस्टेन करवाता है. सस्टेन यानी उसको AER की पहचान दे के रखता है. और मेसेनकाइम लगातार डिवाइड कर रहा है तभी तो AER सस्टेन कर रहा है, यानी आउटग्रोथ बना के रख रहा है. नेक्स्ट, द मेसेनकाइम सेल स्पेसिफाई द टाइप विंग्स और लिम्ब. मेसेनकाइम सेल जो होते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं कि विंग्स बनेगा या लिम्ब बनेगा, लिम्ब्स यानी लेग बनेगा. तो ये भी सही है, हमने यही पढ़ा था कि मेसेनकाइम सेल ही ये स्पेसिफाई करते हैं कि विंग बनेगा या लिम्ब बनेगा. नेक्स्ट, AER इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग द टाइप विंग्स एंड लिम्ब. नो, हमने पढ़ा था AER इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनिंग द ग्रोथ, आउटग्रोथ को सस्टेन करने में मदद करता है, ना कि टाइप डिसाइड करने में. नेक्स्ट, AER इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेन्ड आउटग्रोथ. देखिए अगला स्टेटमेंट वही आ गया, एंड द डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब, बिल्कुल सही. फोर्थ में बोला है, द AER डज नॉट स्पेसिफाई द टाइप विंग एंड लिम्ब. बिल्कुल सही, हम भी तो तब से वही बोल रहे हैं कि कोई भी AER जो है विंग या लिम्ब बनेगा इस बात को स्पेसिफाई नहीं करता, वो सिर्फ आउटग्रोथ को सस्टेन करवाता है और लिम्ब का डेवलपमेंट करवाता है. तो देखा जाए तो सी को छोड़ के ए बी डी ई चारों स्टेटमेंट सही है, मतलब सेकंड ऑप्शन सही है. इजी क्वेश्चन, अगला 40 सेकंड्स. शार्क टैंक पे बाद में जाएगा, पहले क्लास वाले टैंक पे आइए. ह्यूमन पॉलीसिंडक्टाइली दैट इज जॉइनिंग ऑफ एक्स्ट्रा डिजिट सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम होमोजाइगस म्यूटेशन एट. कौन से लोकस पे होमोजाइगस म्यूटेशन के कारण पॉलीसिंडक्टाइली कंडीशन आता है. हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था हॉक्स D13. किस हॉक्स जीन के कारण आता है, किस वेरिएंट के कारण आता है, दैट इज डी के कारण आता है. बोला एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स लोकस, नो. वन ऑफ द जीन ऑफ हॉक्स डी, बिल्कुल सही. वन ऑफ द जीन ऑफ हॉक्स सी, नो. बीटा कैटिन लोकस, बिल्कुल नहीं. आंसर हो गया 2. आप देख रहे हैं मजेदार क्वेश्चन भी आ रहे हैं, अटपटे क्वेश्चन भी आ रहे हैं. जैसा मैंने कहा था, जितना अच्छे से रिवाइज करेंगे आप उतना मजा आएगा क्वेश्चन करने में, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में लिम्ब डेवलपमेंट को पढ़ा है. चलो अगला सवाल, यू विल बी गेटिंग 1.5 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए देखते हैं क्या बोला गया है. सोनिक हेजहॉग स्पेसिफाइड द एपी एक्सिस ड्यूरिंग द लिम्ब डेवलपमेंट, ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट इज करेक्ट. आपको सोनिक हेजॉग से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही होगा. पहला, सोनिक हेजॉग सिक्रीटिंग सेल अंडरगो एपोप्टोसिस आफ्टर परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन, इज दैट सो. क्या हमने ऐसा कुछ, अच्छा देखिए करेक्ट पूछा है, मतलब कि 3 स्टेटमेंट यहां गलत होगा और 1 सही होगा.
सिंपल सी बात है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट अगर देखा जाए कि सोनिक हेजॉग सिक्रीटिंग सेल जो है उनका एपोप्टोसिस होता है फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद, तो गलत हो गया ये। नेक्स्ट, डिसेंडेंट ऑफ सोनिक हेजॉग सिक्रीटिंग सेल बिकम बोन्स एंड मसल्स ऑफ एंटीरियर लिम्ब। ये कब पढ़ा हमने कि सोनिक हेजॉग के डिसेंडिंग सेल्स जो होते हैं जो सोनिक हेजॉग को सिक्रीट करते रहते हैं वही आगे चल के बोन और मसल्स बनते हैं, तो फिर एलपीएम और सोमाइट्स का क्या काम है भाई, गलत। नेक्स्ट, व्हेन द जीन फॉर सोनिक हेजॉग एंड ग्लाइड 3 आर कंडीशनली नॉक आउट इन द माउस लिम्ब द रिजल्टिंग लिम्ब डू नॉट फॉर्म एनी डिजिट। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो सोनिक हेजॉग और ग्लाइड 3 है जब उसको आप कंडीशनली नॉकआउट कर देंगे तो कोई भी जो लिम्ब है उसमें कोई भी डिजिट नहीं बनेगा, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि न्यूमरस डिजिट बनेगा जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, तो ये देखा जाए तो ये भी गलत। नेक्स्ट, स्पेसिफिकेशन ऑफ अ डिजिट इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ टाइम द सोनिक हेजॉग जीन एक्सप्रेस्ड एंड टू अ स्मॉलर एक्सटेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सोनिक हेजॉग प्रोटीन दैट अदर सेल रिसीव। बिल्कुल सही, ये बोली ना काम की बात कि डिजिट का स्पेसिफिकेशन प्राइमरी तरीके से किस पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए सोनिक हेजॉग बन रहा है जो कि 4, 5 एंड आधा 3 में दिख रहा था, और उसके बाद डिपेंड करता है, सेकेंडरी डिपेंड करता है कि कितना कंसंट्रेशन सोनिक हेजॉग का मिल रहा है जो कि डिजिट 3 एंड डिजिट 2 में दिख रहा था और डिजिट 1 में कुछ भी नहीं। तो देखा जाए तो फोर्थ स्टेटमेंट एकदम सही स्टेटमेंट बोला है, तो फोर्थ हमारा सही हो गया। ये सारे पॉइंट जो है आपको नोट्स में भी इजिली मिल जाएंगे क्योंकि बुक से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, चलो अगला सवाल, यू विल बी गेटिंग 1.5 मिनट्स। आज के क्वेश्चन करने के बाद आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा कि आपका फोकस कहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा तो बहुत कुछ है, स्पेसिफिक पढ़ा है, नॉन स्पेसिफिक पढ़ा है, इंपॉर्टेंट पढ़ा है, लेस इंपॉर्टेंट पढ़ा है, टू द पॉइंट पढ़ा है, एक्स्ट्रा भी पढ़ा है, राइट। तो आपको पता चल जाएगा कि वन टाइम कंसेप्ट में किसको ध्यान देना है और मैक्सिमम किस पे फोकस करना है। बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, क्वेश्चन में ये ट्रू, नॉट ट्रू, करेक्ट, फॉल्स, ये सब वर्ड को अच्छे से पढ़िएगा कि पूछा क्या गया है रिगार्डिंग द टेट्रापॉड लिम्ब डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो थोड़ी लेंदी ऑप्शन है, मतलब कि आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि एक भी गलती ना हो। नॉट ट्रू पूछा है या नॉट ट्रू यानी तीन ऑप्शन सही होगा और एक ऑप्शन गलत होगा, हमको उसे गलत को निकालना है। पहला, एज लिम्ब ग्रो आउटवर्ड द स्टाइलोपॉड फॉर्म फर्स्ट, यस, देन ज़िगोपॉड, यस, एंड देन ऑटोपॉड फॉर्म लास्ट। ठीक है, ईच फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ हॉक्स जीन एक्सप्रेशन। बिल्कुल सही बोला, जब लिम्ब ग्रो होता है बाहर की तरफ सबसे पहले स्टाइलो फॉर्म होता है, देन ज़िगो होता है और लास्ट में ऑटो होता है, बिल्कुल सही, और इन सबको स्पेसिफाई करने के लिए पर्टिकुलर हॉक्स जीन का एक्सप्रेशन होता है, ये भी बिल्कुल सही, कितना बढ़िया स्टेटमेंट लिखा है, देखिए ट्रू। नेक्स्ट, द ZPA इज मेंटेन्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ FGF फ्रॉम AER एंड सोनिक हेजॉग एक्सप्रेस फ्रॉम द मेसेंटरी, इज दैट सो। जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी जो है वो मेंटेन किया जाता है FGF के द्वारा जो कि AER से रिलीज किया जाता है और सोनिक हेजॉग जो है इस मेसेनकाइम से जो है रिलीज किया जाता है, ट्रू, ये भी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट, although cell death in the limb is necessary for the formation of digits and joints, it is never mediated by BMP. Hi Ram, आज हमने क्या पढ़ा, इतने सारे वैरायटी ऑफ BMPs हमने पढ़ा, इतना सारा BMP का हमने झमेला देखा कि ये जो है कार्टिलेज फॉर्म करवाता है, एपोप्टोसिस करवाता है, तो बोला इट इज नेवर मीडिएटेड बाय बीएमपी विच इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशिएटिंग मेसेनकाइम सेल इनटू द कार्टिलेज। तो इन्होंने सेल डेथ में जो है बीएमपी का रोल ही हटा दिया, बीएमपी ठीक है कार्टिलेज के फॉर्मेशन में मदद करता है लेकिन सेल डेथ भी तो करवाता है, तो ऑफकोर्स एपोप्टोसिस इज मीडिएटेड बाय बीएमपी, ऐसे कैसे बीएमपी को हटा दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट, द डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस इज फॉर्म्ड इन द पार्ट बाय द एक्सप्रेशन ऑफ W27A इन द डॉर्सल पोर्शन, ठीक है, ऑफ द लिम्ब एक्टोडर्म, ठीक है, विच मेंटेन द एक्सप्रेशन लेवल ऑफ सोनिक हेजहॉग इन ZPA एंड FGF4 इन द पोस्टीरियर AER। देखिए अभी जो हमने कनेक्टिंग, याद होगा आपको कनेक्टिंग लाइन पढ़ा था हमने, एक कनेक्टिंग स्लाइड मैंने आपको दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि WNT7A डॉर्सल साइड में डॉर्सल एक्सिस तो बनाता ही है लेकिन पोस्टीरियर साइड में ये सोनिक हेजॉग को स्टिमुलेट करके उसका एक्सप्रेशन बनाता है और उस साइड को पोस्टीरियर की आइडेंटिटी देता है, ये आज हमने कनेक्टिंग स्लाइड में एक्स्ट्रा पोर्शन में पढ़ा था, राइट। अब देखिए ये फोर्थ ऑप्शन उसी एक्स्ट्रा ऑप्शन में से दे दिया गया है, रीड कीजिए और जाके ये स्टेटमेंट आप स्लाइड से मैच कीजिएगा, वहां पे आपको ये लाइन एग्जैक्ट ऐसे ही मिल जाएगी, तो उस एक्स्ट्रा पोर्शन में से भी क्वेश्चन में एक लाइन दे दी गई है वहां पे, क्यों, डायरेक्टली गिलबर्ट बुक से इन्होंने उठा के क्वेश्चन बनाया है, तो जिस तरीके से मैंने नोट्स के लिए गिलबर्ट उठाया इन्होंने क्वेश्चन के लिए गिलबर्ट उठाया है, इसलिए पूरा लाइन मैच हो गया एग्जैक्ट। ठीक है, एक्स्ट्रा पोर्शन से भी आ गया, तो देखा जाए तो ये भी ट्रू है, इन्होंने पूछा था नॉट ट्रू, तो हमें थर्ड स्टेटमेंट जो है वो नॉट ट्रू लग रहा है, तो हम थर्ड के साथ चले जाएंगे। अगला सवाल, यू विल बी गेटिंग 1.5 मिनट्स। चलिए आंसर दीजिए। ओके, तो ये मैच द फॉलोइंग पूछा गया है, रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है 2022 का। अब आपको लिस्ट वन लिस्ट टू दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट वन में ईएमटी मेसेनकाइम AER प्रोग्रेस जोन ZPA ऑटोपॉड और लिस्ट टू में उन सबके डेफिनेशन है, आपको करेक्ट मैच करना है, हम पहले अपना मैच बैठाएंगे, हम डेफिनेशन वाइज चलते हैं, आसान होगा मैच करना। बोला है फर्स्ट में द सेल फाउंड विद इन द मोस्ट पोस्टीरियर रीजन ऑफ लिम्बर्ड, मोस्ट पोस्टीरियर रीजन जो है लिम्बर्ड में वहां पे क्या पाया जाता है, अगर हम यहाँ पे लिस्ट वन को देखें तो ZPA पाया जाता है, राइट, तो यहाँ पर ई का हो जाता है फर्स्ट। नेक्स्ट, द थिकनिंग ऑफ एक्टोडर्म एट द एपेक्स ऑफ डेवलपिंग लिम्ब, एक्टोडर्म थिक होके क्या बनाता है डेवलपिंग लिम्ब में, दैट इज AER बनाता है, राइट, तो सी का हो गया, देखिए टू, सी का हो गया टू।
नेक्स्ट, अ लूजली ऑर्गेनाइज्ड मेनली मेसोडर्मल एम्ब्रियोनिक टिश्यू. लूजली ऑर्गेनाइज्ड जो है मेसोडर्मल एम्ब्रियोनिक टिश्यू, ये किसके साथ मैच होगा बताइए फटाफट से, किसके साथ मैच होगा जी? बिल्कुल मेसेनकाइम के साथ मैच होगा, राइट. तो ये हो गया बी का, सी हो गया. नेक्स्ट देखिए, एपिथेलियल सेल मेकिंग अप द मेसोडर्म ऑफ अर्ली सोमैटोप्यूरे अंडरगो दिस ट्रांजिशन टू गेट इंक्लूडेड इन द मेसेनकाइमल सेल पूल. यानी कोई एपिथेलियल सेल है जो अपना ट्रांजिशन मेसेनकाइमल सेल में कर ले रहा है, मेसेनकाइमल सेल की फिनोटाइप ले रहा है. इस ट्रांजिशन को हम क्या कहते हैं? इस ट्रांजिशन को हम एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांजिशन कहते हैं, राइट, ईएमटी कहते हैं. तो ए का क्या हो गया? ए का हो गया फोर्थ. नेक्स्ट, द प्रोलिफरेटिव मेसेनकाइम दैट फ्यूल द लिंब बर्ड ग्रोथ. प्रोलिफरेटिव मेसेनकाइम कहां पे प्रोलिफरेशन होता है? दैट इज पीजेडएम में, प्रोग्रेस जोन ऑफ मेसेनकाइम में. तो डी का क्या हो गया? फिफ्थ. नेक्स्ट, द डिस्टल पार्ट ऑफ टेट्रापॉड लिंब. डिस्टल पार्ट ऑफ टेट्रापॉड लिंब क्या होगा? सबसे डिस्टल में हमको ऑटोपॉड देखने को मिलता है. तो एफ का क्या हो गया? एफ का हो गया सिक्स. मैच कर लीजिए ए का फोर. ए का फोर देखिए सिर्फ एक ही में है, ये तो इसी से आंसर सॉल्व हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन. उसके बाद हमने बी का थ्री किया है, बी का थ्री यहाँ मैच हो गया. फिर हमने सी का टू किया है, सी का टू मैच हो गया. फिर डी का फाइव किया है, डी का फाइव भी मैच हो गया. ई का हमने वन किया है, ई का वन हो गया. और एफ का हमने सिक्स लिया है, एफ का सिक्स इधर भी हो गया. फर्स्ट ऑप्शन हमारा डन. अगला सवाल, यू विल बी गेटिंग 1.5 मिनट्स. ओके, यू कैन आंसर नाउ. चलो देखते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन. गिवन बिलो आर स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एक्सप्रेशन ऑफ सम पैटर्न फॉर्मिंग जीन्स इन द वर्टिब्रेट लिंब बर्ड. आपको बताना है. अच्छा, क्वेश्चन देखिए क्या है. क्वेश्चन यहाँ तो चार स्टेटमेंट दे दिए, पांच स्टेटमेंट दिए हैं. क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है. क्वेश्चन है, द नेल पिटाला सिंड्रोम इन ह्यूमन एंड द सिंड्रोम इन माउस एग्जिबिटिंग फुट पैड ऑन बोथ डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस ऑफ लिंब आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द अबव मेंशन जीन फंक्शन. यानी नेल पिटाला सिंड्रोम हुआ है और आप बताइए ऊपर में से गिवन पांच ऑप्शन में से कौन सा कंडीशन या कौन सा ऑप्शन इस डिजीज के लिए, इस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है. ठीक है, पहला, LMX1 जीन इज एक्सप्रेस्ड इन डॉर्सल मेसेनकाइम. अब LMX1 भी जीन को आप डॉर्सल मेसेनकाइम में अगर एक्सप्रेस करवाते हैं तो सारा कुछ नॉर्मल रहेगा, हमें नेल पिटाला सिंड्रोम नहीं मिलेगा. हमको नेल पिटाला सिंड्रोम वाला कंडीशन ढूंढना है. तो ए जो है वो हट गया, ए हट गया. तो एक तरीके से जो है क्या बोला, LMX1 भी जीन एक्सप्रेस्ड इन डॉर्सल मेसेनकाइम. ठीक है, ओके. नेक्स्ट देखिए, सोनिक हेजॉग इज एक्सप्रेस्ड इन पोस्टीरियर रीजन. सोनिक हेजॉग पोस्टीरियर रीजन में एक्सप्रेस कर रहा है, बट इसका तो कुछ लेना देना एक तरीके से नेल पिटाला सिंड्रोम से तो नहीं है. ये अपने आप में सही स्टेटमेंट है, बट इसका लेना देना नेल पिटाला सिंड्रोम से नहीं है, राइट. तो इसके लिए हम नहीं जाएंगे. नेक्स्ट, WNT7A जीन इज एक्सप्रेस इन डॉर्सल एक्टोडर्म. WNT7A जीन जो है डॉर्सल एक्टोडर्म में एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक्सप्रेस हो रहा है. बिल्कुल सही, ये नॉर्मल केस है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये नॉर्मल केस है. नेक्स्ट, हॉक्स 13 एंड हॉक्स डी 13 आर एक्सप्रेस इन द डिस्टल रीजन. अब देखिए ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, बट ये गिवन कंडीशन के लिए डॉर्सल वेंट्रल एक्सेस जो बन रहा है उसके लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है, राइट. तो हम इसको भी हटा देंगे. नेक्स्ट देखिए, TVX5 एंड FGF10 आर एक्सप्रेस्ड इन लेटरल प्लेट मेसोडर्म इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लिंब बर्ड. ठीक है, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है, बट ये इधर के लिए नहीं है. तो आपसे पूछा क्या था? ओके, नेल पिटाला सिंड्रोम इन ह्यूमन एंड सिंड्रोम इन माउस एग्जिबिटिंग फुट पैड ऑन बोथ डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस ऑफ द लिंब बर्ड आर एसोसिएटेड विद व्हिच वन ऑफ द अबव मेंशन्ड जीन फंक्शन. अच्छा, फाइन फाइन, यहां पे एक्चुअल में आपसे जीन फंक्शन पूछा है कि अगर हम आपको नेल पिटाला सिंड्रोम का केस बता रहे हैं ह्यूमन में, तो आप बताइए जो जीन नेल पिटाला के लिए रिस्पॉन्सिबल था उसका जीन का फंक्शन जो है क्या होगा, करता है. तो एक ये केस हो जाएगा. ठीक है, सोनिक है जो पोस्टीरियर में एक्सप्रेस करता है, बट दैट इज नॉट फॉर द नेल पिटाला सिंड्रोम रिलेटेड जीन. ठीक है, तो ये नहीं होगा. सी देखिए, WNT7 है, ये सी भी सही हो जाएगा. तो मतलब देखा जाए तो ए सही है और सी सही है. बाकी जो स्टेटमेंट दिए हैं वो अपने आप में सही हैं, लेकिन वो डीवी एक्सेस या नेल पिटाला सिंड्रोम रिलेटेड जो जीन है उसके नॉर्मल फंक्शनलिटी को वो नहीं बताते हैं. तो अगर हम इस हिसाब से चलते हैं तो ए और सी हमारा सही हो जाएगा. तो आपने देखा इस क्वेश्चन को किस लेवल से घुमाया गया है, राइट. अगर आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते तो आप ये क्वेश्चन फॉर श्योर गलत करते हैं. ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे, दैट इज फोर्थ. हमें बस पूछा था मेंशन द जीन फंक्शन, जो जीन की गड़बड़ी के कारण नेल पिटाला सिंड्रोम हो रहा है उस जीन का हमको नॉर्मल फंक्शन पूछ दिया गया था. तो आप देखेंगे तो बाकी तीन ऑप्शन एकदम ऑड है, किसी और एक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन है. ऑप्शन है सिर्फ दो ही ऑप्शन यहाँ पे डीवी एक्सेस से रिलेटेड है या नेल पिटाला सिंड्रोम रिलेटेड कुछ एरिया का क्वेश्चन है, राइट. तो यहाँ पे ऑड ऑप्शन एलिमिनेशन भी आप कर सकते थे क्योंकि डीवी एक्सेस से रिलेटेड सिर्फ दो ही स्टेटमेंट है, बाकी सब स्टेटमेंट अलग अलग एक्सेस से रिलेटेड है. चलो अगला सवाल, यू विल बी गेटिंग 2 मिनट्स. घुमंतु क्वेश्चन था ये. अच्छा, तो आप घूम गए. चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, सीख लिया.
नहीं, W27A को LMX1 नहीं बोलते हैं मनीषा जी, क्लास में आज समझाया था। W27A के द्वारा LMX1 जीन का एक्सप्रेशन किया जाता है, यानी W27A का जब सिग्नलिंग चलता है तो उसका रिजल्ट जो है LMX1B जीन का एक्सप्रेशन होता है। फिर LMX1B ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को कोड करता है, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डॉर्सल रिलेटेड जीन का एक्टिवेशन करते हैं और वो जीन डॉर्सल फेट देते हैं। रिकॉर्डिंग देखिए मनीषा जी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Yes, you can answer now. चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। In mice, the gene encoding TBX5 is transcribed in limb field of forelimb. यानी TBX5 forelimb बनाता है, ठीक है। While gene encoding the PIT-X1 are expressed in presumptive hind limb, ठीक है। Following statement are made about the limb development in mouse. Mouse में जो है limb development से related कुछ statement यहाँ पे बोला गया है। आपको बताना है correct statement. पहला, loss of TBX5 gene result in the complete failure of forelimb formation. तो देखिए बोला है कि अगर TBX5 का लॉस हो गया तो कंप्लीट फेलियर हो जाएगा फोर लिम डेवलपमेंट का। बिल्कुल सही, ट्रू। TBX4 और TBX5 के जो म्यूटेशन केसेस जितने सारे देखे थे ना, उनमें से ही चार उठा के लिए आएंगे, कुछ नहीं करेंगे, साइड से पे मैच हो जाएंगे। नेक्स्ट, हाइंड लिम बर्ड ग्रोथ एंड इनिशियल पैटर्निंग अपीयर नॉर्मल व्हेन TBX4 इज नॉक्ड आउट। यानी हाइंड लिम बर्ड का ग्रोथ और इनिशियल पैटर्निंग एकदम ठीक हुई जब जो है TBX4 को नॉकआउट किया गया, ठीक है। हाइंड लिम बन रहा है ना, तो TBX4 को जब आप नॉकआउट कर रहे हो तो हाइंड लिम का ग्रोथ जो है एक तरीके से नॉर्मल हुआ, इनिशियल पैटर्निंग भी नॉर्मल हुई। लेकिन ऑल्दो लेग डेवलपमेंट अरेस्टेड प्रीमैच्योरली, लेकिन लेग का जो डेवलपमेंट है आगे चल के वो प्रीमैच्योर तरीके से जो है अरेस्ट हो गया। तो देखा जाए तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये हमने पढ़ा भी है, ट्रू। नेक्स्ट, मिस एक्सप्रेशन ऑफ PIT-X1 इन फोर लिम सीजेस द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स बोन्स एंड टेंडन। जबकि ये क्या है, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। PIT-X1 के मिस एक्सप्रेशन का ये केस हमने नहीं देखा था, अलग देखा था। नेक्स्ट, व्हेन इसलेट 1 इज इनएक्टिवेटेड स्पेसिफिकली इन लेटरल प्लेट मेसोडर्म द हाइंड लिम स्टिल डेवलप। नहीं, इसलेट 1 के केस में हमने देखा था कि अगर इसको आपने हटा दिया तो इनिशिएशन जो था वही नहीं होगा। तो ये कैसे बोल रहा है कि लिम डेवलप होगा, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस बेसिस पे चलते हैं तो हमको ए और बी ऑप्शन जो है फिलहाल में सही मिला है। आप चाहें तो नोट से क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये सारे स्टेटमेंट आपको TBX4 और TBX5 का जो डिटेल स्लाइड है ना म्यूटेशन केस का, वहां आपको मिल जाएगा। अगला सवाल, you will be getting 2 minutes for this question. क्या बोला है, TBX4 and 5 are critical in specification of hind limb and forelimb respectively. The following statement were made regarding the experiments involving expression of TBX4 and TBX5 gene and their probable outcome. कुछ outcome भी बताए गए हैं। पहला, when the chick embryo was made to express TBX4 through the flank tissue, limb induced in the anterior region often become leg instead of wings. एकदम सही बोला है। अगर आपको याद ना हो तो ये स्टेटमेंट हमने आज एटलीस्ट पढ़ा था, रुकिए मैं दिखाती हूँ आपको। आई थिंक जब काइमेरा हमने पढ़ा था उस वाली स्लाइड में हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा था कि फ्लैंक एरिया में अगर हम ये एक्सप्रेस करवाते हैं, ये देखिए ये रहा स्टेटमेंट, ये रहा TBX4, अगर आप when the chick embryo was made to express TBX4 throughout the flank tissue, limb induced in the interior region of flank often become the leg instead of wings. अब ये स्टेटमेंट देखिए और ये जो क्वेश्चन वाला था ये स्टेटमेंट देखिए। पहला स्टेटमेंट देखिए, when the chick embryo was made to express TBX4 throughout the flank tissue, limb induced in the interior region often become leg instead of wings. पूरा as it is स्टेटमेंट दिया गया है, राइट? ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट, लॉस ऑफ TBX4 function, loss of TBX4 function in hind limb field completely leg initiation and growth. TBX4 आपको पता है ये हाइंड लिम के केस में काम करता है और TBX4 अपने आप एक्टिव होता है, उसके पीछे कोई और फैक्टर एक्टिवेट नहीं होता है, राइट? तो यहाँ पे वही बोला है कि TBX4 जब एक्टिवेट होगा, अगर उसका लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो कंप्लीटली हाइंड लिम फील्ड जो है वो इनहिबिट हो जाएगा, वहां पर लेग का इनिशिएशन नहीं होगा ना ही ग्रोथ होगा। देखा जाए तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ TBX5 जीन इन चिक में अगर TBX5 जीन का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, दिस विल रिजल्ट इनटू कंप्लीट फेलियर ऑफ फोर लिम्ब फॉर्मेशन व्हिच इंक्लूड्स इवन द मोस्ट प्रॉक्सिमल शोल्डर एंड द ग्रेडल स्ट्रक्चर। यानी अगर चिक में TBX5 का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है तो फोर लिम्ब का फॉर्मेशन जो है पूरा का पूरा फेल हो जाता है, जिसमें कि प्रॉक्सिमल एरिया का शोल्डर का फॉर्मेशन भी यहां तक की रुक जाता है। अब ये स्टेटमेंट देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी जो है यहां पे आपको पढ़ा के रखा है। TBX5 वाली स्लाइड पे चलते हैं, ओके देखते हैं। ये देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट लाइन मैंने डाली थी, ये देखिए यहाँ पे बोला है लॉस ऑफ TBX5 जीन इन चिक माइस फिश। इन्होंने 3 केस दिया था, इसमें से 1 केस पे उन्होंने क्वेश्चन बना दिया। दिस विल रिजल्ट इनटू कंप्लीट फेलियर ऑफ फोर लिम्ब फॉर्मेशन दैट इंक्लूड इवन द मोस्ट प्रॉक्सिमल शोल्डर ग्रिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये केस हो गया।
तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग केसेस में, यहाँ पे भी सवाल देखिए मिस एक्सप्रेशन ऑफ पिटेक्स 1 पे भी अभी पुराना वाला सवाल पूछा गया था, राइट। तो इस तरीके से जो है आपसे वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है जो आपको पढ़ाए गए हैं, तो इस बेसिस पे चलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो ए सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, इस हिसाब से चले तो फोर्थ स्टेटमेंट सही है। सीबीएस फोर को हटाएंगे फिर भी इनिशिएशन तो होगा ना, सीबीएस फोर को हटाएंगे तो इनिशिएशन होगा, मतलब रिवीजन नहीं चल रहा है, राइट। ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो मतलब रिवीजन नहीं चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे बोला गया चिक में अगर लॉस ऑफ टीबीएक्स 4 का फंक्शन हुआ द हाई लिंब फेड कंप्लीटली इनहिबिट लेग इनिशिएशन एंड ग्रोथ। ये लो पूरा का पूरा स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट यहाँ मिल गया। इसको समझाते वक्त मैंने ये भी कहा था कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म म्यूटेशन के इफेक्ट में थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है, और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि इसीलिए हमें प्री एज्यूम नहीं करना है कि ये म्यूटेट हो गया तो ये चीज नहीं बनेगी। चिक के केस में देखा गया कि टीबीएक्स 4 का अगर फंक्शन लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है तो कंप्लीटली हाइंड लिंब फील्ड जो है वो इनहिबिट हो जाएगा और लेग का इनिशिएशन और ग्रोथ नहीं होगा। ये लीजिए पूरा का पूरा लाइन यहीं पे मैच हो गया, यही से उठा के दिया गया है। बी कैसे सही है, बी में क्या बोला है लॉस ऑफ टीबीएक्स 4, यही तो बता रही हूँ भाई। ये लोग मतलब रिवीजन करके नहीं आए हो, सीधी सी बात है, ये जो पूछ रहे हो आप सवाल मतलब रिवीजन करके नहीं आए हो। ये लो ये वाला स्टेटमेंट एज इट इज कॉपी पेस्ट करके दिया गया है क्वेश्चन में, ये लो ये वाला स्टेटमेंट। ये समझाया भी है जबकि क्लास में फिर भी बोल रहे हो मैम ये कैसे हो गया, ये लो ये वाला स्टेटमेंट है ये जो दिया गया आपको क्वेश्चन में। एक मेंशन नहीं था तो और आपने टीबीएक्स 5 का लॉस ऑफ फंक्शन किसके केस में पढ़ा है, और कहीं पढ़ा है देख लीजिए, और तो कहीं आपको लॉस ऑफ फंक्शन पढ़ा नहीं गया टीबीएक्स 4 का। तो मैंने तो बोला ही था आपको चिक और माउस के केस में ही मैक्सिमम चीजें पढ़ाई गई हैं, और कहीं भी पढ़ाया लॉस ऑफ फंक्शन? साफ साफ बोला था कि टीबीएक्स 4 जो है उसका रोल हाइंड लिंब के स्पेसिफिकेशन में डिफर करेगा बिटवीन चिक एंड माइस, ठीक है। माइस के केस में जो है यहाँ पर अलग केस है, और माइस के केस में यहाँ पे टीबीएक्स 4 का नॉकआउट देखा गया था, उसमें आपको अलग रिजल्ट देखने को मिला था, और इस चीज पे भी सवाल पूछा गया है जो अभी हमने देखा था। इसलिए बोला था अच्छे से आपको इसको रिवाइज करना होगा, आप नहीं रिवाइज करेंगे तो ऐसी ही गलतियां होंगी, आपको लगेगा ये हो रहा है लेकिन रियलिटी में फैक्ट्स कुछ और है, कंसेप्ट कुछ और है। सृष्टि जी पता कीजिए रोल है या नहीं, ये काम आपका है, मैंने चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, उसके बाद भी ये सवाल आ रहे हैं तो आप क्या कर रही है, रिविजन नहीं कर रही है, सुन नहीं रही है क्लास में, तो फिर क्या कर रही है बताइए। चलिए अगला सवाल, इसलिए जो स्पेसिफिक चीजें हैं वो आपको क्लास में पढ़ाई जा रही हैं, जो नॉर्मल से डेविएट कर रही हैं वो भी बताई जा रही हैं। अब ये तो गलती होगी ना कि आप एज्यूम कर लो कि नहीं ये म्यूटेशन मतलब सब में एक ही जैसा रिजल्ट होगा, तो फिर आपको डिफर जो डिफर रिजल्ट है जो एकदम अलग रिजल्ट है वो क्यों बताया गया। आज ही आपने एक और एग्जांपल देखा सोनिक हेजॉग का केस, लेकिन ग्लाई3 और सोनिक हेजॉग के नॉकआउट केस में एकदम अलग रिजल्ट मिल रहा था, बहुत सारे डिजिट बन जा रहे थे लेकिन उसको स्पेसिफिकेशन नहीं मिल पा रहा था, उसको आइडेंटिटी नहीं मिल पा रही थी, तो वो एक यूनिक केस है जो नॉर्मल से डेविएट किया है। तो ऐसे यूनिक केसेस आपको याद रखने हैं ना, सेम केसेस याद मत रखिए लेकिन यूनिक तो याद रखिए, सेम केसेस आपके ऑलरेडी आपके दिमाग चल जाएगा उसमें आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन डेविएट केसेस यानी हमारी सोच से हटके जिसका रिजल्ट आया उसको तो याद रखना पड़ेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में तीनों स्टेटमेंट सही है, लॉस ऑफ फंक्शन का केस चिक में स्टडी किया गया है, माइस का केस अवेलेबल नहीं है उसके लिए, तो कैसे आपने माइस एज्यूम किया। चलिए आंसर बताइए। बोला गया फॉलोइंग फिगर शोज द अर्ली इंटरेक्शन बिटवीन द एईआर एंड द लिंबर्ड मेसेनकाइम, द रेड लाइन विद ब्लॉक हेड इंडिकेट रिप्रेशन व्हाइल द ब्लैक लाइन इंडिकेट द एक्टिवेशन। ये हमने आज ही पढ़ा है देखा जाए तो, ठीक है। अब यहां पे कुछ स्टेटमेंट आपको बताए गए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना है, हमने ये आज ही पढ़ा है तो आपको अच्छे से याद है, तो आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इस डायग्राम के। पहला स्टेटमेंट है व्हेन द लिंब बर्ड ग्रो, जैसे ही लिंब बर्ड बड़ा होता है सोनिक हेजहॉग बनता है और वो क्रिएट करता है एक नया सिग्नलिंग सेंटर दैट इंड्यूस पोस्टीरियर एंटीरियर पोलैरिटी। बिल्कुल सही, जब लिंब बर्ड छोटा था तो वहां पे अलग पॉजिटिव लूप चल रहा था, FGF10 WNT FGF8 FGF10 ये वाला लूप चल रहा था जब छोटा लिंब था, जब लिंब बड़ा हुआ तो एक नया सेंटर क्रिएट हुआ जो था ZPA से सोनिक हेजहॉग रिलीज हुआ और सोनिक हेजहॉग ने एक नया सिग्नलिंग सेंटर क्रिएट किया जो AP एक्सिस डिसाइड करेगा। तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट एकदम सही बोला है, ट्रू बोला है। ए सही है तो देखिए ए इधर है, इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इसके हटते ही एक ऑप्शन और हट गया वो था डी, क्योंकि डी हमें कोई ऑप्शन में अब मिल ही नहीं रहा है। क्या बोला है, रिप्रेशन ऑफ ग्रिमलिन सिंथेसिस हेल्प इन मेंटेनिंग द AER। बिल्कुल नहीं, उल्टा रिप्रेस कर दोगे आप ग्रिमलिन को तो AER भी जो है मेंटेन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि AER को मेंटेन करने के लिए FGF8 चाहिए, FGF8 को एक्सप्रेस होने के लिए BMP को इनहिबिट करना जरूरी है, BMP को इनहिबिट करने के लिए ग्रिमलिन का एक्टिव होना जरूरी है और हम यहाँ पे उसी को रिप्रेस कर रहे हैं तो AER मेंटेन नहीं हो पाएगा अगर ऐसा होगा तो, और बोला मेंटेन होगा तो डी हट गया, ठीक है। डी देखिए, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ FGF राइज
जब FGF कंसंट्रेशन राइज करता है, इट कैन इनहिबिट ग्रिमलिन, दस अलाउइंग BMP टू बिगिन रिप्रेशन ऑफ AR-FGF. बिल्कुल सही. ये कब होता है याद कीजिए, एट द एंड ऑफ लिम डेवलपमेंट, जब लिम बर्ड का ग्रोथ जो है रुकने वाला होता है तब होता है. जब FGF बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हमने बात की थी आज ही कि वो ग्रिमलिन को इनहिबिट कर सकता है. ग्रिमलिन को इनहिबिट करते ही क्या होगा, ग्रिमलिन जो है BMP को आजाद कर देगा, BMP फ्री हो जाएगा, और BMP फ्री होकर क्या करेगा, अब वो AR को रोकेगा, FGF को रोकेगा, सोनिक हेजहॉग की सिग्नल बंद करेगा, मतलब सारे स्विच को ऑफ करेगा वो, कि भाई काम हो गया अपने अपने घर जाओ. राइट, तो ये स्टेटमेंट देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ट्रू. नेक्स्ट, द FGF4917 फ्रॉम AR इनहिबिट सोनिक हेजहॉग टू स्टेबलाइज द ZPA. भाई AR जो है AR से ये रिलीज होकर सोनिक हेजहॉग को इनहिबिट करके ZPA को कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं. ZPA के स्टेबलाइजेशन के लिए सोनिक हेजहॉग का एक्टिव रहना जरूरी है, और इनका एक्टिविटी क्या करता है, सोनिक हेजहॉग को इनहिबिट नहीं कर रहा है यहाँ पे. राइट, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया. तो यहाँ पे ए सही हो गया, बी सही हो गया, सो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन. ये हमने आज ही पढ़ा है. चलिए देखते हैं क्या बोला गया. इन मॉर्फोलेक्टिक रीजनरेशन, मॉर्फोलेक्टिक रीजनरेशन में क्या होता है, देयर इज अ रीपैटर्निंग ऑफ एक्जिस्टिंग टिश्यू विद लिटिल न्यू ग्रोथ. अरे भाई बिल्कुल सही, देयर इज अ रीपैटर्निंग ऑफ एक्जिस्टिंग टिश्यू आफ्टर द स्टेम सेल डिवीजन हैज टेकन प्लेस. बिल्कुल नहीं, देयर इज अ सेल डिवीजन ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल व्हिच मेंटेन द डिफरेंशिएटेड स्टेट टू फाइनली फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. ये तो कंपनसेटरी का डेफिनेशन लिख दिया है ना, कंपनसेटरी का डेफिनेशन है. नेक्स्ट, देयर इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ अ सेल एट द कट सरफेस व्हिच बिकम अनडिफरेंशिएटेड, दीस अनडिफरेंशिएटेड सेल देन डिवाइड टू रीडिफरेंशिएट टू फॉर्म द कंप्लीट स्ट्रक्चर. ये किसका बोल दिया, ये एपिमॉर्फोसिस का बोल दिया है. हमारा जो स्टेटमेंट, हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा फर्स्ट वाला. ओके, आंसर नाउ. बोला गया है क्लोनोजेनिक नियोब्लास्ट आर इन्वॉल्व इन प्लेनेरिया दैट इज फ्लैटवर्म रीजनरेशन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ. ये किसका एग्जांपल है, पहला एपिमॉर्फोसिस, मॉर्फोलेक्सिस, स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन में हमने देखा था कंपनसेटरी रीजनरेशन भी नहीं होगा. अगला सवाल. ओके, आंसर नाउ. देखते हैं क्या बोला गया है. आप तक अपने आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. फॉलोइंग स्टेटमेंट वेर मेड रिगार्डिंग द रीजनरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स, एक या एक से ज्यादा जो भी सही है. पहला, द रीजनरेटिंग ब्लास्टिमा सेल इन एम्फीबियन रिटेन देयर स्पेसिफिकेशन इवन व्हेन दे डी डिफरेंशिएट. इज दैट सो? जो रीजनरेटिंग ब्लास्टिमा सेल्स होते हैं एम्फीबियंस में, वो अपना स्पेसिफिकेशन तब भी रिटेन करके रखते हैं जब वो डी डिफरेंशिएटेड स्टेट में होते हैं. ये है आपका पहला ऑप्शन. नेक्स्ट, अ ट्रांसजेनिक हाइड्रा व्हेन मेड टू मिस एक्सप्रेस बीटा कैट विल शो न्यूमरस एक्टोपिक टेंटिकल्स. न्यूमरस एक्टोपिक टेंटिकल्स फॉर्म होगा, क्या लगता है. हमने हमारी क्लास में जो कल की क्लास थी उसमें हमने क्या देखा था, टेंटिकल्स देखा था, जितना मुझे याद आ रहा है आई थिंक हमने बर्ड देखा था, टेंटिकल्स नहीं था. राइट, अब ये गलत तो फिर ये वाला गलत, जहां तक मुझे याद आ रहा है. नहीं देखिए, इन प्लेनेरिया इफ द WNT पाथवे इज एक्टिवेटेड देन द पोस्टीरियर ब्लास्टिमा वुड फॉर्म हेड, टेल फॉर्म करेगा, ये भी गलत. नेक्स्ट, अ रीजनरेटिंग ब्लास्टिमा इज फॉर्म्ड इन मैमेलियन लिवर. अभी बोला देयर इज नो ब्लास्टिमा फॉर्मेशन इन कंपनसेटरी रीजनरेशन, तो ये भी गलत. तो जो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट है वो हो गया हमारा ट्रू, दैट इज जो रीजनरेटिंग ब्लास्टिमा होता है एम्फीबियंस में, उनका वो अपने स्पेसिफिकेशन को तब भी रिटेन करके रखते हैं जब वो डी डिफरेंशिएट होते हैं. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक हमने ये सेम स्टेटमेंट अभी जस्ट कुछ टाइम पहले पढ़ा भी था, लेट मी चेक, जब हम स्टैट्स पढ़ रहे थे आई गेस हमने पढ़ा था. यस, देखिए सेवेंथ पॉइंट, ब्लास्टिमा सेल रिटेन देयर स्पेसिफिकेशन इवन व्हेन दे डी डिफरेंशिएट. राइट, ब्लास्टिमा सेल जो है अपने स्पेसिफिकेशन को, यानी वो आगे क्या करने वाले हैं, उसको रिटेन करके रख पाते हैं इवन व्हेन दे डी डिफरेंशिएट, जब वो डी डिफरेंशिएट करते हैं तब भी. इसलिए क्या है, इसलिए तो वो रिस्ट्रिक्टेड सेल है, क्योंकि वो अपना स्पेसिफिकेशन रिटेन करके रख पा रहे हैं, वो रिस्ट्रिक्ट है कि हमें क्या करना है उसके बावजूद भी. तो हमारा आंसर क्या हो गया, अच्छा तीनों गलत हो गए, तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट ओनली ए. नेक्स्ट, चलो बताओ आंसर क्या होगा. बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीजनरेशन इन हाइड्रा इज करेक्ट. हाइड्रा से रिलेटेड कौन सा रीजनरेशन स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. पहला, इट फॉलो ओनली स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन ओनली. नेक्स्ट, इट फॉलो ओनली स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन एंड मॉर्फोलेक्सिस. नो, इट फॉलो स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन, मॉर्फोलेक्सिस एंड एपिमॉर्फोसिस. बिल्कुल सही, ट्रू. इट फॉलो ओनली मॉर्फोलेक्सिस. नो, आंसर हो गया थ्री. अगला सवाल. हाँ देखते हैं, कुछ बच्चे ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं, बिना बोले ही आंसर देना शुरू कर देना कमेंट सेक्शन में. बहुत तेज बन रहे हो बेटा, बाय हो जाएगी फिर. हाँ कुछ बच्चों का वीडियो पीछे चल रहा होता है, उनका नेटवर्क शायद स्लो है, तो जब हम लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं तो उनकी ट्रेन तब तक खुल रही होती है, ये वाला इसी को जाता है. ओके, गिवन बिलो आर सम ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीजनरेशन. रीजनरेशन से रिलेटेड कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं. पहला देखिए, द टाइप ऑफ रीजनरेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमेलियन लिवर इज कंसिडर्ड एज कंपनसेटरी रीजनरेशन. एकदम ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट, रीग्रोथ ऑफ हेयर शाफ्ट फ्रॉम द फॉलिकुलर सेल एग्जेम्प्लीफाइड स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन. बिल्कुल सही, ट्रू. नेक्स्ट, रीजनरेशन अकरिंग थ्रू रीपैटर्निंग ऑफ एक्जिस्टिंग टिश्यू विद लिटिल न्यू ग्रोथ इज नोन एज मॉर्फोलेक्सिस. ट्रू. नेक्स्ट, एडल्ट स्ट्रक्चर अंडरगोइंग डी डिफरेंशिएशन फॉर्मिंग अ ब्लास्टिमा एंड दैट देन रीडिफरेंशिएटेड टू फॉर्म द लॉस्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपिमॉर्फोसिस. एकदम ट्रू.
हमारा ए बी सी डी सारे ऑप्शन ट्रू हो गए, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। अगला सवाल भाई, नेटवर्क स्लो चल रहा है तो आपका चल रहा है ना, हमारा तो एकदम फर्स्ट क्लास चकाचक 60 Mbps से ऊपर की स्पीड है, हम तो सही स्पीड में चल रहे हैं। अब आपकी ट्रेन का जो ऑयलिंग है, इंजन है, वो थोड़ा सा वो हो गया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं बताओ, वो तो नेटवर्क वाला इंजन आपको ठीक करना पड़ेगा, हमारी तरफ से जो हो सकता है वो हम कर दिए। ऐसे ही बच्चा था हमारी क्लास में, एक डेढ़ साल पहले की बात है, कान में हेडफोन लगाकर हमारी क्लासेस को सुन रहा था, अचानक से क्लास में टाइपिंग करने लगा, मैम आपके बैकग्राउंड से ना बहुत जोर जोर से सॉन्ग की आवाज आ रही है। तो मैंने सोचा कि भाई मेरे घर के आसपास तो कोई सॉन्ग, मतलब कोई डीजे वीजे जो होता है ना बहुत हाई साउंड में, थॉट मेरे आसपास तो ऐसा कुछ साउंड नहीं, होने से मुझे तो साउंड आता। मैंने बोला भाई मेरे यहाँ पे एकदम सन्नाटा है, ऐसे कैसे साउंड आ रही है। उसने 15 मिनट क्लास डिस्टर्ब किया, बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, प्लीज देखिए, और किसी बच्चे को साउंड नहीं आ रहा है। फिर किसी ने उसको टोका कि भाई अगर तू हेडफोन लगा के पढ़ रहा है तो एक बार हेडफोन निकाल के देख। उसने हेडफोन हटाया तो पता चला वो बैकग्राउंड में सॉन्ग हमारे बैकग्राउंड में नहीं चल रहे थे, उसके खुद के बैकग्राउंड में चल रहे थे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भी महाअनुभव दुनिया में होते हैं जिनसे हमारी मुलाकात हुई है। यस, तो कुछ इश्यूज आपके एंड से भी होते हैं, उसको आपके एंड से ही ठीक करना पड़ता है, हमने कुछ नहीं कर सकते उस मामले में। कौन बोला ट्रेन के टायर में हवा बढ़ते हैं, ये लग रहा है ये पुराने वाली टीम है। चलो बताओ इसका आंसर, बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिंब रीजनरेशन इन सैलामेंडर इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट था? पहला, a normal limb is regenerated after amputation irrespective of whether the cut was made below the elbow or through the humerus. बिल्कुल सही, यानी एक normal limb regenerate हो जाएगा amputation के बाद, चाहे आपने कहीं से भी कट किया हो, एक normal limb regenerate हो जाएगा। ये बिल्कुल सही, अभी अभी हमने ये डायग्राम भी देखा था जिसमें हमने टोटल 72 डेज वाला पूरा प्रोसेस पढ़ा था, वहीं पे ये चीज देखी थी। नेक्स्ट, इट अकर बाय कंपनसेटरी रीजनरेशन, सैलामेंडर में कब से कंपनसेटरी होने लगा। नेक्स्ट, रीजनरेशन अकर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टिमा which essentially consists of unspecified multipotential progenitor cell. हमने बोला था नहीं, multipotential progenitor cell नहीं होते हैं यहाँ, right? गलत। Proliferation of blastema cell does not require knob. ऐसे कैसे भाई, कैसे knob नहीं होता है? गलत हो गया पहला ऑप्शन हमारा सही। अगला सवाल, समझ जी एक बार application aspects देखिए इसका, किस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं। अगर place specific undifferentiated cell है तो वो एक स्पेसिफिक एरिया के लिए ही डिफरेंशिएट करेगा और स्पेसिफिक सिग्नल के लिए ही रिस्पॉन्स देगा, और अगर वो इन जनरल है देन उसके पास बहुत से एरियाज है जहां पे वो मतलब कि डेविएट कर सकता है और डिफरेंशिएट हो सकता है। लेकिन अगर एक एरिया स्पेसिफिक है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल, तो वो एक एरिया स्पेसिफिक सिग्नल के लिए रिस्पॉन्स देगा या कोई फैक्टर से क्रिएट करेगा। ये तो हो गया एक जनरल एस्पेक्ट। अब स्पेसिफिक एस्पेक्ट में अगर आपको देखना है एप्लीकेशन बेस पे, तो आपको एक बार एप्लीकेशन एस्पेक्ट्स में एक बार सर्च करना पड़ेगा, गूगल कीजिए, पता चलेगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप लेवल पे देखना मतलब वी शुड बी हैविंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। ये सारे एस वाले बच्चे जो हैं ये सांप की तरह काहे चल रहे हैं एक के पीछे एक। चलो आंसर बताओ, इन टैडपोल इफ द टेल इज एम्प्यूटेटेड इट कैन रीजनरेट। टैडपोल में अगर टेल को कट कर दो तो वो रीजनरेट हो जाता है। हाउएवर इफ द टेल इज एम्प्यूटेटेड एंड देन एक्सपोज टू रेटिनोइक एसिड इट डेवलप लिंब इंस्टेड ऑफ रीजनरेटिंग टेल। ठीक है, दिस कुड बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्वेश्चन बोला है कि अगर आप टेल को एम्प्यूटेट करके उसको रेटिनोइक एसिड से एक्सपोज कर दो तो वहां पे लिंब बन जा रहा है टेल के बल। Although, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट मुझे भी डेवलप में मिला नहीं है, बट क्वेश्चन में ऐसा दिला गया। बोला ये किस वजह से हो सकता है? अब हमें तो मतलब है कि रेटिनोइक एसिड से ट्रीट किया गया, लिंब बन गया, किस वजह से आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है। पहला, रेटिनोइक एसिड इज अ मॉर्फोजन एंड इंड्यूस जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर लिंब फॉर्मेशन। ये हमको तो पता है कि रेटिनोइक एसिड जो है मॉर्फोजन की तरह काम कर सकता है और ये लिंब फॉर्मेशन के लिए स्पेसिफिक होता है, तो दिस इज ट्रू, नो डाउट। नेक्स्ट, रेटिनोइक एसिड इज द पोजिशनल वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये लिंब रीजनरेट करने वाला स्पेसिफिक प्रोटीन है, राइट? तो ये हो गया क्या? ट्रू। नेक्स्ट, दिस इज अ रैंडम फिनोमेना एंड इट इज नॉट वेल अंडरस्टूड। नो, बिल्कुल हमको पता है कि भाई आरए कैसे काम करते हैं। रेटिनोइक एसिड पॉसिबली एक्ट एज अ म्यूटाजन, नहीं, वो मॉर्फोजन की तरह काम कर सकता है, तो ए एंड बी यहां पे सही हो जाते हैं हमारे लिए, एन ऑप्शन। अगला, इससे भी अभी तक आराम से 12 टू 13 क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछले 10 सालों में। आप सांप नहीं है, अच्छा हम सांप नहीं है मैम, अच्छा एक के पीछे एक जो है आंसर बताते हुए काहे चल रहे हो, एक ने गलती से आंसर दिया तो दूसरे वाले जानबूझ के आंसर देना शुरू कर देते हैं। जी तमल जी, ट्रिक्स तो हमेशा लगते रहते हैं, आप लगा सकते हैं।
बाय हुक और बाय क्रुक यू नीड टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. नहीं नहीं ये काहे रुकेंगे, इनकी तो ट्रेन छूट रही है ना, ये प्रिया ध्रुव रिजवाना इनकी तो अलग से ट्रेन छूट रही है, इनके लिए अलग से ट्रेन का डिब्बा चलता है जो इनके लिए छूटता रहता है. सोमा चलो बताओ आंसर. हाइड्रोस्टोमोर्फोलेक्टिक रीजनरेशन एंड इन्वॉल्व विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे इन इट्स एक्सेस फॉर्मेशन. ऑफ कोर्स इट्स अ WNT बीटा कैट पाथवे. रेटिनॉइक एसिड पाथवे नहीं, FGF पाथवे नहीं, डेल्टा नॉच पाथवे बिल्कुल नहीं. अगला सवाल. बहते नाले में हाथ धो लेते, मैंने सोचा बहती गंगा में हाथ धोते. क्या क्या वर्ड को सब्स्टिट्यूट करके आप अर्थ का अनर्थ कर दे रहे हो. वैसे सही है, सही काम में बहती गंगा हो गया और गलत काम में बहता नाला हो गया. सही है. इस नाम वाले हमारे नाम खराब कर रहे हैं. सुनील जी कल से उनील बन के घूमेंगे है ना, बिना इस लगाए. और समीर जो है वो अमीर बन के घूमेंगे. चलो बताओ क्या होगा आंसर. Will I dose dependence of retinoic acid treatment support the notion that a gradient of retinoic acid can act as a morphogen along the proximo-distal axis in developing limb? Following are certain fact related to the above notion. आपको बताना है correct statement. Next, पहला है treatment with high level of retinoic acid causes a proximal blastema to be re-specified as distal blastema and only distal structure are regenerated. भाई साहब तो उल्टा उल्टा बोल दिया. बोला retinoic acid से treat करने पे proximal axis जो है वो distal में बदल जाएगा. ठीक है, re-specified हो जाएगा. गलत. Next, treatment with high level of retinoic acid causes a distal blastema to be re-specified as proximal blastema and regeneration of full limb may be initiated. बिल्कुल. अगर आप डिस्टल एरिया को आरएस से ट्रीट करोगे तो वो प्रॉक्सिमलाइजेशन वहां करवा देगा. जैसे हमने रिस्ट से रिस्ट को जब काटा था तो रिस्ट एक डिस्टल पार्ट था, उसमें उसके ब्लास्टिमा को जब हमने आरएस से ट्रीट किया तो प्रॉक्सिमलाइजेशन शुरू हो गया वहां पे. राइट, तो बी वाला जो है यहां पे सही हो जाएगा. नेक्स्ट, अगर आप डिस्टल ब्लास्टिमा को रेटिनॉइक एसिड से ट्रीट करोगे तो सॉरी, रेटिनॉइक एसिड सिर्फ डिस्टल ब्लास्टिमा को अफेक्ट करता है और उसको प्रॉक्सिमल एक्सेस में बदलता है. नहीं, आप बीच में से भी अगर लिम्स को काट दोगे ना और आरे दे दोगे तो वो बीच में से भी आरे लेने के बाद जो शुरू से शुरू कर देगा. तो इनरेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन कहीं से भी आप काटिए आरे दे दीजिए वो प्रॉक्सिमलाइजेशन करवा देगा. राइट, तो ये क्या हो गया, ये हो गया गलत. नेक्स्ट, ट्रीटमेंट विद हाई लेवल ऑफ रेटिनॉइक एसिड कॉज एनी ब्लास्टिमा टू फॉर्म ओनली डिस्टल स्ट्रक्चर. नहीं, तो देखा जाए तो ओनली बी सही है, यानी वी कैन गो विद फोर्थ ऑप्शन. अगला सवाल. चलो बताओ क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का. बोला गया है इन केस ऑफ हाइड्रा द मेजर हेड इंड्यूसर ऑफ हाइपोस्टोम ऑर्गेनाइजर इज अ सेट ऑफ WNT प्रोटीन एक्टिंग थ्रू कैनोनिकल बीटा कैट पाथवे. व्हाट वुड बी रिजल्ट इफ ट्रांसजेनिक हाइड्रा इज मेड ग्लोबली मिस एक्सप्रेस द डाउनस्ट्रीम WNT इफेक्टर बीटा कैट. देखिए डाउनस्ट्रीम एरिया में बीटा कैट को मिस एक्सप्रेस करवाया गया है, तो हमको ये जानने को मिला था कि बहुत से एक टॉपिक यानी गलत पोजीशन पे गलत जगह पे बर्ड्स बन जाएंगे. इनफैक्ट जो नया बर्ड बनेगा ना उस बर्ड के ऊपर भी और नए बर्ड बन जाएंगे, ये हमने देखा था. राइट, अब देखते हैं. बोला एक्टोपिक बर्ड विल फॉर्म ऑल अलोंग द बॉडी एक्सिस. यस, एंड इवन ऑन द टॉप ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड बर्ड. बिल्कुल सही. नेक्स्ट, एक्टोपिक टेंटिकल्स फॉर्म एट ऑल लेवल. ये हमने कब देखा था, ये हमने देखा था. और साथ ही साथ जो ट्रंक एरिया है वहां पे भी और नए बर्ड और नए बर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे, ये भी था. राइट, ये कब देखा था हमने, जब हम GSK3 को जो है इनहिबिट कर देंगे तब था ये. तो ये सेकंड हट गया. बोथ एक्टोपिक टेंटिकल्स एंड बर्ड वुड फॉर्म. नो, देयर वुड बी नो चेंज इन ऑब्जर्व. नो, पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया. अगला सवाल. भाई साहब कितने सवाल है, खत्म नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं. चलिए बताइए आंसर. ये भी रीसेंट क्वेश्चन है, फेब 2022 का. व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ आरए ट्रीटमेंट ऑन पोजीशनल इंफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टिमा सेल प्रेजेंट ऑन द एम्प्यूटेटेड न्यूट लिम्ब. ठीक है, आरए से ट्रीट किया गया है भाई, एम्प्यूटेशन वाला जो केस हमने पढ़ा था ना, ब्लास्टिमा को इधर से उधर ट्रीट किया गया, आरए से एक बार ट्रीट नहीं किया गया, दूसरी बार ट्रीट किया गया, तो क्या रिजल्ट निकला आपको बताना है. इससे कैसे. नेक्स्ट, सेल विल बिकम स्पेसिफाइड टू मोर प्रॉक्सिमल पोजीशन. बिल्कुल सही, मोर प्रॉक्सिमलाइजेशन होगा. द सेल विल बिकम रीस्पेसिफाइड फॉर मोर डिस्टल पोजीशन. नो, सेल विल लूज देयर पोजीशन इन्फॉर्मेशन एंड रिमेन एज डी डिफरेंशिएटेड सेल. हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 2, सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है. अगला सवाल. भाई साहब ये तो उसके कितने सवाल है यार, खत्म नहीं हुआ, आई थॉट खत्म हो गया. फटाफट से सॉल्व करो इसको. आप तो शायद और कोई क्लास नहीं होगी ना, मे बी आई डोंट नो. आज क्लास नहीं हो रही है इलेक्ट्रिसिटी कट के कारण, तो कल क्लास होगी. तो कल वाला छुट्टी आज ले लीजिए, आज पढ़ लीजिए, रिवाइज करना उसको कर लीजिए, है ना. ये कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं तो अपना आते हैं, कुछ इधर उधर हो जाते हैं. ओके चलो आंसर दीजिए. कल नहीं हो पाएगा संदीप, मैं शाम को कहीं फैमिली के साथ जा रही हूँ 2 दिन के लिए, और इसलिए मैं आज एक शाम को एक क्लास ले लेती. पैकिंग वैकिंग सब कुछ बाकी है, अभी कुछ नहीं किया.
चलो देखते हैं क्या बोला गया. द इंटरेक्शन दैट मेंटेन द पोलैरिटी ड्यूरिंग द प्लेनेरिया रीजनरेशन इज शोन इन द फिगर बिलो. ठीक है, रीजनरेशन से रिलेटेड कुछ यहाँ पर इवेंट आपको बता के रखा गया है. आपको बताना है, अच्छा क्या बताना है, करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है. पहला, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस इंटरेक्शन वेयर मेड. पहला, व्हेन द नोटम एक्सप्रेशन इज नॉक्ड आउट, जब आप नोटम के एक्सप्रेशन को नॉकआउट कर देंगे, द इंटीरियर फेसिंग ब्लास्टिमा विल स्टिल फॉर्म हेड. इससे कैसे भाई, वहां WNT चलाएगा, ठीक है, तो वहां काम नहीं करेगा, तो ए हट गया, गलत हो गया. नेक्स्ट, व्हेन द नोटम इज एक्सप्रेस इन द पोस्टीरियर एंड प्लेनेरिया विल हैव टू हेड विल बी फॉर्मड. ट्रू, सही है, नोटम को आप पोस्टीरियर में लेके चले आइए, वो वहां पे WNT को फिर रोक देगा, और अगर वो रोक देगा तो फिर वहां भी हेड बनाने लगा, क्योंकि फिर वहां पे ER क्या एक्सप्रेस हो जाएगा. नेक्स्ट, व्हेन WNT पाथवे इज ब्लॉक्ड, द रिजल्टिंग प्लेनेरिया विल हैव हेड ऑन बोथ द एंड. बिल्कुल सही, दोनों एंड पे हेड चले आएंगे. नेक्स्ट, हाई लेवल ऑफ ERK इनहिबिट हेड स्पेसिफिकेशन. नहीं, ERK तो हेड स्पेसिफिकेशन करवाता है, तो ये हो गया बी एंड सी, दैट इज सेकंड ऑप्शन. चलिए बताइए, आंसर बताइए. बोला टाइप ऑफ रीजनरेशन इन विच डिफरेंशिएटेड सेल डिवाइड मेंटेन देयर डिफरेंशिएटेड फंक्शन विदाउट डी डिफरेंशिएशन एंड प्रोडक्शन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल. इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कंपनसेटरी रीजनरेशन कहते हैं, जहां पे डिफरेंशिएटेड सेल डिवाइड करते हैं, अपना डिफरेंशिएटेड फॉर्म मेंटेन रखते हैं, बिना डी डिफरेंशिएट किए और बिना अनडिफरेंशिएटेड मास को बनाए. चलो डन हो गया. ओके आंसर नाउ क्वेश्चन बोला गया, सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इन सी आर्जिन डिमांड स्पेसिफिक इंट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटीन्स एंड रिसेप्टर ऑफ स्पर्म एंड एग. In view of the above, which one of the following combination is correct? इसके रिगार्डिंग में कौन सा यहाँ पे कॉम्बिनेशन करेक्ट दिया हुआ है. पहला, बिंडिन जो है वो एक्रोसोम पे रहता है. यस, बिंडिन रिसेप्टर जो है एक के वाइट लाइन मेम्ब्रेन पे रहते हैं. बिल्कुल सही, नो डाउट. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिंडिन इन द एग मेम्ब्रेन, एग में, एग के मेम्ब्रेन में कब से बिंडिन होने लगा. गलत. नेक्स्ट, रिसेप्ट ऑन एग जेली. ओके, बिंडिन ऑन स्पर्म मेम्ब्रेन. नो, ऑन एक्रोसोमल वेसिकल. गलत. नेक्स्ट, प्रोटियोसोम ऑन, ये वाला केस कहां से आ गया, प्रोटियोसोम ऑन एग मेम्ब्रेन एंड कॉम्प्लेक्स शुगर ऑन स्पर्म मेम्ब्रेन. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की बात थोड़ी है, जिसमें कि बिंडिन एंड बिंडिन रिसेप्टर काम करते हैं. सो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन. अगला सवाल बोला गया, इन सी आर्जिन सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन कैन बी इंश्योर्ड ओनली आफ्टर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन बिटवीन द स्पर्म प्रोटीन एंड द रिसेप्टर ऑन द एग वाइट लाइन एनवेलप. विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंश्योर द प्रॉपर फर्टिलाइजेशन ऑफ सी आर्जिन एग. पहला है एक्सप्रेशन, बताना है आपको कि प्रॉपर फर्टिलाइजेशन जो है सी आर्जिन में कब होगा. When expression of EBR1, which is a putative bindin receptor, on the surface of acrosomal membrane. EBR1 acrosomal membrane पे रहता है, जो कि bindin का receptor है. गलत. Right? Next, expression of bindin just below the axillary. No. Expression of EBR on egg white line envelope. Yes, ये सही candidate है फिलहाल में, ये statement. Next, expression of bindin molecule on egg white line envelope. Bindin कब से egg white line represented? गलत. तो we can go with the third option. देख रहे हैं आप कितना आसान आसान सा question आया है. अगला सवाल. ब्लैक स्क्रीन, रेड स्क्रीन तो नहीं कुछ, क्या बात है एसके जी, कान पे आपकी जू भी नहीं रेंग रही है. हम तब से बोल रहे हैं कि कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं देना है, फिर भी आप दिए जा रहे हैं. इसको लेके हमने तीसरी बार देखा है, चल क्या रहा है. ओके, अभी सुनाई दिया, दूसरी बार टोक रहे हैं आपको. चलो आंसर दो. क्या बोला गया है, ड्राइज परफॉर्म द फेमस प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग द इंट्रिकेट रिकॉम्बिनेशन विद इन विद अ 8 सेल सी आर्चिन एमडीओ. दिस प्रोसीजर रीशफल द न्यूक्लियाई दैट नॉर्मली वुड हैव बीन इन द रीजन डेस्टिनेट टू फॉर्म द एंडोडर्म इनटू द प्रिजम्पटिव एक्टोडर्मल रीजन. इफ सेग्रीगेशन ऑफ अ न्यूक्लियर डिटर्मिनेंट हैड अकर्ड, द रिजल्टिंग एमब्रियो कुड हैव बीन डिसऑर्डर्ड. हाउएवर द ड्राइज ऑब्टेंड अ नॉर्मल लार्वा फ्रॉम द एमब्रियो. द पॉसिबल इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग द 8 सेल सी आर्चिन एमब्रियो आर. अब ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट पे, जो कि 8 सेल स्टेज में परफॉर्म किया गया था, आप उससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं. आपको बताना है टू स्टेटमेंट. पहला, द प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड ब्लास्टोमियर इज ग्रेटर देन इट्स एक्चुअल फेट. बिल्कुल सही, क्योंकि हमें वहां पे जो है कंडीशनल, इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला था हमको, दैट इज कंडीशनल स्पेसिफिकेशन देखने को मिला था. तो उसके केस में क्या होता है, उसके केस में जो पोटेंसी है वो ऑब्वियसली ग्रेटर होती है फेट के. ए स्टेटमेंट सही हो गया. नेक्स्ट देखिए, प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी एंड द प्रोस्पेक्टिव फेट ऑफ ब्लास्टोमियर वेर आइडेंटिकल. ना, ये तो ऑटोनॉमस में होता है. गलत. थर्ड, ए सी आर्चिन एमब्रियो इज अ हार्मोनियस इक्विपोटेंशियल सिस्टम बिकॉज ऑल ऑफ इट्स पोटेंशियली इंडिपेंडेंट पार्ट्स इंट्रैक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल एम्ब्रियो. बिल्कुल सही बोला गया है, इसके बारे में मैंने आज ही बताया था आपको. नेक्स्ट, रेगुलेटिव डेवलपमेंट अकर व्हेन अकर्स वेयर लोकेशन ऑफ द सेल इन द एम्ब्रियो डिटरमाइन इट्स फेट. यस, रेगुलेटिव यानी कंडीशनल डेवलपमेंट में एक एम्ब्रियो किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, वही चीज जो है उसके फेट को डिटरमाइन करती है. तो देखा जाए तो हम बी को हटा दे तो ए सी डी चारों तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, दैट इज फोर्थ ऑप्शन. ये क्वेश्चन दिख रहा है या मेरे पीछे छुप गया.
ओके आंसर नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सीआरजी इन एम्ब्रियो इज ट्रू कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है पहला Each blastomere of four cell stage possesses a portion of original animal vegetal axis and it's isolated and if isolated and allowed to develop will form a complete but smaller larval size. बिल्कुल सही. Four cell stage तक आपको पता है सभी cell के पास जो है animal hemisphere भी होता है vegetal hemisphere भी होता है इसलिए आपको cleavage समझाया गया था. जब four cell stage में जब आप cells को अलग अलग करते हैं तो आपको complete tubus larva मिलता है बस थोड़ा size में smaller होता है ठीक है. Each blastomere of eight cell stage has the capacity to form the complete embryo. बट बाई 16 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर विल डेवलप अकॉर्डिंग टू इट्स प्रेजम्प्टिव फेट. नहीं पहला वाला स्टेटमेंट सही है. एनी ब्लास्टोमियर आइसोलेटेड टिल द प्लूटस लार्वा विल फॉर्म द विल फॉर्मेशन विल रेगुलेट टू गो ऑन एंड डेवलप इनटू द फुल साइज एम्ब्रियो. नो आफ्टर एन इंट्रिकेट रिकॉम्बिनेशन एट अ 16 सेल स्टेज 8 सेल स्टेज तक हुआ था ये तो ये भी गलत हो गया. तो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन. अगला सवाल क्या बोला है द सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इन सी आर्चिन इंट्रैक्शन बिटवीन द सर्फेस सॉरी फॉर द सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इन सी आर्चिन इंट्रैक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ एग and the acrosomal protein specifically a 3.5 kDa protein called the bindin is necessary to successful fertilization ke liye bindin aur bindin receptor ka interaction zaruri hai. The following factor could affect this interaction and prevent fertilization. Kaun se factor yahan pe fertilization ko prevent kar sakte hain yani rok sakte hain. Pehla removal of egg jelly polysaccharide. Agar aap egg jelly ko hata do to fertilization ruk jayega but humne ye dekha tha ki lab ke case mein degelled एग को लिया गया था बिंडिंग के साथ बाइंड करवाने के लिए और बिंडिंग सक्सेसफुली बाइंड किया था यानी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है बट इन विट्रो पॉसिबल है. तो लेकिन ये जो जनरल स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो डी जेलिड एग जो है फर्टिलाइजेशन को रोक नहीं सकता फर्टिलाइजेशन करवाएगा. और आपको पूछा गया है कौन फर्टिलाइजेशन को रोकेगा तो पहला वाला स्टेटमेंट तो नहीं रोकेगा फर्टिलाइजेशन को फर्टिलाइजेशन होने देगा. नेक्स्ट देखिए रिमूवल ऑफ बिंडिंग रिसेप्टर ऑन द एग वाइटलैंड एनवेलप. अब भाई साहब अगर आप रिसेप्टर ही रिमूव कर दोगे ठीक है रिसेप्टर का ही आपने रिमूवल कर दिया सेकंड स्टेटमेंट में तो कैसे फर्टिलाइजेशन होगा. तो यस बी स्टेटमेंट सही हो गया. सी देखते हैं रिमूवल ऑफ बिंडिन रिसेप्टर फ्रॉम द एग जेली. एग जेली में भाई साहब कोई बिंडिन रिसेप्टर होगा तब तो रिमूव करोगे. एकदम इनवैलिड स्टेटमेंट दिया गया है मतलब एकदम ही हटा दो इसको कोई वैलिड है कोई भी यहाँ पे वैलिड स्टेटमेंट बोला ही नहीं गया. नेक्स्ट बोला है रिमूवल ऑफ बिंडिन रिसेप्टर फ्रॉम अ सिंगल क्लस्टर ऑन द वाइटलैंड मेम्ब्रेन. अगर आप सिंगल क्लस्टर से बिंडिन रिसेप्टर को हटा भी देते हो ठीक है तो आपको याद होगा मैंने कहा था बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं हंड्रेड ऑफ कॉम्प्लेक्स होते हैं तो दूसरे कॉम्प्लेक्स पे जो जाकर जो है बिंडिन बाइंड कर जाएगा. तो यहाँ पे भी क्या हुआ इस केस में भी फर्टिलाइजेशन होगा रुकेगा नहीं राइट. तो पूछा यह गया था किस कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे जो है इस इंट्रैक्शन को प्रिवेंट करेगा. तो बी के अलावा और कोई स्टेटमेंट इस इंट्रैक्शन को प्रिवेंट नहीं कर रहा है मतलब फर्टिलाइजेशन को रोक नहीं रहा है. तो वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन. ओके आंसर मी देखिए क्या बोला गया है पॉलीस्पर्मी रिजल्ट व्हेन टू और मोर स्पर्म फर्टिलाइज एन एग इट इज यूजुअली लेथल सिंस इट रिजल्ट इन द ब्लास्टोमियर विद डिफरेंट नंबर्स एंड द टाइप ऑफ क्रोमोसोम मेनी स्पीसीज देयरफॉर हैव टू ब्लॉक टू द पॉलीस्पर्मी. पहला है फास्ट ब्लॉक एंड दूसरा है स्लो ब्लॉक. तो यहाँ पे सीआरचिन के केस में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको टू स्टेटमेंट बताना है. क्या बोला गया है देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है फास्ट ब्लॉक इज इमीडिएट एंड कॉज द एग मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल टू राइज विच डज नॉट अलाउ द स्पर्म टू फ्यूज विद द एग एंड इज मीडिएटेड बाय एन इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन. बिल्कुल सही बोला है ट्रू. नेक्स्ट है फास्ट ब्लॉक इज इमीडिएट एंड कॉज द एग मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल टू राइज यस विच डज नॉट अलाउ द स्पर्म टू फ्यूज विद द एग यस एंड इज मीडिएटेड बाय एन इफ्लक्स. इफ्लक्स यानी बाहर निकलना. इट इज मीडिएटेड बाय इफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन. नो इट इज मीडिएटेड बाय इनफ्लक्स. इनफ्लक्स यानी सेल के अंदर आना. तो बी गलत हो गया ए सही हो गया. नेक्स्ट है द स्लो ब्लॉक और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय द कैल्शियम आयन. बिल्कुल सही. डी बोला है द स्लो ब्लॉक और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय द पोटेशियम आयन. नो गलत. तो हो गया आपका ए एंड सी दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन. अगला सवाल क्या बोला गया क्वेश्चन में देखिए ड्यूरिंग द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सी आर्चिन बीटा कैट एक्यूमुलेट प्रीडोमिनेंटली इन द माइक्रोमियर विच आर फेटेड टू बिकम एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. ठीक है तो बीटा कैट जो है प्रीडोमिनेंट बेसिस पे माइक्रोमियर में एक्यूमुलेट होता है और वो माइक्रोमियर जो है कुछ पोर्शन उसका एंडोडर्म बनता है कुछ मेसोडर्म बनता है. अगर जीएसके थ्री को ब्लॉक कर दिया जाए डेवलपिंग एम्ब्रियो में तो क्या होगा. ठीक है तो जीएसके थ्री को ब्लॉक कीजिए या एल आई सी एल को अप्लाई कीजिए बात तो एक ही लिथियम क्लोराइड को अप्लाई कीजिए बात एक ही राइट. तो बोला है बीटा कैट एक्यूमुलेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ द लार्ज माइक्रोमियर विल बी इनहिबिटेड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्मल बॉल. बीटा कैट का एक्यूमुलेशन क्यों इनहिबिट होगा भाई वो तो उसकी तो आजादी हो गई है. ठीक है उसकी तो मौज ही मौज हो गई है. वो तो चाहेगा कि भाई मैं हर जगह ही जाकर जो है एक्सप्रेस कर जाऊँ क्योंकि उसको मौका मिल गया है. ये स्टेटमेंट गलत. नेक्स्ट बीटा कैट विल एक्यूमुलेट इन द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल ब्लास्टुला सेल यस लीडिंग टू एन एक्टोडर्मल बॉल. बिल्कुल सही. ये सभी सॉरी उल्टा बोला ना ये नहीं होगा. एक्टोडर्मल बॉल तो तब बनेगा जब बीटा कैट नहीं रहेगा राइट. तो बीटा कैट सारे न्यूक्लियाई यानी सारे ब्लास्टुला सेल के न्यूक्लियाई में एक्यूमुलेट तो होगा लेकिन एक्टोडर्मल बॉल नहीं बनेगा वो एंडोडर्म एंड मेसोडर्म बनाएगा. तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया. नेक्स्ट देखिए बीटा कैट विल एक्यूमुलेट इन द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल ब्लास्टुला सेल यस लीडिंग टू द एनिमल सेल गेटिंग स्पेसिफाइड एज एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. बिल्कुल सही ट्रू. आप ध्यान देंगे ये इस टॉपिक से ये सेकंड क्वेश्चन है. इससे पहले भी कुछ साल पहले क्वेश्चन आया था जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है.
नेक्स्ट बीटा कैट विल एक्युमुलेट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ लार्ज माइक्रोमीयर विल बी इनहिबिटेड का है कहीं इनहिबिटेड बाय इनहिबिटेड नहीं होगा वी कैन गो विद द थर्ड ऑप्शन ओके अगला सवाल क्या बात है एसके जी आप तो जॉनी लिवर की तरह भूला सिंड्रोम शो कर रहे हैं मिनट मिनट में भूल जा रहे हैं हमारी वार्निंग्स को चल क्या रहा है हमको भी बताइए चलिए आंसर दीजिए ओके क्या बोला गया है देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा हॉट एरिया वाला है हॉट यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला है ये क्वेश्चन को लिया गया है एक रिसर्च पेपर से लिया गया है वो रिसर्च पेपर मुझे मिला लेकिन एग्जैक्टली यही सब चीजें नहीं मिली ऑफकोर्स ये जो रिजल्ट है ये जो रिजल्ट है ये गिलबर्ट में भी दिया गया है इस पिक्चर पे दिया गया है गिलबर्ट में साथ ही साथ ये एक रिसर्च पेपर का पार्ट है ठीक है तो क्वेश्चन को जरा देखते हैं समझते हैं क्या बोला गया डबल नेगेटिव गेट पे क्वेश्चन है जैसे मैंने कहा उस टॉपिक पे थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के साथ मिक्स करके उसको दिया जाता है क्या बोला है द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सी आर्चिन माइक्रोमीयर इन्वॉल्व द एक्टिवेशन ऑफ अ रिप्रेसर प्रोटीन PMAR1 व्हिच रिप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ HESC तो हमको पता है कि PMAR1 जो है वो HESC को रिप्रेस करता है कहां पे माइक्रोमीयर में ये हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं हमारे कंसेप्ट वाले क्लास में वन ऑफ द जीन कंट्रोल्ड बाय HESC इज डेल्टा और अगर HESC एक्टिवेटेड रहता है तो वो डेल्टा को काम नहीं करने देता है हेंस हम ये कह सकते हैं कि PMAR1 काम करता है तब डेल्टा काम कर सकता है ये आपको डबल नेगेटिव गेट में देखने को मिला था कि डेल्टा नॉट सिग्नलिंग के द्वारा जो माइक्रोमीयर है वो एक अलग फेट लेता है और जो मैच टू है उसको अलग फेट दिया जाता है ठीक है हुज एक्सप्रेशन इज यूज्ड एज अ मार्कर फॉर द माइक्रोमीयर लीनिएज यानी सीधी सी बात है कि इफ डेल्टा इज गेटिंग एक्सप्रेस अगर डेल्टा एक्सप्रेस हो रहा है दैट इज अ इंडिकेशन कि वो वाला सेल क्या है माइक्रोमीयर है यानी हम डेल्टा के एक्सप्रेशन को एज अ मार्कर एज अ इंडिकेटर लेके चल सकते हैं कहानी क्या है द लीनिएज बिलो रिप्रेजेंट अ सी आर्चिन एम्ब्रियो ऑन व्हिच होल माउंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन दैट इज डब्ल्यू मिश ठीक है वाज परफॉर्मड यूजिंग द डेल्टा प्रो अब यहाँ पे जो डब्ल्यू मिश की बात की गई है उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना ये भी एक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक ही है जिसमें प्रोब का इस्तेमाल किया जाता है आपको पता है कि जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं हम मेनली जो है डीएनए या आरएनए का जो एरिया होता है उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और प्रोब का इस्तेमाल करके हम जो है बाइंडिंग करवाते हैं अगर जिस भी जीन रिलेटेड या जिस भी टारगेट रिलेटेड आप प्रोब यूज करते हो वो प्रोब जाके उसी टारगेट को बाइंड करता है ये एक बेसिक प्रिंसिपल है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का जो कि मे बी आपको यूनिट नंबर 12 एंड 13 में थोड़ा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा बट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक ऐसे काम करती है दैट इज डीएनए आरएनए का आइडेंटिफिकेशन होता है किस लोकेशन पे और उसके लिए हम प्रोब का इस्तेमाल करते हैं वही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यहाँ पे डेल्टा प्रोब का इस्तेमाल किया जा रहा है इंडिकेटेड बाय द एरिया ए द रेस्ट ऑफ द एम्ब्रियो इज लेबल्ड एज बी तो ए एरिया में जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है ए एरिया में दैट इज डेल्टा एक्सप्रेस कर रहा है कहां पे ए में यानी बीच वाले एरिया में डेल्टा एक्सप्रेस कर रहा है और बाकी जो एरिया है जहां डेल्टा एक्सप्रेस नहीं कर रहा है उसको मेंशन किया गया है बी तो देखिए अब सिंपल सी बात है कि जहां पे डेल्टा एक्सप्रेस कर रहा है दैट इज अ इंडिकेशन कि इसी एरिया में PMAR1 एक्सप्रेस कर रहा होगा तभी वहां डेल्टा एक्सप्रेस कर रहा है और बाकी एरिया में जहां डेल्टा नहीं है वहां कौन एक्सप्रेस कर रहा होगा HESC एक्सप्रेस कर रहा होगा ये कॉमन सेंस है जिसके थ्रू हमने इसको पूरा लेबल कर लिया सिंपल क्योंकि इनके बीच के रिलेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको यहां पे मार्क किया है तो ए वाले रीजन में PMAR1 डेल्टा एक्सप्रेस कर रहा है नॉर्मल केस में जो कि यहां पे दिखा के रखा है और बाकी जगह पे HESC एक्सप्रेस कर रहा है अब क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक्सपेरिमेंट दिया गया है कॉलम वन में और उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो कॉलम बी में दिया गया है आपको सही मैच करना है करेक्ट मैच करना है तो देखिए यहाँ पे कैसे हम इसको करेक्ट मैच करेंगे पहला है वीमिश विथ HESC प्रोब यानी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक अप्लाई किया गया जिससे कि HESC प्रोब इस्तेमाल किया गया अब प्रोब HESC के लिए स्पेसिफिक है तो किससे जाके बाइंड करेगा HESC से जाके बाइंड करेगा HESC कहां पर है बी एरिया में है यानी बी वाले लेबलिंग वाले एरिया में है HESC राइट तो ए जो है ए जो प्रोब एक सेक्शन में यानी यहाँ पे जो प्रोब इस्तेमाल किया है वो किससे जाके बाइंड करेगा बी रीजन में बाइंड करेगा यानी इसका रिजल्ट हमको बी में देखने को मिलेगा यानी मैं ए का सेकंड लेकर चल सकती हूँ राइट यानी ए का ये बी ऑप्शन सही होगा या बी ऑप्शन यानी ये वाला तो ये हो गया ए का टू सही हो गया राइट यानी मुझे जो वीमिश विथ हाइब्रिड HESC प्रोब जो मैं इस्तेमाल करूंगी उसका रिजल्ट मुझे बी सेक्शन में यानी बी डायग्राम वाले जो मेंशन किया है वहां मिलेगा ओके ये हो गया फाइन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ए का टू सिर्फ दो ही में है यानी हमारा थोड़ा इशू जो है वो थोड़ा इजी हो गया कि हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बिना पढ़े हटा सकते हैं दूसरा एक और इन्होंने आसान काम किया है कि बी का देखिए बी का दोनों ही ऑप्शन में जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है थ्री लेकिन हम पहले मैच करेंगे कि थ्री होगा भी या नहीं बी में देखिए क्या बोला है बी में बोला है वीमिश विद द डेल्टा प्रोब वीमिश किया गया यानी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक अप्लाई किया गया है जिसमें कि डेल्टा प्रोब डाला गया तो डेल्टा प्रोब कहां किससे बाइंड करेगा डेल्टा से बाइंड करेगा डेल्टा कहां है डेल्टा है ए रीजन में राइट तो ये जो वीमिश हमने डेल्टा प्रोब के साथ डाला वो कहां पे जाके बाइंड करेगा ए रीजन में बाइंड करेगा तो ए हो गया ठीक है अब देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में बोथ ए एंड बी भी है और फर्स्ट ऑप्शन में ए है तो अभी तक हम सही आंसर पे नहीं पहुंचे आगे देखिए क्या बोला है वीमिश विद डेल्टा प्रोब फॉलोइंग द माइक्रो इंजेक्शन ऑफ PMAR1 mRNA इनटू द फर्टिलाइज्ड एग तो इस एग में जो है डायरेक्टली PMAR1 mRNA डाल दिया गया तो PMAR1 mRNA डालोगे तो ऑब्वियसली सभी जगह पे चला जाएगा PMAR1 यानी जहां पे बी मेंशन है जहां पे HESC था वहां पे भी हमने PMAR1 बाहर से माइक्रो इंजेक्ट कर दिया
तो यानी PMAR1 का कंसंट्रेशन मुझे कहां मिलेगा, बी में मिलेगा। तो लेकिन ये जो ऑप्शन है ये पूरे एक साथ है कि हमने बी मिश को अप्लाई किया जिसमें डेल्टा प्रोब इस्तेमाल किया फॉलोइंग द माइक्रो इंजेक्शन ऑफ PMAR1 mRNA इनटू द फर्टिलाइज्ड एग। तो ये पूरा एक ही प्रोसेस है और ये जो प्रोसेस पूरा कंबाइन हुआ है उसकी वजह से क्या होगा, हमको ए और बी दोनों ही एरिया में रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैंने आपको तोड़ तोड़ के बताया है अक्षर में, लेकिन रिजल्ट इस तरीके से कंबाइन मिलेगा। तो बी का जो है हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। अब सी जो है या तो थर्ड होगा या तो फोर्थ होगा, हम इसके लिए श्योर हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट और सेकंड तो नहीं होगा। तो सी का आंसर या तो आपको बोथ ए एंड बी मिलेगा या तो नीदर ए नॉर बी मिलेगा। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं क्या बोला गया है। थर्ड में बोला है वी मिश अप्लाई किया डेल्टा प्रोब के लिए, ठीक है, वी मिश डेल्टा प्रोब के लिए अप्लाई करोगे तो कहां रिजल्ट मिलेगा, ए ए रीजन में मिलेगा, जिसको ए जो है डायग्राम में मेंशन किया है उस रीजन में मुझे ए मिलेगा। तो वहां पे मुझे रिजल्ट मिलेगा, तो ठीक है ए में मिलेगा, तो ए में मिलेगा, ध्यान दीजिए अब ए में मिलेगा और यहां बोल दिया है नीदर ए नीदर बी, तो ये तो ऑप्शन हट गया, यानी फोर्थ ऑप्शन हट गया। तो यानी हर हाल में मुझे जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा फर्स्ट, लेकिन देख लेते हैं कैसे मिलेगा। अब वीमिश आपने अप्लाई किया है डेल्टा प्रोब के साथ जिसका रिजल्ट आपको ए सेक्शन में मिलेगा। दूसरा बोला है माइक्रो इंजेक्शन ऑफ एंटीसेंस आरएनए अगेंस्ट एचएससी इनटू द फर्टिलाइज्ड एग। आपने एचसी के अगेंस्ट में एंटीसेंस आरएनए माइक्रो इंजेक्ट किया है, तो इसका रिजल्ट कहां देखने को मिलेगा, जहां पे एचसी है। तो एचसी कहां है, एचसी बी रीजन में है, तो एचसी के खिलाफ आपने एंटीसेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, राइट। तो वो एंटीसेंस टेक्नोलॉजी कहां पे जाके काम करेगी, बी रीजन में जाके काम करेगी, तो बी रीजन में भी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये कंप्लीट ऑप्शन है जिसमें कि डेल्टा प्रोब डाला जा रहा है फॉलोइंग द माइक्रो इंजेक्शन ऑफ एंटीसेंस आरएनए अगेंस्ट द एचसी, तो मुझे इसका रिजल्ट ए एंड बी दोनों ही सेक्शन में देखने को मिलेगा। हेंस थर्ड का भी जो है थ्री ऑप्शन सही होगा, दैट इज बोथ ए एंड बी, एंड इन दिस वे वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हॉट क्वेश्चन में आता है, थोड़ा सा टेक्निक को मिक्स करके ये क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं समझ में आया होगा दोबारा से एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल, ओके आंसर बताइए। बोला सेवरल मैरिन ऑर्गेनिज्म रिलीज देयर गैमेट इनटू द एनवायरनमेंट वेयर स्पर्म अट्रैक्शन एंड सब्सिक्वेंट इवेंट लीड टू द सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन विद रेफरेंस टू द सी आर्चिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। गलत स्टेटमेंट आपको पिक करना है, ठीक है, हमेशा ध्यान दे दीजिएगा कि पूछा क्या गया है, क्वेश्चन का आस्क क्या है, पूछा है नॉट ट्रू और ये सिंगल ऑप्शन क्वेश्चन है, यानी तीन ऑप्शन सही होगा एक ऑप्शन गलत होगा, उस गलत को आपको पिक करना है। बोला है एडिशन ऑफ रिसेक्ट इनटू द ड्रॉप ऑफ सी वाटर कंटेनिंग द स्पर्म स्पेसिफिकली अट्रैक्ट द स्पर्म ऑफ ए पंटुलाटा, बिल्कुल सही, हमने ए पंटुलाटा के साथ ही एक्सपेरिमेंट किया था, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट IP3 इज फॉर्म्ड इनिशियली एट द साइट ऑफ स्पर्म एंट्री एंड रिलीज सीक्वेस्टर्ड कैल्शियम, बिल्कुल सही, ध्यान दीजिए ये स्टेटमेंट कितना सही सही एज इट इज लिखा गया है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था, जो क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था, उसमें ये रिलीज वाला वर्ड वो लोग खा गए थे, ठीक है, रिलीज वाला वर्ड उन्होंने स्किप कर दिया था और अर्थ का अनर्थ हो गया था वो स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम प्रिवेंट डॉकिंग ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल ऑफ एग टू द सेल मेम्ब्रेन, कैल्शियम जो है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल की डॉकिंग को प्रिवेंट करता है, डॉकिंग मतलब कि जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल सेल मेम्ब्रेन से जाकर फ्यूज हो जाता है, तो उसे कैल्शियम क्या प्रिवेंट करना होता है, नहीं भाई, वो क्या करता है कैल्शियम जो है इंड्यूस करता है ना कि प्रिवेंट, गलत हो गया ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट बोला है इनहिबिटेड दैट स्पेसिफिकली ब्लॉक पीएलसी गामा कैन बी सर्कमवेंटेड बाय माइक्रो इंजेक्टिंग द IP3 इनटू द एग, यानी ऐसा इनहिबिटर जो कि पीएलसी गामा को ब्लॉक करता है उस चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं, यानी उस एक्शन को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम IP3 जो है एग में डाल दें, बिल्कुल सही। अगर मान लीजिए कोई इनहिबिटर है एंड दैट इज ब्लॉकिंग पीएलसी गामा, तो सीधी सी बात है पीएलसी गामा विल नॉट मेक IP3 फ्रॉम PIP2, राइट। तो ऐसे केस में अगर आप उस एग में बाहर से IP3 डाल दोगे तो ये जो ऊपर वाला इफेक्ट है उसे हम बचा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम बाहर से IP3 डाल दें तो हम कैल्शियम रिलीज करवा सकते हैं, जो कैल्शियम यहाँ पे रिलीज नहीं हो रहा था क्योंकि पीएलसी गामा काम नहीं कर रहा था। तो वही बोला है कि इनहिबिटर अगर ब्लॉक कर देता है पीएलसी गामा को, तो इस इफेक्ट को हम सर्कमवेंट कर सकते हैं अगर हम IP3 को बाहर से माइक्रो इंजेक्ट कर दें एग में, तो ये भी ट्रू है, आई थिंक ये भी हमने पढ़ा था, आई गेस जितना मुझे याद आ रहा है लेक्चर में हमने ये स्टेटमेंट भी पढ़ा था, राइट। तो पूछा था कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो थर्ड वाला ट्रू नहीं, बाकी सब जो है ट्रू है। अगला सवाल, ओके क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए काफी इजी सा क्वेश्चन है ये। बोला है डैश परफॉर्म द प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट टू एल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियाई इन द 8 सेल सी आर्चिन एम्ब्रियो, ही ऑब्टेन नॉर्मल लार्वा फ्रॉम दीज एम्ब्रियो, फॉलोइंग पॉसिबल कंक्लूजन कुड बी ड्रॉन, आपको बताना है करेक्ट इन्फ्रेंस, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल ऑफ ब्लास्टोमियर इज लेस देन द एक्चुअल प्रोस्पेक्टिव फेट, हमने देखा था ये था ये केस कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का था और पोटेंशियल जो है फेट से बड़ी थी, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट सी आर्चिन एम्ब्रियो इज अ हार्मोनियस इक्विपोटेंशियल सिस्टम इंप्लाइंग दैट सेल इंटरेक्शन इज क्रिटिकल फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट, नेक्स्ट प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल ऑफ ब्लास्टोमियर इज ग्रेटर देन द एक्चुअल फेट, बिल्कुल सही, पोटेंशियल जो है ग्रेटर होती है फेट के, ट्रू। नेक्स्ट प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल ऑफ ब्लास्टोमियर इज इक्वल टू द प्रोस्पेक्टिव फेट, ना बेटा ना, बी एंड सी सही हो गया, दैट इज सेकंड ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल, अंजन जी ऐसे आपको भी समझना है तो ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कौन बहती गंगा में हाथ धोए जा रहा है तब से, हैं बोला है आपको आंसर देने के लिए, फटाफट से आंसर दिए जा रहे हैं आप लोग,
चलो आंसर दो, देख रही हूँ मैं नाम, एक से एक नाम, कौन बात मान रहा है और कौन नहीं मान रहा है। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट द फर्टिलाइजेशन अकर इन सियाचिन। स्टेटमेंट दिए गए हैं सियाचिन के फर्टिलाइजेशन रिलेटेड, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है, कीमो अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म टू द एग इज मीडिएटेड बाय स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड लाइक बिंडिन। बिंडिन की मदद से कीमो अट्रैक्शन होता है, तो भाई फिर रीसेट कहाँ चला जाएगा? रीसेट तो जाके आत्महत्या कर लेगा फिर, अगर उसने ये स्टेटमेंट देख लिया तो, राइट? तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट, एक्सोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म एक्रोसोमल वेसिकल एंड रिलीज ऑफ एंजाइम अकर। बिल्कुल, ये एक नॉर्मल इवेंट है। नेक्स्ट देखिए, द कैपेसिटेटेड स्पर्म अंडरगो एक्रोसोमल रिएक्शन। आपने ये नया स्टेटमेंट पढ़ा, ये जो कैपेसिटेटेड स्पर्म होते हैं वो एक्रोसोमल रिएक्शन करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये मैमेलियन सिस्टम का है, मैमल्स में ये केस होता है, ना कि सीआरचिन में। तो ये हो गया गलत। नेक्स्ट, एक्रोसोम प्रोटीन मीडिएटिंग द क्रिटिकल स्पीसीज स्पेसिफिक बाइंडिंग इवेंट इज रीसेट। जो एक्रोसोमल प्रोटीन होता है, एक्रोसोमल प्रोटीन मीडिएटेड, एक्रोसोमल प्रोटीन जो कि स्पीसीज स्पेसिफिक बाइंडिंग करवाता है, वो रीसेट है। ठीक है, तो भाई साहब इन्होंने ना उल्टा पुल्टा कर दिया है। यहां होना चाहिए था एक्रोसोमल प्रोटीन कौन होता है, बिंडिन होता है, ना कि रीसेट। रीसेट तो एक जल्दी से रिलीज होता है। तो ये क्या हो गया, डी भी हो गया गलत। नेक्स्ट, द स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मे इज अकॉम्प्लिश बाय द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन। बिल्कुल, ये बोला इन्होंने सत्यवचन, बोला है करेक्ट क्या होगा। भाई साहब करेक्ट तो दो ही मिल रहा है मेरे को, बी एंड ई मिल रहा है बस, बाकी सारे के सारे गलत है, दैट इज थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इतना डिटेल में अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। चलो अगला सवाल। ओके, आंसर नाउ, फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट इन सी आर्चिन वेर पुट फोर्थ। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स। पहला है, द सेल फेट आर डिटरमाइंड बोथ ऑटोनोमस एंड कंडीशनल मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन। सीआरचिन में दोनों मोड देखे जाते हैं, बिल्कुल सही, ट्रू। नेक्स्ट, लार्ज माइक्रोमियर आर कंडीशनली स्पेसिफाइड। लार्ज माइक्रोमियर कंडीशनली स्पेसिफाइड होते हैं? नहीं, ये ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड होते हैं, आज ही पढ़ाया था, राइट? ऑटोनोमसली होते हैं, तो ये हो गया गलत। नेक्स्ट, लार्ज माइक्रोमियर प्रोड्यूस पैराक्राइन एंड जक्स्ट्राक्राइन फैक्टर दैट स्पेसिफाई द फेट ऑफ देयर नेबर। यस, और नेबर फेट में, नेबर में जक्स्ट्राक्राइन पैराक्राइन के थ्रू क्या करता है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन करवाता है, जिससे कि एंडोमेसोडम का फॉर्मेशन होता है, ट्रू हो गया। नेक्स्ट, बीटा कैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ माइक्रोमियर। ऐसे कैसे, हमने अभी अभी डिशेवल्ड एंड बीटा कैट दोनों का रोल देखा और देखा कि बीटा कैट एक मेजर कैंडिडेट है जो माइक्रोमियर को स्पेसिफाई करता है, प्रेजेंट रहकर भी और साथ ही साथ डबल नेगेटिव गेट के फॉर्म में भी माइक्रोमियर को स्पेसिफाई करवा रहा था, राइट? बीटा कैट के थ्रू ही जो है PMAR1 एक्टिवेट हो रहा था। तो दो दो रोल है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। आपसे पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट, तो ए करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया, तो वी कैन गो विद सेकंड ऑप्शन। तो जी समाप्त होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। नहीं नहीं शिवांशी, सब्जी हमने बना ली थी, सिर्फ रोटी बाकी थी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सबको पूरी आजादी है अपने मन से सब कुछ करने की। ओके चलिए आंसर बताइए, क्या बोला गया है, देखिए जरा। बोथ TGF बीटा एंड सोनिक हेजॉग सिग्नल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन न्यू रिलेशन। ओके, सल्फेट पैटर्न ऑफ न्यूरल ट्यूब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो न्यूरल ट्यूब या फिर न्यूरल टिश्यू से रिलेटेड यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। देखिए क्या बोला गया है, हाई लेवल ऑफ BMP स्पेसिफाई द सेल टू बिकम एपिडर्मिस। BMP का हाई लेवल एपिडर्मिस बनाता है, क्या हमने ऐसा पढ़ा है? बिल्कुल, एक्टोडर्मल एरिया में जब BMP हाई होता है तो वहां पे वो एपिडर्मिस बनाता है, बोले तो सत्य वचन बोल दिया गया है। नेक्स्ट, वेरी लो लेवल ऑफ BMP स्पेसिफाई द सेल्स टू बिकम एपिडर्मिस, ना गलत। हाई लेवल ऑफ BMP स्पेसिफाई द सेल टू बिकम न्यूरल प्लेट, गलत। इंटरमीडिएट लेवल ऑफ BMP डू नॉट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल, गलत। तो वी कैन गो विद फर्स्ट ऑप्शन, इजी। चलो अगला सवाल देखते हैं। ओके चलो आंसर सुना, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, द डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल ऑफ एम्फीबियन एम्ब्रियो दैट इज कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग ऑर्गेनाइजर इज कॉल्ड न्यूकोप सेंटर एंड इज मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। यानी बोला गया है कि एम्फीबियन एम्ब्रियो में पाया जाने वाला डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल जो है उसे ही न्यूकोप सेंटर कहते हैं, और ये जो है ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस कर सकता है। आपको बताना है कि ये किसके प्रेजेंस से मार्क किया जाता है, तो किसके प्रेजेंस से मार्क किया जाता है, कौन रहता है वहां पे, दैट इज बीटा कैटेनिन। Easy? याद था सभी को? हाँ जी याद था, तो यस टफ नहीं था, राइट? एक एक चीज को हमने ना जाने कितनी बार रिपीट कर करके समझाया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। मैक्सिमम बच्चों को मैं देख रही हूँ आंसर सही दिया है, कुछ एक आध बच्चों ने गड़बड़ दिया है, ठीक है। दैट इज न्यूकोप सेंटर में क्या प्रेजेंट था, हमने देख बोला था कि न्यूकोप सेंटर को एक स्पेशल प्रॉपर्टी मिलती है। साइंटिस्ट परेशान थे कि न्यूकोप सेंटर को ये इतनी अच्छी जो कह सकते हो आप प्रॉपर्टी है वो कहां से मिल रही है। बाद में आगे काम चला तो पता चला कि वहां पे बीटा कैट प्रेजेंट रहता है, उसकी वजह से मिलती है ये स्पेशल प्रॉपर्टी न्यूकोप सेंटर को, जिससे कि न्यूकोप सेंटर ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस कर पाता है, राइट? चलो ग्रेट,
अगला सवाल, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए, एक एक जगह पर अच्छे अच्छे हिंट दिए गए हैं, ठीक है, हर तरीके के कॉम्बिनेशंस को बनाइए। 2000 मेंबर ज्वाइन द सीएसआर बैच, हाँ जी, 2000 स्टूडेंट्स ने हमको ज्वाइन कर लिया है फिलहाल में जून 2024 एग्जाम के लिए, है ना, आपके साथ और 2000 लोगों ने, आपके साथ और 2000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। हेमलता जी, हम लोग की प्रेयर्स, हम लोग का साथ हमेशा स्टूडेंट के साथ रहता है, राइट। अब एक चीज है जो लगानी पड़ती है, वो है मेहनत, डेडिकेशन। हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो हमको पता है, राइट, और वो आप हम लोग के लेक्चर्स में भी देख पाते हो। अब हम ये तो हम आपके लिए कर रहे हैं, अब आप अपने लिए कितना करते हैं वो भी एक मैटर है। अकेला टीचर कुछ नहीं करवा सकता है, ये एक आप कह सकते हो एक म्यूचुअल प्रोसेस होता है। कोई कहना कि टीचर मुझे पास करवा देगा, ये गलत है, कोई टीचर किसी को पास नहीं करवा सकता। एक म्यूचुअल रिलेशन होता है जिसमें टीचर आपके ऊपर काम करता है और आप अपने ऊपर काम करते हैं। जब ये दोनों लॉक एंड की तरफ फिट बैठता है ना, तभी जाकर कुछ अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलती है। तो हम आप पे काम करें और आप अपने ऊपर काम करते रहिए, आगे चल के सारा कुछ जो है बढ़िया ही होगा, अच्छे ही रिजल्ट आएंगे। ओके, चलो इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, इंजेक्शन ऑफ नॉगिन एमआरएनए इन अ सेल दैट विल बिकम फ्यूचर वेंट्रल साइड ऑफ फ्रॉग एम्ब्रियो मिमिक द इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजर ग्राफ्ट टू द वेंट्रल साइड। यानी अगर एक एम्ब्रियो है, उसके वेंट्रल साइड में आपने नॉगिन एमआरएनए डाल दिया, तो ये वेंट्रल साइड जो है ऑर्गेनाइजर जैसा बिहेव करेगा। क्या ये बात सही बोली है? बिल्कुल सही बोली है, क्योंकि ये वेंट्रल साइड भी कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, डॉर्सल, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट से कुछ डेमोन्स्ट्रेट किया गया, मतलब ये जो नॉगिन को आप वेंट्रल साइड में डाला, वेंट्रल साइड को डालने के बाद वेंट्रल साइड जो है डॉर्सल में कन्वर्ट हुआ, तो इससे जो है कुछ डेमोन्स्ट्रेट किया गया, मतलब कुछ रिजल्ट निकाला गया। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला, नॉगिन इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। क्या मैंने आपको नॉगिन के बारे में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसा कुछ बताया था? नहीं, हमने बोला था इट इज अ सिक्रीटेड प्रोटीन, इज नॉट अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत, तो ये गलत, ये गलत, दोनों जगह पे ये है। देखिए, नॉगिन इंड्यूसेस वेंट्रल फेड, नॉगिन वेंट्रल फेड देता है, डॉर्सल फेड देता है ना, ऑर्गेनाइजर जीन की इतनी हिम्मत कि वो वेंट्रल फेड देगा ना बेटा, बी गलत, बी गलत, तो ये गलत, बच गया एक ही ऑप्शन सी एंड डी। बोला नॉगिन इज इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजर फेड, बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि कहीं से आप ऑर्गेनाइजर हटा दीजिए और वहां नॉगिन डाल दीजिए, तो नॉगिन बिल्कुल ऑर्गेनाइजर जैसा काम करता है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। नॉगिन इज रिक्वायर्ड टू इंड्यूस सेकेंडरी एक्सेस, बिल्कुल, नॉगिन को इंजेक्ट कर दीजिए, सेकेंडरी एक्सेस बन जाएगा। मैंने जो लास्ट क्लास में आपको एक म्यूटेशन वाली स्लाइड बना के दी थी, उसमें मैंने लिखा है कि कौन कौन सी चीजों को इंजेक्ट करने पे सेकेंडरी एक्सेस बन सकता है, जिसमें से एक नॉगिन भी है, राइट। चलो अगला सवाल, ओके आंसर नाउ। अरे भाई, रोज रोज थोड़ी एक ही चीज बोलेंगे, आप लोग को जब बोला जाता है कि आंसर दीजिए तब आंसर दिया कीजिए ना, और ये सही काय पसर के बैठ जाते हैं चार्ट सेक्शन में, जब बोलती हूँ कि आंसर दीजिए या आंसर नाउ तब आंसर पोस्ट कीजिए, और रोज रोज ये चीज गाइड थोड़ी की जाती है, पहले भी बताया गया। बोला गया द प्रेजेंस ऑफ बीटा कैट इन द न्यूक्लियाई ऑफ ब्लास्टोमियर्स इन द डॉर्सल पोर्शन ऑफ एम्फीबियन एम्ब्रियो इज वन ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर लेइंग डाउन द डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस, ठीक है। व्हाट विल बी, क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ है, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ एक्सप्रेसिंग अ डोमिनेंट नेगेटिव फॉर्म ऑफ अ GSK3 इन द वेंट्रल सेल ऑफ अर्ली एम्ब्रियो। सिंपल बात बोली गई है कि डोमिनेंट नेगेटिव GSK3 को वेंट्रल साइड में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा। डोमिनेंट नेगेटिव GSK3 वेंट्रल साइड में काम नहीं करेगा, राइट, काम नहीं करेगा तो क्या होगा, बीटा कैट वेंट्रल साइड में घूमता रहेगा। अब ये घूमेगा तो क्या होगा, वहां भी ऑर्गेनाइजर बनाएगा, और वहां भी ऑर्गेनाइजर बनाएगा तो क्या होगा भाई साहब, सेकेंडरी एक्सेस फॉर्म हो जाएगा, सिंपल, राइट। क्वेश्चन देखते हैं, डॉर्सल सेल विल बी वेंट्रलाइज्ड, इससे कैसे सेकंड एक्सेस विल बी फॉर्म, बिल्कुल द प्राइमरी ऑर्गेनाइजर विल नॉट बी फॉर्म, ऐसा क्यों, एम्ब्रियो विल डेवलप नॉर्मली ना, तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, ओके चलिए आंसर दीजिए। एसके जी, देख रही हूँ मैं टॉक करने के बाद जो है आप पूरे मेंढक की तरह उछल रहे हैं कमेंट सेक्शन में, बिना बोले जो है आंसर देना शुरू कर रहे हैं। चलिए आंसर दीजिए, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया। इन केस ऑफ एम्फीबियंस द डॉर्सल लिप सेल एंड देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड एज स्पीमेन मैनगोल्ड ऑर्गेनाइजर। जैसे मैंने कहा था, ऑर्गेनाइजर को जो है स्पीमेन मैनगोल्ड ऑर्गेनाइजर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि स्पीमेन एंड मैनगोल्ड का कंट्रीब्यूशन था ऑर्गेनाइजर को एक तरीके से सामने रखने में, राइट। तो जो डॉर्सल लिप सेल के जो डेरिवेटिव्स होते हैं या उनके जो डिसेंडेंट्स होते हैं, उसे हम स्पीमेन मैनगोल्ड ऑर्गेनाइजर के नाम से जानते हैं। कुछ स्टेटमेंट दिया गया है ऑर्गेनाइजर से रिलेटेड, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला, इट इंड्यूस द होस्ट वेंट्रल टिश्यू टू चेंज देयर फेट टू फॉर्म न्यूरल ट्यूब एंड डॉर्सल मेसोडर्म टिश्यू। बोला जा रहा है कि ऑर्गेनाइजर जो है वेंट्रल साइड के टिश्यू का फेट चेंज करके उसको न्यूरल ट्यूब में बदल सकता है और डॉर्सल मेसोडर्म में बदल सकता है। तो ये केस नॉर्मल वाला नहीं है, ये कहने का मतलब हुआ कि अगर हम वेंट्रल साइड में ऑर्गेनाइजर को एक्सप्रेस करेंगे तो ऐसा कर सकता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, ट्रू। नेक्स्ट देखिए, इट कैन नॉट ऑर्गेनाइज द होस्ट एंड डोनर टिश्यू इन टू द सेकेंडरी एम्ब्रियो। ये डोनर या होस्ट टिश्यू को जो है सेकेंडरी एम्ब्रियो यानी सेकेंडरी एक्सेस में नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकता? इसको वेंट्रल साइड में ट्रांसप्लांट कीजिए, बिल्कुल सेकेंडरी एक्सेस बनाएगा। तो बी हो गया गलत, बी हो गया गलत, तो ये हट गया, ठीक है। और इसमें तो ए है ही नहीं, सेकंड में ए है ही नहीं, तो ये भी हट गया। नेक्स्ट देखिए, सी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बचे हुए ऑप्शन में सी है ही नहीं। सी में क्या बोला है, इट डज नॉट हैव एबिलिटी टू सेल्फ डिफरेंशिएट इनटू द डॉर्सल मेसोडर्म।
तो ये पूरा स्टेटमेंट गलत बोला है, बिकॉज इट डज नॉट को हटा दीजिए, इट हैव द एबिलिटी टू सेल्फ डिफरेंशिएट इनटू द डोर्सल मेसोडा, क्योंकि भूलना नहीं है कि ऑर्गेनाइजर का फेट क्या है, ऑर्गेनाइजर का फेट है कि ये डोर्सल साइड में पाया जाने वाला मेसोडॉम होता है, तो हम इसे डोर्सल मेसोडॉम कहते हैं। तो ऑफ कोर्स जहां ये रहता है वहां क्या अनाउंसमेंट कर देता है कि यस आई एम प्रेजेंट हियर, सो दिस साइड विल बी डोर्सल मेसोडॉम, राइट। तो ये खुद को जो है सेल्फ डिफरेंशिएट करके डोर्सल मेसोडॉम बना सकता है। याद कीजिए ऑर्गेनाइजर के फंक्शन वाली स्लाइड, वहां पे चार फंक्शन दिए गए थे, तो वही चार लाइन यहां पे चिपका दिया गया है, देख सकते। तो ये क्या हो गया, ये हो गया गलत। डी देखिए, इट हैज द एबिलिटी टू इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रुलेशन, यानी इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये मूवमेंट करवा सकता है ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन। बिल्कुल, हमने लास्ट पॉइंट ही इसके फंक्शन का पढ़ा था कि इट कैन इनिशिएट द गैस्ट्रुलेशन। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट बोला है बोथ बीटा कैट एंड कॉर्डिन आर प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनाइजर। भाई कॉर्डिन तो प्रोड्यूस होता है ऑर्गेनाइजर के द्वारा, बीटा कैट थोड़ी प्रोड्यूस होता है ऑर्गेनाइजर के द्वारा, बीटा कैट की वजह से ऑर्गेनाइजर बनता है, राइट। टीसीएफ 3 के साथ बीटा कैट मिलकर ट्रांसक्रिप्शन करवाता है साइमोइस ट्विन जीन का। साइमोइस ट्विन जीन क्या करते हैं, स्मैट 2 फॉस्फोराइलेटेड स्मैट 2 के साथ बाइंड करके तब ऑर्गेनाइजर जीन का एक्टिवेशन करते हैं। तो बीटा कैट खुद थोड़ी ऑर्गेनाइजर से प्रोड्यूस होता है, बीटा कैट की वजह से ऑर्गेनाइजर बनता है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया, कॉर्डिन तो सही बोला गया बट बीटा कैट नहीं होगा। तो वी कैन से कि ए एंड डी स्टेटमेंट यानी ऑप्शन 1 जो है करेक्ट है। बिल्कुल सुभाष्मिता, बिल्कुल सही बोला आपने कि बीटा कैट जो है न्यूकुप सेंटर का एक मेजर एक्टिव कैंडिडेट माना जाता है, और न्यूकुप सेंटर जो है फिर बीटा कैट के थ्रू इंड्यूस करता है ऑर्गेनाइजर के फॉर्मेशन को। ओके, आंसर नाउ, वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। क्या बोला गया है देखिए, द इनिशियल डोर्सल वेंट्रल एक्सिस इन एम्फीबियन एम्ब्रियो इज डिटरमाइंड बाय, जो सबसे इनिशियल डोर्सल वेंट्रल एक्सिस होता है एम्फीबियंस में वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है। पहला ऑप्शन है द पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री, स्पर्म एंट्री के पॉइंट से डिटरमाइन होता है, बिल्कुल, क्योंकि जहां से स्पर्म की एंट्री होती है वो साइड वेंट्रल कहलाता है और उसका अपोजिट जो साइड होता है वो डॉर्सल कहलाता है, राइट। हमने पढ़ा था कि सबसे इनिशियल जो डीवी एक्सिस का डिटरमिनेशन होता है वो स्पर्म की एंट्री की वजह से होता है। चलो अगला सवाल, द ग्रुप ऑफ सेल ऑफ एम्फीबियन ब्लास्टुला विच इज कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग ऑर्गेनाइजर इज कॉल्ड, यानी ग्रुप ऑफ सेल जो कि एम्फीबियंस के ब्लास्टुला में पाए जाते हैं वो कैपेबल होते हैं ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करने में। कौन से ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करते हैं, दैट इज डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल इंड्यूस करते हैं, और उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है न्यूकुप सेंटर। ठीक है, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, आई थिंक नहीं, हाँ चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। विच प्रोटीन सिक्रेटेड बाई द एम्फीबियन ऑर्गेनाइजर इंड्यूस द न्यूरल टिश्यू फॉर्मेशन बाई इनहिबिटिंग द बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन, यानी एम्फीबियन ऑर्गेनाइजर से कौन सा प्रोटीन सिक्रीट होता है जो कि बीएमपी को इनहिबिट करके तब न्यूरल टिश्यू के फॉर्मेशन में मदद करता है। बीटा कैट, बिल्कुल नहीं, नॉगिन करता है ऐसा। नॉगिन का काम होता है, नॉगिन क्या कर रहा था, नॉगिन जो है ये बीएमपी को जो है इनहिबिट कर रहा था और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट न्यूरल टिश्यू बना रहा था, राइट। चलो अगला सवाल, इन केस ऑफ जीनोपस लेविस विच सेल मेक अप द न्यूकुप, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ है, इट्स अ न्यूकुप सेंटर एंड स्पीमेन ऑर्गेनाइजर, कौन से सेल न्यूकुप सेंटर बनाते हैं और स्पीमेन ऑर्गेनाइजर बनाते हैं। बोला है एंडोडर्म एंड मेसोडर्म रेस्पेक्टिवली, बिल्कुल, दैट इज न्यूकुप सेंटर जो है वो एंडोडर्मल नेचर का है एंड स्पीमेन ऑर्गेनाइजर जो है ये मेसोडर्मल नेचर का है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही हो गया, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म रेस्पेक्टिवली, नो, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म रेस्पेक्टिवली, नो, एक्टोडर्म एंडोडर्म रेस्पेक्टिवली, बिल्कुल नहीं। अगला सवाल, ओके चलिए बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन एम्फीबियन ऊसाइट द जर्म प्लाज्म विच गेट सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग द क्लीवेज टू गिव राइज टू द प्राइमोडियल जर्म सेल इज नॉर्मली, तो ये एक मतलब कह सकते हो ये पोर्शन हमने मे भी पढ़ा नहीं है शायद, बट बोला गया है कि जो जर्म सेल है वो क्लीवेज के टाइम पे कहाँ पे रिसाइड करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उस साइड में नहीं, इनका लोकेशन एनिमल पोल भी नहीं होता, इनका लोकेशन वेजिटल पोल होता है, ये नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, और सेंट्रल पार्ट जो होता है उस साइड का वहां भी एग्रीगेटेड नहीं रहते हैं। तो इनके लोकलाइजेशन के बारे में बात किया था कि जर्म सेल्स कहाँ पे लोकलाइज होते हैं ड्यूरिंग द क्लीवेज, तो ये मेनली वेजिटल पोल में होते हैं, क्योंकि अभी तक हमने यही देखा है कि वेजिटल पोल वाले एरिया में ही मैक्सिमम चीजें जो है प्रेजेंट है, वेजिटल पोल वाला एरिया और डॉर्सल वाला एरिया, यही ज्यादातर जो है हमने एक्टिवनेस के तौर पे देखा है। चलिए अगला सवाल, ओके चलिए बताइए आंसर क्या होगा। बोला गया है इंजेक्शन ऑफ नॉगिन mRNA इनटू द वन सेल यूवी इरेडिएटेड एम्ब्रियो ऑफ फ्रॉग रेस्क्यू डॉर्सल डेवलपमेंट एंड अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट एम्ब्रियो, ऐसा केस हमने देखा था जब हम नॉगिन के बारे में डिटेल पढ़ रहे थे। कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं ए से लेकर डी तक जो कि कुछ ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं, आपको बताना है करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा। पहला है नॉगिन इज अ सिक्रेटेड प्रोटीन, यस, विच इंड्यूस डॉर्सल एक्टोडर्म टू फॉर्म न्यूरल टिश्यू, यस, एंड इट डॉर्सलाइजेज द मेसोडर्मल सेल विच वुड अदरवाइज कॉन्ट्रीब्यूट टू द वेंट्रल मेसोडर्म, बिल्कुल सही।
अगर ये मेसोडर्मल एरिया में ऑर्गेनाइजर ना रहे, आई मीन जैसे डॉर्सल एरिया में ऑर्गेनाइजर ना रहे, तो वो एरिया भी वेंट्रल जैसा ही तो बिहेव करेगा, राइट? तो ये सही है. और ये एक्टोडर्म को न्यूरल टिश्यू का फेट देता है, ये भी सही है, बाय इनहिबिटिंग द बीएमपीज. नेक्स्ट देखिए, नॉगिन डायरेक्टली बाइंड डायरेक्टली टू द बीएमपी 4 एंड बीएमपी 2, यस, दस प्रिवेंटिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद द रिसेप्टर. यस, बिल्कुल सही. नॉगिन एंड कॉर्डिन क्या करते हैं, बीएमपी 4 एंड बीएमपी 2 के साथ बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी बाइंडिंग जो है इनके रिसेप्टर्स के साथ नहीं हो पाती है, राइट? तो ये भी ट्रू है, ए और बी सही हो गया है. नेक्स्ट देखिए, नॉगिन अलॉन्ग विद अदर मॉलिक्यूल प्रिवेंट बीएमपी फ्रॉम बाइंडिंग टू एंड इंड्यूसिंग एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म सेल नियर द ऑर्गेनाइजर. ओके, नॉगिन जो है अलॉन्ग विद अदर मॉलिक्यूल प्रिवेंट करता है बीएमपी को फ्रॉम बाइंडिंग टू एंड इंड्यूसिंग द एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म सेल नियर द ऑर्गेनाइजर. तो अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी क्या लग रहा है, ये स्टेटमेंट भी सही लग रहा है, क्योंकि नॉगिन जो है बीएमपी को एक तरीके से प्रिवेंट करता है कि ऑर्गेनाइजर एरिया में जाकर वो एक्ट ना करे और वहां के एक्टोडर्म और मेसोडर्म को डिस्टर्ब ना करे, राइट? तो ये भी सही हो गया है. नेक्स्ट देखते हैं, नॉगिन इज अ सिक्रेटेड प्रोटीन विच इंड्यूस द डॉर्सल एक्टोडर्म टू फॉर्म एपिडर्मिस. नॉगिन सिक्रेटेड प्रोटीन तो है, लेकिन ये डॉर्सल साइड के एक्टोडर्म को एपिडर्मिस में कन्वर्ट करता है या न्यूरल टिश्यू में, राइट? तो ये जो है न्यूरल टिश्यू में कन्वर्ट करता है, यहाँ पे इन्होंने एपिडर्मिस बोला है. एंड इट वेंट्रलाइजेस, नो, इट डॉर्सलाइजेस, राइट? तो ये गलत हो गया, डी गलत हो गया. तो देखा जाए तो ए बी सी तीनों ही स्टेटमेंट सही लग रहा है, सो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन. अगला सवाल, ओके, चलिए बताइए आंसर क्या होगा. बोला गया है द ब्लास्टोकोर रीजन ऑफ एम्फीबियन एम्ब्रियो दैट सिक्रीट, क्या सिक्रीट करता है, बीएमपी के इनहिबिटर्स को एंड डॉर्सलाइज करता है सराउंडिंग टिश्यू को, उसे हम क्या कहते हैं. तो ब्लास्टोकोर रीजन एम्फीबियन का जो कि सिक्रीट करता है बीएमपी के इनहिबिटर को, यहीं पे आपको सबसे बड़ा हिंट मिला, बीएमपी का इनहिबिटर. बीएमपी का इनहिबिटर कौन है, नॉगिन, फॉलिस्टैटिन, कॉर्डिन, ये किसके थ्रू सिक्रीट किए जाते हैं, स्पीमेन ऑर्गेनाइजर के थ्रू किए जाते हैं, सो वी कैन गो विद द थर्ड ऑप्शन. अगला सवाल, क्या बोला गया, मॉर्फोजन कैन डिटरमाइन द फेट ऑफ सेल बाय इट्स कंसंट्रेशन. मॉर्फोजन जो है सेल का फेट कंसंट्रेशन से ही बता सकते हैं, ठीक है. Given below are some statement for the experiment performed to study the gradient dependent effect of morphogen activin on the cell fate by placing activin secreting beads on unspecified cell from early Xenopus embryo. So activin ke through jo hai isme experiment kiya gaya hai. Aapko correct option batana hai. Pehla hai, beads without activin did not elicit expression of either XBRA gene or Guskoid gene. ठीक है, XBRA gene and Guskoid gene organizer gene है. तो बोला है कि जिस beads में activin नहीं है वो कोई भी expression नहीं करवाएगा for XBRA या Guskoid. तो ये statement बिल्कुल सही है, सही बोला गया, true. Next देखिए, cell nearest to the beads getting highest concentration of activin will induce Guskoid gene, बिल्कुल सही, whose product is a transcription factor, okay. Specifying the frog's dorsal most structure, बिल्कुल सही बोला है, true. Dorsal most structure बनाएगा ये, क्योंकि organizer gene है, dorsal side को ही specify करेगा, ये भी सही हो गया. नहीं देखिए, cell nearest to the beads getting highest concentration of activin induce XBRA gene. Highest concentration में XBRA gene activate होता है, no, गलत. Next देखिए, cell farthest from the beads getting negligible activin activate XBRA. जहां पे negligible activin मिलेगा वहां XBRA gene activate होगा, no, कुछ activate नहीं होगा, by default फेट जाएगा वहां पे. Cell farthest from the beads getting negligible activin activate neither XBRA nor Guskoid, exactly. And default gene expression instruct the cells to become blood vessels and heart. बिल्कुल सही, default fate को ले लेगा. तो हम देखें तो A सही है, B सही है और E सही है, that is fourth option. ठीक है, चलो अगला सवाल. Okay, answer now. बोला है, in Xenopus embryo, beta cat play an important role in dorsal ventral development. What would you expect if the endogenous glycogen synthase kinase, that is GSK3, जिसे हम कहते हैं, is knocked out by dominant negative form of a GSK3 in the ventral cell of early embryo? वापस से सवाल वही बोला है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है, right? तो बोला है कि GSK3 को अगर आप dominant negative GSK3 से replace कर देते हैं तो क्या होगा? तो GSK3 काम नहीं करेगा, beta cat ventral में भी express करेगा, hence secondary axis, simple. बोला है, blocking of GSK3 on ventral side has no effect, गलत. The resulting embryo will have only ventral side, गलत. A second axis will form, बिल्कुल. The dorsal fate is suppressed. No, dorsal fate दोनों ही साइड में चला आएगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है थर्ड ऑप्शन को पिक कर सकते हैं. अगला सवाल. ओके, चलिए बताइए क्या होगा आंसर. क्या बोला गया, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट इन एम्फीबियन इज करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट एम्फीबियन में डेवलपमेंट से रिलेटेड एकदम करेक्ट दिया गया है, मतलब कि सटीक दिया गया है. ठीक है, चलो पहला देखते हैं क्या बोला गया है. Gastrulation begin with the invagination of bottle cell, सही, followed by coordinated involution of mesodermal precursor, सही, and the epiboly of prospective ectoderm, सही. तो पहला ही स्टेटमेंट देखो तो ये मुझे ट्रू लग रहा है.
हमने भी गैसोलेशन में यही पढ़ा है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजर इंड्यूसेस न्यू कूप सेंटर, भाई तो उल्टा बोल दिया, न्यू कूप सेंटर ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करता है, गलत। द ऑर्गेनाइजर इज फॉर्म बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा कैट, तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये पार्शियल ट्रू है, ऑर्गेनाइजर सिर्फ बीटा कैट के एक्यूमुलेशन से फॉर्म नहीं होता है, ऑर्गेनाइजर जब फॉर्म होता है तो बीटा कैट जो है साइमोस ट्विन जीन का एक्टिवेशन करता है, उसके बाद वो जीन ऑर्गेनाइजर का फॉर्मेशन करती है, राइट। तो ये पार्शियली ट्रू है, एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन पिक करना होता है हमेशा। तो जैसे ये वाला स्टेटमेंट पार्शियल ट्रू है, मतलब आधा सही है, ठीक है, लेकिन पहला वाला स्टेटमेंट पूरा सही है, इसलिए हम पहले वाले के साथ जाएंगे, इसको नहीं पिक करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ बीएमपी इनहिबिटर एक्टोडर्मल सेल फॉर्म न्यूरल ट्यूब, नहीं, एक्टोडर्मल सेल जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ बीएमपी एपिडर्मिस बना देगा, यानी अगर ऑर्गेनाइजर ना रहे तो बीएमपी एक्सप्रेस करके एक्टोडर्म को एपिडर्मिस में कन्वर्ट कर देगा, ना कि न्यूरल ट्यूब, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। अच्छा, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हमने किया था ना, एक बार इसको गो थ्रू कीजिए, आई थिंक किया था हमने स्पेसिफिकेशन वाले चैप्टर में, शायद किया था, देखिए ये 2022 के क्वेश्चन चल रहे हैं, आई थिंक मैं ये डालना भूल गई हूँ, ये सारे क्वेश्चन सीएसआर के हैं, नहीं अभी नहीं किया था, ये अभी तुरंत नहीं किया था, वो क्वेश्चन जो है आई थिंक 2020 का था, ये 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, आई थिंक हम ये स्पेसिफिकेशन चैप्टर में कर चुके हैं, राइट, हो गया ना ये क्वेश्चन, तो इसको स्किप करते हैं, स्पेसिफिकेशन में तो इसको किया था, इसको मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो बोला गया है यहाँ पर कि हाई कंसंट्रेशन एक्टिविन का गूस कॉइड एक्टिवेट करेगा, जबकि इसका लो कंसंट्रेशन एक्सबीआर को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। लोअर कंसंट्रेशन एक्टिविन का हेल्प करेगा टू स्पेसिफाई द डॉर्सल मोस्ट स्ट्रक्चर, गलत हो गया ये। कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिविन दैट डू नॉट लीड टू द एक्सप्रेशन ऑफ टू जीन, द सेल विल बिकम ब्लड वेसल एंड द हार्ट, बिल्कुल सही। तो ए और सी यहाँ पे सही हो जाएगा, दैट इज थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं स्पेसिफिकेशन सॉरी मॉर्फोजन वाले चैप्टर में, जितना मुझे याद है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सही हो जाता है आपका, दैट इज 955। चलो अगला सवाल, ओके चलिए आंसर बताइए। क्वेश्चन में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमआरएनए इज द बीएमपी इनहिबिटर एंड कैन रेस्क्यू द डॉर्सल स्ट्रक्चर ऑफ वेंट्रलाइज जीनोपस एम्ब्रियो व्हेन इंजेक्टेड इनटू इट। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है लेकिन रीफ्रेम हुआ है, ठीक है, लैंग्वेज अगर मैच करेंगे तो लैंग्वेज डिफरेंट मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं रीफ्रेम करना। डायरेक्ट रिपीट क्या होता है, ए टू जेड सारी की सारी लाइन टू लाइन रिपीट होती है, बट ये रिपीट नहीं हुआ, ये रीफ्रेम हुआ है, कंसेप्ट वही पूछा गया, बस रीफ्रेमिंग कर दी गई है। जैसे वो जीएसके 3 का नॉकआउट वाला क्वेश्चन, वो भी रीफ्रेम हुआ था, एक बार आई थिंक 2018 में पूछा गया, एक बार 2019 में पूछा गया। सिमिलर बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन भी आई थिंक 2012 में पूछा गया और 2022 में पूछा गया, ठीक है, तो इसको रीफ्रेमिंग कहते हैं। तो बोला है कि कौन सा एमआरएनए जो है वो बीएमपी इनहिबिटर की तरह काम करता है और डॉर्सल स्ट्रक्चर को रेस्क्यू कर सकता है अगर हम उसे वेंट्रलाइज्ड एम्ब्रियो में डाल दे। तो याद कीजिए हमने नॉगिन के बारे में पढ़ा था कि वेंट्रलाइज्ड एम्ब्रियो में जब डॉर्सलाइज्ड सेल को डाला गया तो वहां पे डॉर्सल स्ट्रक्चर रेस्क्यू हो गया, बाद में पता चला कि जिस चीज को डाला गया था वो था नॉगिन, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, नॉगिन हो गया। अगला सवाल, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, आई थिंक और 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद वी विल बी डन। बोला गया फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग द एम्फीबियन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, आपको बताना है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स। पहला है द न्यू कूप सेंटर सेल आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, मेसोडर्मल होता है एंडोडर्मल होता है, ये गलत बोल दिया गया। नेक्स्ट, कॉर्डिन नॉगिन गूसकॉइड आर सिक्रेटेड बाय ऑर्गेनाइजर, ट्रू, इवन फॉलिस्टैटिन एज वेल। नेक्स्ट, डिफॉल्ट फेट ऑफ एक्टोडर्म इज टू बिकम न्यूरल टिश्यू, ट्रू, न्यूरल टिश्यू का डिफॉल्ट फेट होता है। बीएमपी लेवल आर हाई इन प्रिजम्प्टिव डॉर्सल मेसोडर्म, डॉर्सल मेसोडर्म में होता है या कहां होता है बताइए फटाफट से, इट इज इन द वेंट्रल मेसोडर्म, वेंट्रल साइड के मेसोडर्मल एरिया में होता है, राइट, यस, तो ये हो गया गलत, तो बी और सी सही हो गया, बी और सी मतलब कि थर्ड ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल, कौन से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, हिमलता, जी बिल्कुल शुक्रा, वेंट्रल साइड ऑफ ऑल थ्री जर्म लेयर, बिल्कुल सही बोला आपने। एक्सप्रेस एक्चुअली वो मेसोडर्मल साइड में करता है, लेकिन उसका जो एक्शन होता है ना वो एक्चुअल में एक्टोडर्मल साइड एज वेल एज एंडोडर्मल साइड दोनों में देखा जाता है। चलो बोला गया है गिवन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग द एम्फीबियन डेवलपमेंट, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है फाइब्रोनेक्टिन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनेबलिंग द मेसोडर्मल सेल टू माइग्रेट इन टू द एम्ब्रियो, वैसे ये स्टेटमेंट सही है, मैं कल इसको फाइब्रोनेक्टिन का रोल में प्ले एक्सप्लेन करना भूल गई। फाइब्रोनेक्टिन जो है एक्चुअल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब मेसोडर्मल सेल का माइग्रेशन हो रहा होता है एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है, इसका मैं छोटा सा नोट्स डाल के लेकर आई हूँ। एनीवेज मान लीजिए आपको ये पता नहीं है तो होल्ड पे डाल दीजिए,
ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं जो हमें पता हो जिससे हम सही ऑप्शन पे पहुंच सके। देखिए पहला सेकंड है, ऑर्गेनाइजर सीक्रेट प्रोटीन दैट ब्लॉक द बीएमपी सिग्नल यस एक्टोडर्मल सेल टू बिकम एपिडर्मिस, इज दैट सो? ऑर्गेनाइजर के द्वारा सीक्रेट किया जाने वाला प्रोटीन बीएमपी सिग्नल को इनहिबिट करके वहां के एक्टोडर्म को एपिडर्मिस में बदलता है? नहीं, न्यूरल टिश्यू में बदलता है। तो बी गलत हो गया। देखिए अब बी गलत तो ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। और मान लेते हैं कि ए आपको नहीं पता था। अब देखिए बचे हुए ऑप्शन में सी भी कॉमन है और इधर भी सी कॉमन है, मतलब कि सी ऑप्शन हर हाल में ट्रू होगा। लेकिन कैसे ट्रू है देखते हैं क्या लिखा क्या गया है यहाँ पे। डब्ल्यू एन टी सिग्नलिंग कॉज अ ग्रेडियंट ऑफ बीटा कैट अलॉन्ग द एपी एक्सिस ऑफ द न्यूरल प्लेट विच अपीयर टू स्पेसिफाई द रीजनलाइजेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब। यानी बीटा कैट जो प्रेजेंट रहता है वो एक्चुअल में न्यूरल ट्यूब को उस पर्टिकुलर रीजन में आइडेंटिटी दे रहा होता है। तो बीटा कैट का हमने रोल देखा था कि जब एपी एक्सिस फॉर्म होता है तो उस एपी एक्सिस के टाइम पे जो मेसोडर्मल टिश्यू माइग्रेट कर रहे हैं और जो एक्टोडर्मल साइड होता है उस एक्टोडर्मल साइड को जो है मेसोडर्म भी इंड्यूस करता है और वहां के सेल को न्यूरल ट्यूब में कन्वर्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट आपको जो है दैट इज एपिकल डॉर्सल सॉरी एपी एक्सिस में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमने वहीं पे पढ़ी थी, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, द मोर वेंट्रल ब्लास्टोमियर इन द एंडोडर्म हैव हाई एक्सप्रेशन ऑफ नोडल रिलेटेड प्रोटीन। यानी ये नोडल कौन सा प्रोटीन है, XNR प्रोटीन की बात की गई है, जीनोपस नोडल रिलेटेड प्रोटीन की बात की गई है। तो बोला है वेंट्रल ब्लास्टोमियर में ये नोडल रिलेटेड प्रोटीन का कंसंट्रेशन हाई रहता है। याद कीजिए डायग्राम कैसा था, ऐसा था डायग्राम, ये था डायग्राम, ये वाला, यहाँ पे XNR था, यहाँ पे XNR था, लेकिन XNR हाई कहाँ था, यहाँ था ना, यहाँ पे। तो इसका डायग्राम से ही पता चल रहा है कि ये लो कंसंट्रेशन है, ये वाला हाई है। तो ये डॉर्सल में हाई होता है ना कि वेंट्रल में, तो ये क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। तो देखिए कहते हैं क्वेश्चन को करने के लिए या तो आपको गलत पता होना जरूरी है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, या तो सही पता होना जरूरी है। हम यहाँ पे श्योर यहाँ पे दो दो का कॉम्बिनेशन है और हम डी के लिए एज वेल एज बी के लिए 100% श्योर है कि ये गलत स्टेटमेंट है। तो डी और बी को हटा दीजिए, ये भी हट गया, ऑटोमेटिकली ऑप्शन टू सही हो गया। फाइब्रोनेक्टिन का मैं बता देती हूँ, जीनोपस में जब मेनली मेसोडर्मल सेल जब इन्वॉल्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है, इन्वॉल्यूटिंग मार्जिनल जोन की जो सेल होते हैं, जब वो इन्वॉल्यूट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो ट्रैवल करते टाइम जो है फाइब्रोनेक्टिन के थ्रू माइग्रेशन शो करते हैं। वही चीज यहाँ बोला गया है कि फाइब्रोनेक्टिन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब मेसोडर्मल सेल माइग्रेट करते हैं। तो वही बताया गया है यहाँ पे कि जब मेसोडर्मल सेल इन्वॉल्यूट कर रहे होते हैं तो उनका जो प्रिकर्सर होता है वो माइग्रेट करता है एनिमल पोल की तरफ बाय ट्रैवलिंग ऑन एन एक्स्ट्रा लैटिस ऑफ फाइब्रोनेक्टिन व्हिच इज सीक्रेटेड बाय द प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म ऑफ द ब्लास्टोसील रूफ। और इस फाइब्रोनेक्टिन को एक्टोडर्म प्रोड्यूस करके रहता है। अगर इसका लॉस हो जाए, ठीक है, दैट विल रिजल्ट इनटू द अरेस्ट ऑफ इन्वॉल्यूशन। अगर फाइब्रोनेक्टिन का लॉस हो जाए तो मेसेनकाइमल जो मेसोडर्मल सेल्स होती हैं वो इन्वॉल्यूट नहीं कर पाएंगी एंड अ फेलियर टू कंप्लीट एपिबोली, साथ ही साथ एपिबोली भी प्रॉपर ढंग से कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई वी हैव चूजन सेकंड ऑप्शन फॉर दिस। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में जो है बताया गया है कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम सैम इन द अरेबिडोप्सिस, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एक ऑब्जर्वेशन रखा गया, कैसा ऑब्जर्वेशन, कि क्लेवाटा वन का म्यूटेशन हो जाए सैम बड़ा हो जाता है, क्लेवाटा थ्री का म्यूटेशन हो जाए सैम बड़ा हो जाता है, क्लेवाटा वुशल का म्यूटेशन हो जाए सैम छोटा हो गया, क्लेवाटा वन और वुशल का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए सैम छोटा हो गया, लॉस ऑफ फंक्शन क्लेवाटा थ्री और वुशल का हो जाए अगेन सैम छोटा हो गया, क्लेवाटा वन क्लेवाटा थ्री का म्यूटेशन हो जाए सैम बड़ा हो गया, क्लेवाटा थ्री का ओवर एक्सप्रेशन हो जाए छोटा सैम हो गया, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ क्लेवाटा थ्री जो है इन द लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ क्लेवाटा वन लीड टू द बिगर सैम। ये सारे ऑब्जर्वेशन दिए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक पाथवे डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग द सीएलबी वन सीएलबी थ्री एंड वुशल मोस्ट एप्रोप्रिएटली। आपको बताना यहाँ पे कौन सा पाथवे सबसे बेस्ट तरीके से सीएलवी वन सीएलवी थ्री एंड वुशल का रिलेशन बताता है। अब क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं तो हमको पता है इन तीनों के बीच का रिलेशन, लेकिन जो बच्चे चैप्टर नहीं पढ़ते हैं इनकेस जैसे मान लो कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है उसने टॉपिक स्किप कर दिया तो फिर भी यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन है कि उससे ये रिलेशन निकाल सकते हैं, पर हम राइट ही जाएंगे क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बोला गया है कि क्लेवाटा वन और क्लेवाटा थ्री दोनों वुशल को एक्टिवेट करेंगे, और एरो देखिए एक्टिवेशन का है, ऐसा तो नहीं होगा, गलत। नेक्स्ट देखिए, क्लेवाटा वन और क्लेवाटा थ्री अलग अलग वुशल को इनहिबिट करेंगे। भाई क्लेवाटा वन बिना क्लेवाटा थ्री के कैसे काम कर सकता है, रिसेप्टर बिना लिगेंड के एक्टिवेट हो जाएगा, तो क्लेवाटा वन अकेले क्यों वुशल को इनहिबिट कर रहा है, अकेले तो नहीं करना चाहिए, रिसेप्टर अकेले कैसे एक्टिवेट होगा बिना लिगेंड के, और लिगेंड भी अकेले काम कर रहा है बिना रिसेप्टर के, ये भी गलत। नेक्स्ट, क्लेवाटा थ्री ये जो है क्लेवाटा वन को एक्टिवेट करेगा कैसे, बाय बाइंडिंग, ओके ग्रेट। फिर क्लेवाटा थ्री क्लेवाटा वन बाइंड कर गए हैं, देन नाउ दे आर गोइंग टू इनहिबिट द वुशल, एकदम सही, एंड देन वुशल इनहिबिशन कैन लीड टू द रेगुलेशन इन द सैम साइज, एकदम सही, राइट। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट, क्लेवाटा वन क्लेवाटा थ्री को इनहिबिट करेगा, एकदम घनघोर गलत स्टेटमेंट, तो वी कैन गो विद द थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। यस, तो लिगेंड और रिसेप्टर अलग अलग नहीं काम कर सकते हैं, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिनका साथ में काम करना जरूरी होता है तभी हमको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है, ठीक है। देखिए हमने डायग्राम अभी तो वही कहा था कि सीएलवी थ्री क्या करेगा, सीएलवी वन एब्लिक टू इनसे इंटरेक्ट करने के बाद वुशल को इनहिबिट कर रहा, अकेले अकेले नहीं कर रहा है, राइट। तो हमने डायग्राम में भी वही पढ़ा था। चलो अगला सवाल, ये हॉट क्वेश्चन में कहा पार्ट है, हॉट क्वेश्चन यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, ठीक है। कोई बच्चा सोचा मैं सो गरम गरम तवे से उतार के लेकर आई हूं, तो हॉट क्वेश्चन का एक अच्छा पॉइंट क्या होता है, बहुत से हिंट दिए होते हैं क्वेश्चन में, तो पकड़िए हिंट और उसके बाद सॉल्व कीजिए।
मैं थोड़ा सा शिफ्ट होती हूँ, काफी कुछ छुप जा रहा है मेरे कुछ। चलिए आंसर बताइए, देखते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन में। बोला है द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन थ्रू एन अरबिडोप्सिस शूट एपिकल मेरिस्टम एंड द लीफ प्राइमोर्डियम एट इट्स फ्लैंक डॉर्सल डी एंड द वेंट्रल वी डोमेन। यहाँ पे दो डोमेन बोला है, डॉर्सल डोमेन एंड वेंट्रल डोमेन, ठीक है। आर मार्क डॉर्सल डी एंड वी जीन, अच्छा जीन का भी नाम जो है यहाँ पे डी एंड वी है। डी एंड वी जीन आर एक्सप्रेस इन द डॉर्सल एंड वेंट्रल डोमेन रेस्पेक्टिवली, यानी डी जीन जो है कहाँ पे एक्सप्रेस करता है डॉर्सल में, और वी जीन कहाँ एक्सप्रेस करता है वेंट्रल में, ये पता चल गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द फिनोटाइप ऑफ लीफ पोलैरिटी। अब इस लीफ को पोलैरिटी देने के लिए यहाँ कुछ स्टेटमेंट लिखे गए हैं, इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको फंक्शनल मॉडल को सेलेक्ट करना है जो बेस्ट तरीके से रिजल्ट को बताएगा। अब इसके लिए हमको ये जो चार स्टेटमेंट दिया है ना, इसको बहुत अच्छे से इसका जो है पोस्टमार्टम करना है। पहला ऑप्शन देखिए क्या बोला गया है, इसी से हमको रियलिटी पता चलेगी। क्योंकि ध्यान दीजिए जब कोई भी जीन डिस्कवर होती है ना, तो पता करना हो कि उसका फंक्शन क्या है, इसकी वजह से जो है ये फंक्शन था और इसको हटा देने की वजह से ये फंक्शन लॉस हो गया, मतलब ये जीन का ये फंक्शन होता है ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है, लॉस ऑफ डी फंक्शन, यानी अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए किसमें डी जीन में, तो क्या होता है फंक्शन मेक द लीफ वेंट्रलाइज्ड, उस केस में क्या हो जाता है लीफ वेंट्रलाइज्ड हो जाता है, ऐसा केस देखा गया। वेयर एज ओवर एक्सप्रेशन डॉर्सलाइजेस द लीफ, और अगर आप ओवर एक्सप्रेशन कर देते हो डी जीन का तब क्या होता है, तब लीफ जो है वो डॉर्सलाइज्ड हो जाता है। इससे ये चीज कंफर्म हो गई, ये ए स्टेटमेंट का रिजल्ट है, इससे ये चीज कंफर्म हो गई कि डी जीन डॉर्सल में एक्सप्रेस करती है और लीफ को डॉर्सलाइज करने का काम करती है, इसलिए जब वो जीन नहीं है तो लीफ वेंट्रलाइज्ड हो जा रहा है, ये कंक्लूजन निकला हमारे सामने। अब देखते हैं बी स्टेटमेंट का क्या कहना है। बी का कहना है कि अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए वी का तो इससे लीफ डॉर्सलाइज हो जाता है, दैट विल मेक लीफ डॉर्सलाइज, लीफ जो है वो डॉर्सलाइज हो जा रही है अगर वी का लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है तो, और इसका ओवर एक्सप्रेशन जो है लीफ को वेंट्रलाइज कर दे रहा है, यानी ओवर एक्सप्रेशन ऑफ वी जीन दिस इज वेंट्रलाइजिंग द लीफ। इससे ये पता चल गया, यानी ये चीज जो है ये क्या हो गई, ये कंफर्म हो गई कि डी जीन डॉर्सल एक्सेस ही बनाती है और वी जीन वेंट्रल ही बनाती है। अगर डी जीन में म्यूटेशन हो गया तो वेंट्रल बन जाएगा, वी जीन में म्यूटेशन हो गया तो डॉर्सल बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट का क्या कहना है, थर्ड को यहां ले लेते हैं। थर्ड में बोला गया है लॉस ऑफ माइक्रो आरएनए MIR166, यानी अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए किसका MIR166, इट विल डॉर्सलाइजेस द लीफ। तो अगर ऐसा होता है तो लीफ क्या हो जाती है, डॉर्सलाइज्ड हो जाती है। लेकिन अगर इसका ओवर एक्सप्रेशन हो जाए, इफ देयर इज अ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ MIR166, तो तब क्या हो रहा है, इट विल वेंट्रलाइज द लीफ। मुझे फटाफट से बताइए ये MIR166 किसकी तरह काम कर रहा है, किसकी तरह बिल्कुल रिजल्ट शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, MIR166 फंक्शन बाय इनहिबिटिंग इट्स टारगेट mRNA, और MIR1 फंक्शन कैसे करता है, MIR166 ये कैसे फंक्शन करता है, इट फंक्शन बाय इनहिबिटिंग द टारगेट mRNA, टारगेट mRNA को रोक के ये फंक्शन करता है। ये चार रिजल्ट हमारे सामने आए हैं, अब आपको इन सब के बेसिस पे बेस्ट मॉडल प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। तो जितना मेरा दिमाग कह रहा है और ऑब्जर्वेशन कह रहा है कि ये जो ये वाला हमको थर्ड वाला जो हमको कंक्लूजन मिला है वो कंक्लूजन किसकी तरह मैच कर रहा है, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो डॉर्सलाइज हो जाता है, ओवर एक्सप्रेशन है तो वेंट्रलाइज हो जाता है, इट इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ वी जीन, राइट, यस वी जीन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। कभी भी हॉट क्वेश्चन आए यू नीड टू मेक दिस काइंड ऑफ कंक्लूजन, इससे क्या होता है आपके क्वेश्चन को गलत करने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि अब जो है आपकी आंखों के सामने है कि कौन क्या कर रहा है। अब चलिए मैच करते हैं, बोला है कि MIR166 डी को डी जीन को इनहिबिट करेगा, तो MIR166 डी जीन को इनहिबिट करेगा, अगर ये डी जीन को इनहिबिट करेगा, अच्छा ये वी जीन की तरह काम कर रहा है और इसका ओवर एक्सप्रेशन जो है वो वेंट्रल बना रहा है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इसका नॉर्मल एक्सप्रेशन भी क्या बनाएगा, इसका नॉर्मल एक्सप्रेशन भी वेंट्रल ही बनाएगा, अगर ओवर एक्सप्रेशन वेंट्रल बना रहा है तो लॉस ऑफ फंक्शन डॉर्सल बना रहा है। तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि MIR166 से डी को रोक रहा है और डी का रिलेशन है कि वो डॉर्सल बनाएगा, जबकि वी जो है वो वेंट्रल आइडेंटिटी देगा। तो अगर मैं इस ऑप्शन को देखती हूँ तो ये ऑप्शन जो है ये MIR166 जो है इसको समहाउ कुछ ऐसे काम करना चाहिए कि ये वी के साथ भी रिलेशन रखे, राइट, तो ये इसके यहाँ पे रिलेशन शो नहीं कर रहा है, तो वी कैन एक्सक्लूड दिस ऑप्शन। सेकंड देखिए यहाँ पे MIR166 डॉर्सल को इंड्यूस कर रहा है, कि डॉर्सल को इंड्यूस क्यों करेगा, जबकि इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है वेंट्रल एक्सेस बनाना, तो ये भी हट गया। थर्ड देखिए MIR166 ये जो है डॉर्सल को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है रिलेशन ठीक है फाइन, लेकिन साथ साथ में डॉर्सल अगर डॉर्सल एक्टिव रहता है तो वो डॉर्सल आइडेंटिटी देगा, ठीक है, अगर डॉर्सल एक्टिव हो गया तो वेंट्रल बनाने वाले फेट को रोकेगा, तभी तो डी जीन के ना रहने पर वेंट्रल बन जा रहा है, यानी डी जीन के रहने पे वेंट्रल क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि वो वी जीन को शायद रोकता होगा इसलिए नहीं बन रहा है। यहाँ पे यही रिलेशन मिसिंग था, इनको अकेले अकेले बता दिया गया था, डी और वी का अपना रिलेशन नहीं बताया गया, क्योंकि एक के नहीं रहने पे दूसरा आइडेंटिटी चला आ रहा है, मतलब कि दूसरा जीन एक्सप्रेस कर रहा है,
और उसके नहीं रहने पे वो जीन एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब उसके रहने पे कोई ना कोई उसको उस जीन को रोक रहा होगा, राइट। तो यानी जब डी प्रेजेंट है, यानी वो समझ जाइए कि उस टाइम पे वी को वो इनहिबिट कर रहा है, और अगर वी प्रेजेंट है तो उस एरिया में समझ जाइए वो डी को इनहिबिट कर रहा है। इसीलिए जब डी नहीं है तो देर इज नो वन टू इनहिबिट बी एंड दैट इज वाई वी एक्टिव रहता है, और जब वी नहीं है सेम केस की डी को कोई इनहिबिट नहीं कर पाता है, हेंस डी एक्टिव रहता है। तो ये रिलेशन देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा है कि डी एक्टिव रहेगा तो वो वी को इनहिबिट करेगा, और वी एक्टिव रहेगा तो वी डी को इनहिबिट करेगा। वी जब एक्टिव होता है तो वेंट्रल आइडेंटिटी देता है। तो यस, ये थर्ड ऑप्शन जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट सिग्नलिंग पाथवे हमको शो कर रहा है, जिससे कि ये चारों स्टेटमेंट को हम सिग्निफाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ भी कहा था कि एमआईआरएनए फंक्शन करता है अपने टारगेट एमआरएनए को इनहिबिट करके, इसलिए एमआईआरएनए जो है डॉर्सल जीन को इनहिबिट कर रहा है, क्योंकि डॉर्सल डी जीन जो है, सॉरी नॉट डॉर्सल, डी जीन जो है ये इसका टारगेट है। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में तो डी और वी एक दूसरे को एक्टिवेट कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज वाई वी कैन गो विद द थर्ड ऑप्शन। उम्मीद करती हूँ ये सबको क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, राइट। चलो अगला सवाल। जो बच्चे ओवर स्मार्टेस्ट दिखा रहे हैं ना, ये अंशु, हिमानी, अनामिका, तब और ओवर स्मार्टेस्ट निकाल दूंगी मैं। देखो शुरू हो गया, मैंने बोला आंसर देने को, चलिए आंसर दीजिए। सब देख रही हूँ मैं, एक एक के नाम देख रही हूँ मैं, जो बात नहीं सुन रहा है, फिर मैंने उनकी बात नहीं सुननी है। पहले बता दे रही हूँ, फिर मत कहना मैम आपने बताया नहीं था, मैम आपने वॉर्न नहीं किया था। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट गलत बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। सीधी सी बात है, यहाँ चार स्टेटमेंट है, मतलब तीन सही है और एक गलत है। पहला, द मेगास्पोरोसाइट डेवलप विद इन द मेगास्पोरेंजियम ऑफ द ओव्यूल, बिल्कुल सत्य वचन बोला गया है। नेक्स्ट, मेगास्पोरोसाइट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस फोर हैप्लॉइड मेगास्पोर, बिल्कुल मेगास्पोरोसाइट्स में जो है मियोसिस होता है, तब जाकर हमको फाइनल रिजल्ट चार हैप्लॉइड मेगास्पोर मिलते हैं। नेक्स्ट, ऑल फोर मेगास्पोर अंडरगो सेवरल माइटोटिक डिवीजन, चारों के चारों मेगास्पोर में माइटोटिक डिवीजन होता है, नहीं एक ही में होता है, वो भी जो सबसे लार्जर होता है, स्पेशली जो चलेसर एंड की तरफ रहता है, और बाकी तीन क्या हो जाते हैं, डी जनरेट हो जाते हैं। तो ये क्या बोला, घनघोर पाप वाला स्टेटमेंट बोल दिया इन्होंने। नेक्स्ट, फीमेल गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड, बिल्कुल भाई फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड तो होगा, गैमेट्स तो हैप्लॉइड ही होते हैं, राइट। तो ये भी सही हो गया, तो गलत ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड वाला हो गया। अगला सवाल, काजल जी ये एक प्लस पॉइंट एक्चुअल में अभी एग्री करती हूँ कि मेरी क्लास में मैक्सिमम बच्चे 80% कॉन्सेप्ट को क्लास में ही लर्न कर लेते हैं, ठीक है, और बाकी 20% आपको क्लास खत्म होने के बाद एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, पर सबके साथ ऐसा नहीं होता। तो बच्चे ध्यान से सुनते हैं क्लास में, समझ लीजिए उनका टॉपिक को 80% क्लास में ही रेडी हो जाता है। इब्रत, प्लेटफॉर्म की तरफ से भी बहुत से क्वेश्चंस आपको एट द एंड प्रोवाइड किए जाएंगे, अभी तो लर्निंग फेज चल रहा है। तो चलो बताओ आंसर क्या होगा। तो बोला गया है मैच द टू कॉलम दैट रिप्रेजेंट प्लांट ऑर्गन पार्ट विद दीज ऑर्गन, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन आपको बना लेना है, जो दिया है उसमें काम चला लेना है, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूँ, बोला गया है कार्पल, पेरियंथ, माइक्रोस्पोरोसाइट, मेगास्पोरोसाइट। तो माइक्रो की बात करूं तो माइक्रो तो मेल से रिलेटेड है, तो माइक्रोस्पोरोसाइट्स की मैं बात करूं तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल चले जाएंगे, राइट। तो ये हो गया क्या, सी का टू हो गया, ठीक है। कार्पल की बात करें तो कार्पल में जो है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी चले आएंगे, ए का जो है हो गया थ्री। नेक्स्ट, मेगास्पोर की बात करूं तो फीमेल की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, फीमेल की बात हो रही है तो हम कौन सा ले सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे, दैट इज डी का। ओके, मेगास्पोरोसाइट्स एंटीपोडल सेल पोलर न्यूक्लियाई सिनर्जिड सेल, इसके साथ जा सकते हैं फोर्थ। एंड नेक्स्ट बच गया बी, बी का पेरियंथ बोला है, दैट इज जिसमें पेटल्स कोरोला को हम ले सकते हैं, जो ऑप्शन दिया है उसी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इन दिस वे वी कैन से दैट ए का थ्री जो है दो में है, सेकंड एंड फोर्थ में, तो ये हट गए। उसके बाद सी का टू हमको मिला है, सी का टू सिर्फ इसी में है, इसमें नहीं है, तो सेकंड वाला भी हट गया है, फोर्थ वाला सही हो जाएगा, जिसमें है ए का थ्री, बी का वन, सी का टू एंड डी का फोर्थ, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल, रिया जी पेरियंथ पढ़ते ही उनका सॉल्व होगा, जो बॉटनी वाले हैं है ना, नॉन बॉटनी वाले को तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो उनके लिए अदर ऑप्शंस भी हैं सही ऑप्शन पे पहुंचने के लिए। मैं क्वेश्चन था कि मेगास्पोर में सिर्फ क्वेश्चन तो बना रहा हूं, सिर्फ एक एक ही क्यों फंक्शन है उसमें रहता नहीं है, देखिए एक्चुअल में जो चार यहाँ पे मेगास्पोर बनते हैं ना, तो प्लांट के पास कैपेबिलिटी नहीं होती है चारों को नरिशमेंट प्रोवाइड करने की, और एक रिसर्च के अनुसार जो है यहाँ पे काफी सिग्नलिंग्स भी काम करती हैं, जो कि कैल्शियम डिपेंडेंट मैनर में चल रही होती है। तो होता यह है कि प्लांट के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो एक ही सेल को संभव नरिशमेंट प्रोवाइड करके, सारी प्लस चीजें प्रोवाइड करके उसको नरिश कर सकता है, जो ताकि वो अगले जनरेशन को जन्म दे सके।
इसलिए बाकी तीन सेल्स को प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करवा सकता, उसको नरिशमेंट या उसको वो सारी चीजें नहीं दे सकता है जिससे कि वो जनरेशन टू मतलब जनरेशन अगले जनरेशन को जन्म दे सके। इसलिए बाकी के तीन सेल्स डीजेनरेट हो जाते हैं। ऑल्सो उनमें जो कैल्शियम सिग्नलिंग होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं देखी जाती है कंपेयर टू दैट वन बिगर सेल। इसलिए बाकी तीन डीजेनरेट होकर एक ही जो मेगास्पोर होता है वो सर्वाइव करता है और वही नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। ओके चलिए इसका आंसर दीजिए। बोला गया है फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड इन रिलेशन टू द फाइव वाइडली रिकॉग्नाइज स्टेजेस ऑफ अरेबिडोप्सिस एम्ब्रियोजेनेसिस। आपको बताना है करेक्ट कॉम्बिनेशन। पहला है फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड एग एंड स्पर्म टेक प्लेस इन ग्लोबुलर स्टेज। भाई ग्लोबुलर स्टेज में इनका फ्यूजन होगा तो जायगोटिक स्टेज में क्या होगा? गलत, ये गलत, तो फिर ये गलत ठीक है। नेक्स्ट देखिए सी दोनों में कॉमन रहेगा, यानी सी ऐसा स्टेटमेंट है जो बिना पढ़े सही हो सकता है। क्या बोला है? सी में द सेल एलॉन्गेशन थ्रू द एम्ब्रियो एक्सेस एंड फर्दर डेवलपमेंट रिजल्ट इन द टॉर्पिडो स्टेज। बिल्कुल सही बोला है। नेक्स्ट देखिए बी देखते हैं, रैपिड सेल डिवीजन इन द टू रीजन ऑन ईदर साइड ऑफ द फ्यूचर शूट अपेक्स फ्रॉम द हार्ट स्टेज। अगर ये स्टेटमेंट देखा जाए तो क्या है, एकदम सही है, ट्रू। दो दो साइड में जब सेल डिवीजन होते हैं तो वो जो गोलू गोलू होता है वो बीच से नॉर्मल रह जाता है और साइड साइड से ग्रो होने लगता है, तो हेंस इस तरीके से करके हार्ट शेप बना लेता है। डी देखिए, द एम्ब्रियो लूजेस वाटर एंड बिकम मेटाबॉलिकली इनएक्टिव इन जायगोटिक स्टेज। भाई मैच्योरेशन स्टेज में ऐसा होता है। हो गया बी एंड सी सही, दैट इज सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल, ओके बताइए आंसर क्या होगा। बोला गया क्वेश्चन में, ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ अरेबिडोप्सिस एम्ब्रियोजेनेसिस सेल एलॉन्गेशन थ्रू आउट द एम्ब्रियोनिक एक्सेस एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ कॉटिलेडन अकर। ग्लोबुलर स्टेज में होता है? नहीं, टॉर्पिडो स्टेज में ऐसा हो सकता है, हार्ट स्टेज में नहीं होता है, मैच्योरेशन स्टेज में नहीं, दैट इज इन द टॉर्पिडो स्टेज होता है। चलो अगला सवाल। चलिए आंसर दीजिए, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। म्यूटेशन इन द जीन एक्स, अगर जीन एक्स में म्यूटेशन हो जाए ठीक है, रिजल्ट इन मोर नंबर ऑफ लेटरल रूट फॉर्मेशन। इसमें अगर म्यूटेशन हो जाता है तो जो लेटरल रूट का फॉर्मेशन होता है, लेटरल रूट फॉर्मेशन, वो क्या हो जाता है, वो हाई हो जाता है ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है। तो क्या बोला है, द जीन प्रोडक्ट एक्ट एज अ पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ लेटरल रूट फॉर्मेशन। ये जीन जो है पॉजिटिव रेगुलेटर की तरह काम करता है लेटरल रूट फॉर्मेशन के लिए। अगर ये ऐसा करता तो इसके म्यूटेशन होने पे लेटरल रूट का फॉर्मेशन रुक जाता, ना कि और होने लगता, तो इट इज नॉट अ नेगेटिव पॉजिटिव रेगुलेटर, गलत। नेक्स्ट, द जीन प्रोडक्ट एक्ट एज अ नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ लेटरल रूट फॉर्मेशन, दिस कुड बी अ चांस। क्यों? क्योंकि देखिए जब जीन एक्स वाइल्ड टाइप फॉर्म में रहेगा तो दिस विल गोइंग टू इनहिबिट द लेटरल रूट फॉर्मेशन, इसलिए जब इसका म्यूटेशन हुआ है तब लेटरल रूट फॉर्म हो रहा है ठीक है। तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि माइट बी दिस इज अ नेगेटिव रेगुलेटर, दैट इज व्हाई ऐसा हो रहा है। मतलब इतना डेप्थ पढ़ने के बाद हम इस चीज को तो कंक्लूड करने लायक अभी बन चुके हैं राइट। नहीं देखिए, जीन प्रोडक्ट इज नॉट लाइकली टू इन्वॉल्व इन द लेटरल रूट फॉर्मेशन। अरे भाई अगर इसका किसी भी एंगल से कोई रिलेशन नहीं होता तो ये कुछ नहीं करता उसको इफेक्ट, गलत। द जीन प्रोडक्ट प्रमोट द एप्लीकेशन ऑफ अ लेटरल रूट डेवलपमेंट, नो। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट यहां पे स्टेटमेंट अभी हमको दिख रहा है, मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट जो दिख रहा है हमको, वो मिल रहा है सेकंड ऑप्शन। अगला, जस्ट इतने इजी क्वेश्चन अभी आते हैं, वो बात अलग है कि नदी के उस तरफ की घास जो होती है वो अक्सर हरी नजर आती है, क्योंकि हमको दूसरों की जिंदगी, दूसरों का लाइफस्टाइल अच्छा लगता है, दूसरों की लाइफ हमको बहुत एक्साइट कर रही होती है अपनी लाइफ को छोड़ के। सेम वैसे ही क्वेश्चन पेपर के साथ होता है। चलिए दस मिनट भव्या, माही अभी प्लांट पढ़ने के बाद ये स्टेटमेंट दीजिएगा ना। हाँ, बट आई एम अ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसके लिए जुअलॉजी बहुत टफ चीज है ठीक है, दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी। इसलिए मैं प्लांट को आज के टाइम में जस्टिफाई कर पाती हूँ। जो बच्चा मुझसे प्लांट पढ़ता है वो फुली खुश रहता है कि हाँ कुछ पढ़ा है, दमदार कुछ पढ़ा है। एनिमल इसलिए आज तक नहीं पढ़ा पाएंगे, दोस्ती नहीं हो पाएंगे एनिमल से सामने से। चलो आंसर दो, ये तो बैठी गंगा में हाथ धोने लग रहे हैं सबके सब एक साथ। Which one of the following statement regarding the double fertilization in the plant is correct? 2020 में पूछा गया है ये। Double fertilization से related कौन सा statement यहाँ पे correct है? पहला, the same sperm cell fused with both egg and central cell। ऐसा गंभीर बात क्यों करवा रहे हो भाई? दो sperm cell है, अपना अपना काम करेंगे, ठीक है? Next, two sperm cell fused with egg cell? No. One sperm cell fused with egg cell? Yes. And the second one with the central cell? बिल्कुल सही, ठीक है? Next, two sperm cell fused with the central cell? ना बेटा, third option। That's all.
ये भी 2020 में पूछा गया, आई थिंक दिस वॉज इन द अदर शिफ्ट। नाली में हाथ धो रहे गंगा नहीं बहेगी इधर, शुक्र कीजिए हमारे बीच में कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसका नाम गंगा है, वरना वो बोलता बात बात में मुझे क्यों बहा देते हो। आंसर बताइए, बोला गया है द डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड द मेल गैमेटोफाइट इज हाईली कंजर्व अमंग द एनजीओ स्पर्म फॉलोइंग आर सम ऑफ द इवेंट एसोसिएटेड विद द पोलन डेवलपमेंट इन अ रैंडम ऑर्डर। यहां पे कुछ सीक्वेंस दिए गए हैं लेकिन एक तरीके से जो है अनऑर्गेनाइज्ड है, आपको उसे ऑर्गेनाइज करना है और आपको सही सीरीज में इसको रखना है। तो अगर मैं पढ़ती हूँ ऑप्शन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन द पोलन सैक टू प्रोड्यूस टेट्राड, एसिमेट्रिक डिवीजन फॉर्मिंग द इमैच्योर पोलन ग्रेन, आर्कियोस्पोर डिवीजन, डिवीजन ऑफ जेनरेटिव सेल टू प्रोड्यूस टू स्पर्म सेल एंड कैलस डाइजेशन टू फॉर्म फ्री माइक्रोस्पोर। ओके, तो अगर मैं देखती हूँ तो आर्कियोस्पोर का डिवीजन सबसे पहले होगा, फिर MMCs प्रोड्यूस होंगे, MMCs फिर क्या करेंगे, MMCs जो है एक तरीके से के बाद हमारा ऑप्शन हो सकता है दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन द पोलन सैक टू प्रोड्यूस टेट्राड, सेकंड सीक्वेंस ये हो सकता है, ठीक है कि टेट्राड बना है। उसके बाद जो है टेट्राड को हम क्या कर सकते हैं, टेट्राड को हम कैलेस से डाइजेस्ट कर सकते हैं ताकि माइक्रोस्पोर बाहर निकले। ओके, ये थर्ड को ले सकते हैं हम, माइक्रोस्पोर बाहर निकल गया तो उसके बाद जो है डिवीजन ऑफ जेनेटिव सेल टू मूव टू स्पॉन्सर नहीं है, एसिमेटिक डिवीजन हो सकता है, उसके बाद ये हो सकता है राइट, एसिमेटिक डिवीजन ऑफ पॉलन ग्रेन जिसमें कि वेजिटेटिव सेल एंड जेनेटिव सेल प्रोड्यूस होगा, और जेनेटिव सेल का सबसे लास्ट में डिवीजन होता है दो स्पर्म सेल में जब वो पॉलन ट्यूब के अंदर आ जाता है, दैट इज फिफ्थ स्टेप ही होगा। तो जो यहाँ पे दिया गया है ना उसी को आपको ऑर्गेनाइज करना है, और इसमें से बीच बीच में से स्टेप इन्होंने गायब किया है लेकिन फिर भी आपने सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना है राइट। तो अगर मैं देखती हूँ तो मुझे मिल रहा है सी, उसके बाद मिल रहा है ए, ई, बी, डी, मैच कर लीजिए किसी से मैच हो रहा है, सी ये दो में, सी ए ई बी डी सेकेंड वाला मैच हो गया, ठीक है यस। चलो अगला सवाल ये है आपके सितंबर 2022 का, जरा इन सबके हिंदी पढ़ के देखिए। ग्लोबुलर स्टेज को बोला जाता है गोलाकार अवस्था, जाइगोटिक स्टेज को बोला जाता है युग्मंज, युग्मंज अवस्था, टॉर्पीडो को तो टॉर्पीडो ही कहा जा रहा है भाई साहब, क्या ही हिंदी में कितना टफ हो जाता है साइंस और। मैच्योरेशन स्टेज को बोला गया है परिपक्व अवस्था, चलो अच्छा हम लोग इसको इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं। ओके आंसर बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ अरेबिडोप्सिस एम्ब्रियोजेनेसिस डू द विजिबल डिस्टिंक्शन बिटवीन दी एडेक्सियल एंड एबेक्सियल टिश्यू ऑफ कॉटिलिडन बिकम इनिशियली अपेरेंट। इसमें जो है हमें एडेक्सियल एंड एबेक्सियल जो टिश्यू होता है कॉटिलिडन का उसमें डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं, जाइगोटिक स्टेज में तो नहीं होता है, ना ही ग्लोबुलर स्टेज में होता है, मैच्योरेशन स्टेज में तो कुछ और ही हो रहा है, तो यहाँ ये किसमें होता है, टॉर्पीडो स्टेज में होता है। साइडवेज डिवीजन जो है वो हमको हार्ट स्टेज में देखने को मिल सकता है, उसके बाद जो सेल्स होते हैं वो इलॉन्गेट करते हैं, टॉर्पीडो स्टेज बनाते हैं, देन एडेक्सियल एंड एबेक्सियल टिश्यू जो होते हैं कॉटिलिडन के वो अपेरेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो वी कैन गो विद थर्ड ऑप्शन, नेक्स्ट सितंबर 2022 का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, 11th क्लास में हमको ये पढ़ाया गया, ठीक है इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, मैं देखती हूँ कितने बच्चे इसको सही कर पाते हैं। टॉर्पीडो से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं तो बाकी को जो जिनको छोड़ दिया गया उससे क्वेश्चन बन सकते हैं फ्यूचर में। आंसर बताओ, क्वेश्चन ने बोला है ऑटोगैमी रेफर्स टू, ऑटोगैमी किसको कहते हैं, सेल्फ एबॉर्शन ऑफ गैमेट नो, फ्लावरिंग फेलिंग टू ओपन नो, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर यस, इसको हम कहते हैं ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन जब होता है, क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर नो, ठीक है ये हो गया आपका, ये गया पहला क्वेश्चन।
ओके चलो बताओ क्या होगा आंसर. क्वेश्चन बोला गया, इन एन एक्सपेरिमेंट द स्पर्म मूव्ड फ्रॉम एपिडिडाइमिस ऑफ एन मेल माउस एंड वाज एडेड इन द डिश कंटेनिंग एन एप्रोप्रिएट मीडिया एंड द ऊसाइट. यानी स्पर्म को जो है मेल के एपिडिडाइमिस एरिया से जहां पे वो स्टोर थे वहां से निकाला गया और एक पेट्री डिश में डाल दिया गया जिस पेट्री डिश में जो है एप्रोप्रिएट मीडिया और एक ऊसाइट प्रेजेंट था. However, when the sperm from epididymis were directly placed in the uterus of an ovulated female, she became pregnant. लेकिन जब sperm को रिमूव करके female के uterus में डाला गया, जो female already ovulated कर चुकी थी, तो देखा गया कि वो pregnant हो गई. ठीक है? इस observation से आप क्या suggest कर सकते हैं? आपको most appropriate statement बताना है. कौन बोल रहा है? Five? पकड़ के जो है मैंने उसको ऐसा ही mice बना देना है. तो पहला ऑप्शन है द स्पर्म नीड टू ट्रैवल सम डिस्टेंस टू अटेन फर्टिलाइजिंग एबिलिटी. इन जनरल सेंस बात तो सही है बट ये ट्रैवल क्यों करना है ये रीजन नहीं बताया है. और इतना जनरल स्टेटमेंट ये हम तभी पिक कर सकते हैं जब बाकी तीन स्टेटमेंट एकदम ही नकारा निकले तब. ठीक है सेकंड देखते हैं द ऊसाइट सीक्रेट सम बायोकेमिकल केमिकल्स और फैक्टर व्हिच हेल्प द स्पर्म टू फर्टिलाइज. बात ये भी सही है तो पूरा तो करेक्ट नहीं है बट पूरा गलत भी नहीं है तो इसको भी होल्ड पे रखते हैं हम लोग. नेक्स्ट है द हार्मोन इन द बॉडी हेल्प द स्पर्म टू अटेन द फर्टिलाइजिंग एबिलिटी. हार्मोन जो होता है वो स्पर्म को कैपेबिलिटी देता है कि वो फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी गेन कर ले. ये भी बात सही है लेकिन पार्शली सही है क्योंकि अगर ये तीनों स्टेटमेंट मिलकर कुछ अच्छा स्टेटमेंट बना पाते तब हम कहते हैं एप्रोप्रिएट है. द कंटेंट ऑफ द स्पर्म रिप्रोडक्टिव ट्रैक इंटरैक्ट विद द स्पर्म एंड एक्टिवेट इट फॉर फर्टिलाइजेशन. तो देखा जाए तो चारों स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि हमको कुछ ना कुछ सही हिंट दे रहे हैं लेकिन जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है वो ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पा रहा है कि वो कर क्या रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो भी कंटेंट है वो क्या कर रहे हैं वो स्पर्म को एक तरीके से स्पर्म से इंटरैक्ट कर रहे हैं. ये इंटरैक्शन वाली बात जो है बहुत कम जगह बोली गई है. इंटरैक्ट कर रहा है उसे एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि वो फर्टिलाइज कर सके. तीसरी स्टेटमेंट जो है मोस्ट अगला सवाल अच्छा गाइस एक चीज और मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूं मे बी आई थिंक मैं भूल गई हूँ कंफर्म करना. ओके हमने एपी बोली पढ़ा था. वेट अ मिनट यहाँ नहीं लिखती हूँ ठीक है. होल्ड अ सेकंड गाइस होल्ड अ सेकंड ऑन दिस क्वेश्चन यहाँ पे लिख देती हूँ. इस लाइन हमने एपी बोली पढ़ा था. एपी बोली में क्या हो रहा था आउटसाइड सेल मूवमेंट हो रहा था. एक और मूवमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एम्बोली. ठीक है ये इनवर्ड सेल मूवमेंट होता है और इसी के हमने टाइप पढ़े थे लाइक इनवैजिनेशन पढ़ा था इनग्रेशन पढ़ा इनवोल्यूशन पढ़ा डीलेमाइनेशन पढ़ा और गैस्टुलेशन के टाइम पे ये दोनों ही होते हैं ना. यानी आउटर सेल आउटसाइड द मतलब सेल जो होता है आउटसाइड में भी मूव करता है इनसाइड में भी मूव करता है. तो एपिबोली वाज एग्जांपल ऑफ आउटसाइड सेल मूवमेंट जबकि एम्बोली इज द एग्जांपल ऑफ इन. ये बेसिक चीज थी जो भी क्लियर रहनी चाहिए. चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन ले लेते हैं. क्योंकि इनवर्ट जो सेल होते हैं वो किस तरीके का मूवमेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं उस मूवमेंट बिहेवियर पे हमने उनको और चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. जो मेरी वो जो बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं ना बिना पूछे आंसर दिए जा रहे हैं मैं उनके नाम नोट करती हूँ. उसके बाद वो बच्चे जब मेरे से डाउट पूछेंगे तो मैंने आंसर नहीं देना है. जैसे आप बिना पूछे आंसर दे रहे हैं आपके पूछने पर मैंने आंसर नहीं देना है. मैं सबके नाम नोट कर रही हूँ. जो करना है करो हमारा भी टाइम आएगा तब बताएंगे. जो बच्चे डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करेंगे दे नीड टू पे फॉर दैट. इतना टाइम हो गया दो महीने होने जा रहे हैं अभी तक तो चीजें समझ में आ जानी चाहिए ना कि क्लास में किन किन चीजों को मेंटेन रखना है. छोटे बच्चे थोड़ी है कि एक ही रिक्वेस्ट हजार बार करती हूँ मैं हर क्लास में करती हूँ. अभी तक तो ये चीज ट्रेन बेसिस पे दिमाग में आ जानी चाहिए ना कि जब तक बोला ना जाए आंसर मत दीजिए. चलो आंसर दो. ओके आपको आइडेंटिफाई करना है सीक्वेंस को वन से लेकर फोर तक. ठीक है अब ये देखिए 2011 का क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा ओल्ड वर्जन वाला पूछ दिया गया है. तो हम इसके लिए श्योर है कि भाई ट्रोफोब्लास्ट बन रहा है तो वन वाला कौन सा होगा ये होगा सी डी एक्स टू. ठीक है ये टू वाला कौन होगा जो मॉड्यूला को ट्रोफोब्लास्ट बनने से रोकता है मॉड्यूला सेल को दैट इज ये होता है ऑक्ट फोर. ठीक है ये आईसीएम की प्लूरिपोटेंसी मेंटेन कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा स्टैट थ्री. और कोई ऐसा फैक्टर जो कि सी डी एक्स टू के द्वारा भी रोका जा रहा है और ये आईसीएम को हाइपोब्लास्ट बनने से रोकता है दैट इज दी नैनोग. देख लेते हैं सी डी एक्स टू सेकंड इज ऑक्ट फोर थर्ड इज स्टैट थ्री. नो स्टैट थ्री यहाँ पर है एंड देन फोर्थ इज ऑक्ट फोर दैट इज सेकंड ऑप्शन. ओके मैं क्या गलत हो गई ओ सॉरी हाँ मैं थ्री रही हूँ. वन इज सी डी एक्स टू टू इज ऑक्ट फोर थ्री इज नैन होगी ऐसा थ्री नैन होगा हाँ पहला होगा. चलो नेक्स्ट
क्वेश्चन में बोला गया है कैपेसिटेशन ऑफ मैमेलियन स्पर्म अलाउ देम टू बी एक्टिवेटेड विद इन द यूट्रस एंड फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन। द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेयर मेड रिगार्डिंग द इवेंट अग्री ड्यूरिंग द कैपेसिटेशन। कुछ इवेंट यहां दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट्स को, ठीक है। पहला, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द स्पर्म हेड, यस ट्रू होता है कैपेसिटेशन के टाइम पे। रिमूवल ऑफ नॉन कोवेलेंटली बाउंड ग्लाइकोप्रोटीन, क्या ये होता है? आपको करेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है। हमने ऐसा तो कुछ नहीं देखा था नॉन कोवेलेंटली बाउंड। ओके, इसको होल्ड पे डालते हैं। इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ फाइब्रोनेक्टिन, हमने इसके बारे में कुछ डिस्कस अभी नहीं किया है। डिक्रीज परमेबिलिटी ऑफ कैल्शियम, तो देखिए हमने देखा था कि कोई भी फर्टिलाइजेशन हो, कोई भी इवेंट हो रहा हो, हर जगह कैल्शियम आयन के लिए जो परमेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो रही थी, हर जगह कैल्शियम ही कैल्शियम जा रहा था, राइट। तो ये तो हर हाल में फॉल्स होगा। इसके फॉल्स होते ही देखिए डी हट गया, इधर से डी हट गया, इधर से डी हट गया, राइट। तो रिमूवल ऑफ नॉन कोवेलेंटली बाउंड ग्लाइकोप्रोटीन, तो हमने पढ़ा था कि लिपिड में चेंज होता है, तो लिपिड के लिए कोलेस्ट्रॉल बता रहा है, और हमने फिर देखा था कि प्रोटीन में चेंज होता है, राइट। तो प्रोटीन के लिए उन्होंने बोला बाउंड ग्लाइकोप्रोटीन रिमूव हो रहा है, तो इसको हम ट्रू ले सकते हैं, ये फॉल्स हो गया। दूसरा देखिए एक्सप्रेशन ऑफ फाइब्रोनेक्टिन इंक्रीजेस, हमने ये पढ़ा नहीं है, बट एक्चुअली फाइब्रोनेक्टिन का जो एक्सप्रेशन होता है उसे इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। इसको भी बता देते हैं, क्योंकि हमने ये डी वाला स्टेटमेंट बहुत अच्छे से हमको बताया, और इसके बेसिस पे हम पूरे ऑप्शन को एलिमिनेट करके थर्ड ऑप्शन को जो है हम इजीली पिक कर सकते, ठीक है। बिल्कुल तानिया जी, बिल्कुल। तो होता क्या है एक्चुअल में, फाइब्रोनेक्टिन जो होता है ये एक तरीके से प्रेजेंट रहता है फ्लूइड में, और मतलब कि ये जो है फाइब्रोनेक्टिन क्या करता है, एडहेशन प्रोटीन की तरह काम करता है। ओविडक्ट एपिथेलियम एंड इट्स रिसेप्टर ऑन द स्पर्म, फाइब्रोनेक्टिन स्टिमुलेट द ह्यूमन स्पर्म कैपेसिटेशन थ्रू द साइक्लिक एएमपी एंड द प्रोटीन काइनेज के बाद। तो फाइब्रोनेक्टिन क्या करता है, ह्यूमन स्पर्म में जो कैपेसिटेशन होता है उसको स्टिमुलेट करता है, कैसे करता है, साइक्लिक सीएएमपी का एक्टिवेशन करके एंड प्रोटीन काइनेज ए पाथवे में रोल प्ले करके, और इस तरीके से जो है एक मतलब कि कैपेसिटेशन को अटेन किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि स्पर्म को कैपेसिटेट कैसे किया जा सकता है, इंक्रीज इंट्रा सेलुलर सीएएमपी, और इसको इंक्रीज करने में जो है फाइब्रोनेक्टिन भी रोल प्ले करता है। हाँ जी, फाइब्रोनेक्टिन किसका क्लास है, ये ईसीएमबी है और ये एक एडहेशन प्रोटीन की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट, हाइपर एक्टिवेटेड मोटिलिटी जो है वो भी स्पर्म को कैपेसिटेट करती है, कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स भी कैपेसिटेट करता है, परमेबिलिटी कैल्शियम के लिए इंक्रीज हो जाती है स्पर्म कैपेसिटेशन के टाइम पे, और टायरोसिन प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन, प्रोटीन टायरोसिन काइनेज का जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो भी इवेंट बढ़ जाता है, मेम्ब्रेन डिस्टेबिलाइजेशन बढ़ने लगता है, एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, इंट्रासेलुलर पीएच बढ़ता है, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम होता है, एंड हाइपरपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये सब चीजें एक साथ मिलकर स्पर्म को कैपेसिटेट करने में मदद करती है, ठीक है। ओके, अगला सवाल। अच्छा, गैस्ट्रुलेशन रिलेटेड जो टॉपिक आए हैं, तो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं अभी नहीं करवाऊंगी, आई मीन वो मैं स्लाइड में दे दे रही हूँ, आप अपने आंसर करिए। क्यों? क्योंकि गैस्ट्रुलेशन के जो फेट वाला फेट पे क्वेश्चन पूछा गया है, और अभी तक आपने फेट याद नहीं किया है तो उस क्वेश्चन को अभी करवाने का फायदा नहीं है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हाँ बोन बोन कौन से एक्टोडर्म से डिराइव होता है, किडनी कौन से एक्टोडर्म से डिराइव होती है, इसलिए मैं उसको अभी नहीं करवा रही हूँ, और वो क्वेश्चन आप भी तब तक नहीं करेंगे जब तक आप फेट्स को याद ना करो। याद करने के बाद उस क्वेश्चन को करना, वो क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि अभी करवाने से क्या होगा, अभी आप लोग को याद नहीं है, बस वो एक फॉर्मेलिटी के लिए करवाना हो, तो पहले याद कीजिए फिर उन क्वेश्चन को कर लीजिए। ये किया था, चलिए बताइए आंसर क्या होगा। बोला है द प्लूरिपोटेंसी ऑफ आईसीएम इन मैमल्स इज मेंटेन बाय द कोड ऑफ थ्री ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, नेमली किस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के द्वारा जो है प्लूरिपोटेंसी मेंटेन की जाती है, ऑक्स4 ऑक्स2 नैनोस, पहला ही ऑप्शन जो है सही हो जाता है। okay. ये वाला क्वेश्चन कीजिए, तो डेफिनेशन वाइज है, ठीक है, पेट वाइज जो है वो हम नहीं करेंगे, डेफिनेशन वाइज है, ट्राई कीजिए क्वेश्चन। फाइल जी हम इतना काउंट करके तो नहीं लाएंगे कितने क्वेश्चन है, भव्या हम ये ह्यूमंस के लिए पढ़ रहे हैं। कैपेसिटेशन किसमें पढ़ा हमने, ह्यूमंस में ही पढ़ा ना, आप एम्फीबिया से क्रिएट कंफ्यूज करिए, जबकि एम्फीबिया में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मैमल्स में इंटरनल हो रहा है, कहाँ से कहाँ जोड़ रही है कनेक्शन आप, बाकी चीजों को भी तो देखिए, जिस चीज का कनेक्शन आप जोड़ रही हैं बाकी चीजों को भी तो देखिए कितना ड्रास्टिक चेंजेस हैं उन सब में। स्पर्म कैपेसिटेट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर हो रहा है, जबकि उसका नामो निशान नहीं है एम्फीबिया के केस में देखा जाए, क्योंकि वो बाहर खुले एनवायरमेंट में जो है उनका फ्यूजन हो रहा है। ओके, आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन पिक करना है, ठीक है। सबसे आसान काम है कि इतना अपने मर्जी से इसका कॉम्बिनेशन बिठाने के बजाय जो ऑप्शन दिए गए हैं कॉम्बिनेशन के साथ उसके साथ मैच कर लो। जैसे कि यहाँ पे ए का वन दिया गया है, ए का वन यानी इनवैजिनेशन का वन दिया गया है, ठीक है। इनवैजिनेशन के वन में क्या बोला, इनवैजिनेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल सेल्स एज अ यूनिट टू इनक्लोज डीपर लेयर ऑफ एम्ब्रियो। तो अगर देखा जाए तो इनवैजिनेशन ये थोड़ी होता है। नेक्स्ट देखिए, तो ये हट गया हमारा। सेकंड देखिए, ए का फोर इनवैजिनेशन का फोर, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल, माइग्रेशन तो इनग्रेशन होता है, राइट, इनवैजिनेशन नहीं होगा। तो देखा जाए तो ये भी गलत हो गया। ए का थर्ड देखते हैं, थर्ड इज इनवैजिनेशन इज द इनफोल्डिंग ऑफ एपिथेलियम, यस हमको जो है ए का फोर्थ सही लग रहा है। फिर ए के फोर्थ के बाद बी के पास बढ़ते हैं, बी का थ्री उन्होंने दिया है, बी का थ्री मतलब हो गया, सॉरी उल्टा में पकड़ी, रुके तो कंफ्यूजन हो रहा है, वेट अ मिनट, ऐसे नहीं जाएगा। ए का फोर बोला, ए का फोर यानी ये ए का फोर, मतलब उल्टा चल रहा है, राइट, ये ए का फोर मैच कर रहा है, बोला जा रहा है ए का फोर यानी डिलेमाइनेशन, फिर तो हमें ए का वन से भी देखना पड़ेगा। ए का वन यानी ये हो गया, वो मैच करेगा बी के फोर से, बी का फोर इनवैजिनेशन इज माइग्रेशन, नो, तो ये तो हट गया। फिर ए का फोर देखते हैं, ये डिलेमाइनेशन है, डिलेमाइनेशन इज मैचिंग विद द थर्ड वन दैट इज इनफोल्डिंग, नो, गलत। फिर ए का थ्री ये है इनग्रेशन, इनग्रेशन इज गेटिंग मैच विद बी का फोर इज दिस वन, यस इनग्रेशन इज माइग्रेशन, यस ये मैच हो गया,
इग्रेशन इज माइग्रेशन, और सी का फिर 5 होगा, सी का 5 से मैच कर लीजिए, फिर इसको सी का 5 यानी ये हो गया। और क्रॉस चेक करना है कोई और से, यानी ए का 5, ए का 5 एपिबोली जो कि बी के 2 से मैच हो रहा है, जो कि होता है स्प्लिटिंग, बिल्कुल नहीं। तो यानी बाकी ऑप्शन ऐसे ही गलत है, तो ऑटोमेटिकली थर्ड आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यस, बोला गया है स्प्लिटिंग और माइग्रेशन ऑफ वन शीट ऑफ सेल इनटू टू। एक स्प्लिटिंग जो होती है सेल शीट की एक से दो में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डीलेमिनेशन, एंड सीन इन द हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन ऑफ द बर्ड एम्ब्रियोजेनेसिस इज टर्म्ड एज, ऑब्वियसली इट इज अ केस ऑफ व्हाट, इट इज अ केस ऑफ डीलेमिनेशन। ओके, बताइए क्या होगा आंसर। बोला है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन इन द मैमल्स स्पर्म एग इंट्रैक्शन इज मीडिएटेड बाय द ज़ोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड द रिसेप्टर प्रेजेंट इन द स्पर्म मेम्ब्रेन। ZP3 has been identified to be the principal ZP proteins whose post-translational modification is important for sperm-egg interaction. तो ये question थोड़ा modified है। हमको पता है कि mammals में major candidate कौन है? ZP2 है। लेकिन question में इन्होंने ZP3 बोल दिया है। तो कोई problem नहीं है। इन्होंने major candidate बताया है, तो हम question को उसी के according consider करके चलेंगे, ठीक है? तो इन्होंने ZP3 को major candidate बता दिया है, जो कि sperm मतलब sperm पे जो receptor present होते हैं, उससे bind करता है। Okay, not another problem। बोला है in the sperm is saturated with either active ZP3 or its modified form before studying sperm egg interaction. तो बोला क्या गया है कि sperm को जो है, इस sperm को क्या किया गया, saturate किया गया। saturate किससे किया गया? active ZP3 से, ठीक है, या फिर इसके modified form से। कब किया गया? original sperm egg interaction करवाने से पहले। बोला गया which of the following experiment will not inhibit sperm egg interaction, यानी यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बता रहा है कि वो स्पर्म और एग के इंट्रैक्शन को रोक नहीं पाएगा। और स्पर्म और एग के इंट्रैक्शन को रोक नहीं पाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब कि हमें यहाँ से ऐसा स्टेटमेंट पिक करना है जिससे फर्टिलाइजेशन हो रहा हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है एक्चुअल में दो स्टेटमेंट ही काम लायक है, बाकी स्टेटमेंट काम लायक नहीं है। हमको पता है कि ZP3 जो है इट इज अ काइंड ऑफ अ ग्लाइको प्रोटीन, राइट? तो ग्लाइकोसाइलेशन रिलेटेड मॉडिफिकेशन कुछ हो सकता है, तो फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन का तो केस ही हट गया, तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट ऐसे ही हट गया। सैचुरेशन का मतलब है कि हम स्पर्म को इतना ज्यादा देर तक उसकी दैट इज कॉम्पिटेंट प्रोटीन से एक्सपोज कर दे रहे हैं, जिससे कि स्पर्म उसके लिए अब रिएक्ट करना छोड़ दे रहा है, ठीक है। जैसे कि आज अगर मैं 8 घंटे की क्लास लगातार ले लूं, आप लोग सैचुरेट हो जाओगे, उसके बाद में कितना ही इंटरेस्टेड टॉपिक क्यों ना पढ़ाऊं, यू विल बी इन इफेक्टिव, आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप कोई एक्साइटमेंट नहीं शो करोगे, आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं दोगे। यानी हम जो है उसको एक तरीके से ओवर एक्सपोजर दे दे रहे हैं, जिसकी वजह से जब हम उसको रियली एक के सामने रखेंगे तो वो शायद रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। ये है यहाँ पे सैचुरेशन का मीनिंग। होता है ना, हम क्लास में क्या कहते हैं, जब कॉलेज वगैरह में पढ़ा करते थे और लगातार एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी, तो क्या होता था, हम लोग बोलते थे दिमाग सैचुरेट हो गया, मतलब कि सामने वाला कोई चीज हमें दे रहा है गेन करने के लिए, लेकिन हम गेन नहीं कर पा रहे क्योंकि वी आर कंप्लीटली ऑक्यूपाइड, हमारे पास एक भी एक परसेंटेज ऑफ ऐसी एनर्जी नहीं है जिससे कि हम सामने वाले की बात को गेन कर सके, ठीक है। दैट इज व्हाट द सैचुरेशन, यहाँ पे सैचुरेशन का मतलब ये है। तो अगर हम फर्टिलाइजेशन से पहले स्पर्म को लगातार ZP3 दे या उसका मॉडिफाइड फॉर्म दे और हम स्पर्म को सैचुरेट कर सकते हैं, तो बोला गया है ऐसे कंडीशन में कौन सा स्टेटमेंट बताएगा कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो पहला है सैचुरेट स्पर्म विद ZP3 प्रोटीन प्रायर टू द यूज, यानी आप स्पर्म को ZP3 से सैचुरेट कर दीजिए प्रायर टू द यूज, यानी एक्चुअल में एग, देखिए आपको पता है कि एग के ऊपर ZP3 होगा, राइट? और एग से जो है स्पर्म को एक्सपोज करवाना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, स्पर्म को हमने लैब में जो है ZP3 से पहले से ही एक्सपोज करवा के उसको सैचुरेट कर दिया, और सैचुरेट करवा के तब जाके जब हम एग के सामने उसे फिर से एक्सपोज करेंगे तो क्या स्पर्म उस एग के लिए कोई रिएक्शन शो कर पाएगा? नहीं। वो बोलेगा भाई साहब मैं आज डन हो गया हूं, मेरे दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम कौन हो, मुझे तुमसे बाइंड नहीं करना है, बिकॉज आई एम कंप्लीटली ऑक्यूपाइड, ओके, आई एम नॉट इन अ स्टेट टू रिस्पॉन्स टू गिव अ रिस्पॉन्स फॉर यू। इसीलिए पहले ऑप्शन के केस में क्या होगा कि सैचुरेट अगर कर दिया है आपने स्पर्म को ZP3 से, वो भी प्रायर टू द यूज, यानी यूज करने से पहले, तो जब आप उसको ओरिजिनल एग के सामने रखोगे तो वो उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, बाइंड इंटरेक्ट नहीं करेगा, हेंस नो फर्टिलाइजेशन। तो पहले वाले केस में क्या होगा, नो फर्टिलाइजेशन, और हमें तो ऐसा स्टेटमेंट चाहिए जो फर्टिलाइजेशन करवाए, क्योंकि बोल रहा है विच विल नॉट इनहिबिट द एग एग स्पर्म इंटरेक्शन, ऐसा स्टेटमेंट हमको पिक करना है। सेकंड देखते हैं, तो बच गया एक ही ऑप्शन, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन का तो यहां पे केस ही नहीं बनता है। बोला गया डी ग्लाइकोसाइलेटेड ZP3 प्रोटीन एंड द यूज एंड यूज इट फॉर द सैचुरेशन ऑफ द स्पर्म, यानी आपने क्या किया, आपने स्पर्म लिया लेकिन आपने गड़बड़ी कर दी। क्या गड़बड़ी कर दी? जो ZP3 आप यूज कर रहे हो, आपको याद होगा कि ZP3 इज व्हाट, ZP3 इज अ ग्लाइको प्रोटीन, इट इज हैविंग अ मॉडिफिकेशन ऑफ शुगर मॉइटी, यानी कि प्रोटीन पे जब शुगर मॉइटी एडेड रहते हैं तब जाके वो ZP3 काम करता है, वो कंप्लीटली एक ग्लाइकोप्रोटीन की तरह काम करता है। लेकिन अगर आप ZP3 को मॉडिफाई ना करो, यानी कि उस पे जो है शुगर एडेड नहीं है, तो एक ऐसा ZP3 है जो कि फंक्शन प्रॉपर ढंग से नहीं करेगा। तो अगर आप डी ग्लाइकोसाइलेटेड ZP3 का इस्तेमाल करो जिसके पास शुगर ग्रुप नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि अपने फुली फंक्शन फॉर्म में नहीं है। अब अगर एक फुल्ली फंक्शनल फॉर्म में नहीं है ZP3 और उसको आप स्पर्म से एक्सपोज कर रहे हो ताकि स्पर्म सैचुरेट हो जाए, तो क्या स्पर्म सैचुरेट होगा? नहीं, राइट? स्पर्म जो है वो अपनी नॉर्मल जो अटेंशन देने वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो उसे गेन करती है,
क्योंकि जो ZP3 के साथ मैंने उसको एक्सपोज किया उससे वो सैचुरेट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो ZP3 उतना फंक्शन नहीं है। और उसके बाद उस स्पर्म को लेकर जब मैं ओरिजिनल एग के सामने रखूंगी तो क्या वो ओरिजिनल एग से बाइंड करेगा? यस, उससे बाइंड कर जाएगा। यानी कि हमें सेकंड केस में क्या मिल जाएगा? सेकंड केस में हमको फर्टिलाइजेशन देखने को मिल जाएगा, एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर द सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला सवाल। हमारी वैदेही जी मतलब कि आने वाले दिनों में करवाएंगे, टेंशन मत। क्वेश्चन बोला गया है द पैटर्न ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लीवेज स्पेसिफिक टू द स्पीसीज इज डिटरमाइंड बाय टू मेजर पैरामीटर। पहला द अमाउंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क प्रोटीन विद इन द साइटोप्लाज्म, एंड सेकंड द फैक्टर इन द साइटोप्लाज्म दैट इन्फ्लुएंस द एंगल माइटोटिक स्पिंडल एंड द टाइमिंग ऑफ इट्स फॉर्मेशन। आपको बताना है ट्रू स्टेटमेंट। बोला द स्पीसीज हैविंग टेलोलेसिथल एग फॉलो द होलोब्लास्टिक नो मेरोब्लास्टिक। याद कीजिए, होलो का मैंने ऐसे ऐसे बताया था, मेरो का मैंने बताया था, मेरो में जो है लास्ट वाला जो है टेलो था, राइट? तो ये होलो तो नहीं होगा, मेरो होगा। नेक्स्ट, स्पीसीज हैविंग आइसोलेसिथल एग कंडीशन। आइसोलेसिथल एग कंडीशन किसमें था? हमको आइसोलेसिथल एग कंडीशन किसमें देखने को मिला था? फॉलो दी होलोब्लास्टिक क्लीवेज, नो। आइसोलेसिथल हमको देखने को मिला था दैट इज इन दी ड्रोसोफिला, और ड्रोसोफिला में मेरोब्लास्टिक होता है यानी इंसेक्ट में, उसमें नहीं होगा। फिर स्पीसीज हैविंग सेंट्रोलेसिथल एग फॉलो दी होलोब्लास्टिक क्लीवेज, सेंट्रोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल, यस आई थिंक सेंट्रोलेसिथल, सॉरी उल्टा बोला मैंने, आइसोलेसिथल सेंट्रोलेसिथल नो। आइसोलेसिथल में तो कम्प्लीटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, दैट इज अ केस ऑफ होलोब्लास्टिक। यस, आइसोलेसिथल होलो का केस, राइट? तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही जाता है, ये हम गड़बड़ चल रहे थे। Yes, second हो गया सही। राइट, और इसका दूसरा था क्या? मेरो। स्पीसीज हैविंग आइसोलेसिथल एग फॉलो द आइसोलेसिथल एग कंडीशन फॉलो द मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, नो। आइसोलेसिथल होलो का पार्ट है, राइट? तो ये भी गलत हो गया। तो इसी हिसाब से चले तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो गया। मुझे भी मेरे ही डायग्राम याद आके कर रहे हैं, सेकंड ऑप्शन सही हो, राइट? हाँ जी, सेकंड है तो सही। हाँ, मैंने गलत बोल दिया कि जो ड्रोसोफिला है ऑब्वियसली उसमें आइसोलेसिथल नहीं होता है, सेंट्रोलेसिथल होता है, मेरे से गलती हो गई थी। ओके, चलो, तो वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, हाँ जी, सेकंड हमने होलोब्लास्टिक को डिवाइड किया था मेसोलेसिथल एंड आइसोलेसिथल में, राइट? और मेरोब्लास्टिक को डिवाइड किया था हमने टेलोलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल में, जितना मुझे याद आ रहा है। ओके, बताइए आंसर क्या होगा। बोला गया कैपेसिटेशन ऑफ अ स्पर्म इन ह्यूमन क्या करता है, कब होता है? अकर ड्यूरिंग कोपुलेशन, नो। अकर आफ्टर द एक्रोसोमल रिएक्शन, नो। टेक प्लेस इन द एंटुला ऑफ ओविडक्ट, यस। टेक प्लेस इन द एपिडिडाइमिस ऑफ टेस्टिस, नो। क्योंकि एक्रोसोमल रिएक्शन आफ्टर एक्रोसोमल रिएक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि कैपेसिटेशन के टाइम पे ही जब स्पर्म कैपेसिटेट हो रहा होता है तभी वो एक्रोसोमल रिएक्शन कर रहा होता है, राइट? तो थर्ड ऑप्शन इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, मेरे ऊपर रहने वाले पड़ोसियों ने अपने घर में एस्टैब्लिश कर लिया, आए दिन ऐसा लगता है ऊपर से टेक ऑफ कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, अभी भी आ रही है, होपफुली आप लोग को नहीं आ रही होगी। तो क्वेश्चन में बोला है द फॉलोइंग डेमोंस्ट्रेट्स प्रपोज फंक्शन ऑफ डिफरेंट जीन विच डिटरमाइन द डिसीजन टू बिकम आइदर द ट्रोफोब्लास्ट और द इनर सेल मास ब्लास्टोमिया ड्यूरिंग द अर्ली मैमिलियन डेवलपमेंट। ठीक है, अभी आप एक बढ़िया सा पिक्चर देख रखे हैं, इसके बेसिस पे चलते हैं। तो बोला है बेस्ड ऑन द अबव फिगर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन इज करेक्ट, कौन सा अजम्पशन एकदम सही है? पहला, द इंटरप्ले बिटवीन द सीडीएक्स2 एंड ईट4 कैन इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ आईसीएम। ये बात सही है कि इंटरप्ले जो हो रहा है इनके बीच में कि कौन एक्टिवेट होगा और कौन किसको रिप्रेस करेगा, उसके बेसिस पे हमें आईसीएम फॉर्मेशन मिल सकता है। और ये इंटरप्ले कैसे होगा? ये इंटरप्ले होगा कि भाई साहब सिग्नलिंग ने सीडीएक्स2 को इनहिबिट कर दिया एंड दैट इज वाई उस जगह पर ऑक्ट4 एक्टिवेट होगा, और ऑक्ट4 एक्टिवेट होगा तो आईसीएम चलेगा। ये इंटरप्ले हो रहा है, फिर भी देख लेते हैं क्या पता कोई और अच्छा कैंडिडेट मिल जाए। फिलहाल भी तो स्टेटमेंट हमको ठीक लग रहा है, बाकी देखते हैं। आईसीएम वुड हैव इवन, सॉरी, द आईसीएम वुड फॉर्म इवन इन द एक्सप्रेशन ऑफ ऑक्ट4 वाज इनहिबिटेड। ये कैसी बात कर रही है, ऐसे कैसे जाकर हो जाएगा? ऑक्ट4 के बिना आईसीएम कैसे फॉर्म होगा? गलत। या कैन टेट4 आर अपस्ट्रीम कंपोनेंट ऑफ सीडीएक्स2 एंड कैन बी इनहिबिटेड बाय नैनो। या कैन टेट4 डाउनस्ट्रीम है, यानी कि नीचे की तरफ काम करते हुए आ रहे हैं, अपस्ट्रीम में काम नहीं कर रहे हैं, राइट? तो एक तरीके से देखा जाए तो या कैन टेट4 यहाँ पे भी लिखा है, या कैन टेट4, तो ये क्या है? अपस्ट्रीम कंपोनेंट नहीं है, डाउनस्ट्रीम बेसिस पे काम कर रहे हैं। कैन इनहिबिटेड बाय नैनो, नैनो के द्वारा क्या इनहिबिट किए जा रहे हैं? देखिए, क्या कोई भी इनहिबिशन नैनो के थ्रू या कैन टेट4 पे जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो हेंस दिस इज रॉन्ग। ओके, अपस्ट्रीम कंपोनेंट, डाउनस्ट्रीम कंपोनेंट, नो, दे आर द अपस्ट्रीम कंपोनेंट, ये सही होगा स्टेटमेंट। या टेट4 अपस्ट्रीम कंपोनेंट है क्योंकि या टेट4 ऊपर की तरफ काम करते हैं, उसके बाद सीडीएक्स2 एक्टिवेट होता है, राइट? तो यस, दे आर द अपस्ट्रीम कंपोनेंट ऑफ सीडीएक्स2, बट दे आर नॉट इनहिबिटेड बाय नैनो। ये नैनो के थ्रू इनहिबिट नहीं हो रहे, बट यस, ये सीडीएक्स2 के अपस्ट्रीम में जरूर काम कर रहे हैं, राइट? तो नैनो की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हुआ है, बाकी तो ऊपर वाला स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन ऑफ स्टैट3 इज ऑप्शनल फॉर मेंटेनिंग द प्लूरिपोटेंसी ऑफ आईसीएम, नो। स्टैट3 को भी वन ऑफ द मेजर फैक्टर माना गया था जो कि प्लूरिपोटेंसी को मेंटेन करता है, तो इट इज नॉट द ऑप्शनल फॉर्म, ठीक है? तो इसलिए गलत हो गया। तो इस बेसिस पे देखें तो हमको पहला ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है? Yes, downstream में CDX2 है, upstream में YAP4 है। याशिका, उस question में STAT3 को optional बताया गया था, right? तो लेकिन new information में STAT3 को एकदम ही हटा दिया गया है।
तो न्यू इन्फॉर्मेशन मतलब कि 2020 के बाद जो भी बुक्स आई है ना, जैसे कि 2021 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2021 या 22 में 12th एडिशन आई, 2021 में शायद 11th एडिशन आई थी, तो उसमें से इसका नाम निशान हटा दिया गया। तो 2020 के बाद आई डोंट नो वेदर इट वाज अ रिसर्च थिंग जिससे कि स्टैट 3 हट गया है या क्या पता नहीं, बट अब स्टैट 3 को कहीं स्टैट 3 से रिलेटेड अभी क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं, इतनी 4-5 बार पेपर हो चुका है उसमें फिर भी, ठीक है, ऑक्ट 4 ऑक्ट 2 इन सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टैट 3 को यूज नहीं किया जा रहा है। तो मैं मान के चल रही हूं कि मे बी दैट इन्फॉर्मेशन वाज स्टिल 2019 एंड आफ्टर दैट जो भी नई बुक्स आई हैं उनमें स्टैट 3 को हटा दिया गया है, एंड ड्यू टू दैट अगर स्टैट 3 को हमें ऑप्शनल बोलता है तो हमको लेके जाना पड़ेगा, इट इज नॉट ऑप्शनल। चलिए जी बताइए इसका क्या होगा आंसर। बोला है ह्यूमन स्पर्म आर अलाउड टू फर्टिलाइज ओवा हैविंग अ नॉन फंक्शनल ओवास्टासिस, यानी कि एक ओवा को स्पर्म फर्टिलाइज करेगा लेकिन उसका, ठीक है, नाउ यू नो क्या होगा इसका रिजल्ट। द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज मे बी ऑफ अ सिग्निफिकेंस इन द फ्यूजन ऑफ दीज टू गैमेट। अब कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि गैमेट के फ्यूजन से रिलेटेड है, आपको बताना है विच कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द आउटकम ऑफ अबव इवेंट, कौन सा आउटकम जो है हमको ऊपर वाले इवेंट के रिजल्ट के फॉर्म में देखने को मिलेगा। पहला, द स्पर्म इज नॉट फर्टिलाइज ओवा, लेकिन प्रॉब्लम तो ओवास्टासिन में है ना, फ्यूजन क्यों नहीं होगा, फर्टिलाइज क्यों नहीं होगा, ओवास्टासिन में प्रॉब्लम है तो पॉलीस्पर्मी का केस का एक इशू हो सकता है, राइट, मतलब स्लो ब्लॉक में इशू आ सकता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन का क्या रोल है ओवास्टासिन के साथ, कुछ रोल नहीं है। तो बोला द स्पर्म विल नॉट फर्टिलाइज द ओवा, नो इट विल फर्टिलाइज द ओवा, ठीक है। नेक्स्ट, द स्पर्म विल बाइंड एंड पेनिट्रेट द ज़ोना पेल्यूसिडा बट विल नॉट बी एबल टू फ्यूज विद ओवा मेम्ब्रेन, का है भाई इतना अत्याचार क्यों, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन में कोई इशू नहीं होगा क्योंकि वहां पे ओवास्टासिन का रोल ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स स्पर्म जो है बाइंड भी करेगा पेनिट्रेट भी करेगा ज़ोना को और फ्यूज भी करेगा ओवा के मेम्ब्रेन से, कोई इशू नहीं है उसमें। नेक्स्ट, ZP2 विल नॉट बी क्लिप्ड बाय द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल प्रोटीएज, एग्जैक्टली ये सही बोला है कि ZP2 को कोई तोड़ नहीं पाएगा क्योंकि ZP2 को तोड़ने वाला कौन था, ओवास्टासिन था, और इस एग में ओवास्टासिन जो है नॉन फंक्शनल चल रहा है। नेक्स्ट, CD9 प्रोटीन ऑफ एग मेम्ब्रेन माइक्रोविलाई विल नॉट बी एबल टू इंटरैक्ट विद द स्पर्म मेम्ब्रेन प्रोटीन इन द एब्सेंस ऑफ ओवास्टासिन, भाई साहब ये कितना घनघोर पाप कर रहे हैं ऐसे ऐसे स्टेटमेंट बोल बोल के। CD9 जो है हमको पता है कि ये एग के मेम्ब्रेन में पाई जाती है, ठीक है, और फ्यूजन में मदद करती है, लेकिन ओवास्टासिन के एब्सेंस में इसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इट हैज नो रोल विद द ब्लॉकिंग ऑफ पॉलीस्पर्मी, राइट, तो ये भी हट गया। नेक्स्ट बोला है पॉलीस्पर्मी में अगर फ्रीक्वेंटली, एग्जैक्टली पॉलीस्पर्मी देखने को मिलेगी बिकॉज जो हमारा हीरो स्पर्म है जब वो एग में एंट्री ले जाएगा तब भी ओवास्टासिन तो काम नहीं कर पाएगा, तो ZP2 को वो तोड़ नहीं पाएगा, ZP2 एज इट इज है जो कि मेजर लिगेंड प्रोटीन है, तो हेंस दूसरे भी स्पर्म से बाइंड करके एग के अंदर एंट्री लेने लगेंगे, हेंस पॉलीस्पर्मी काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगी, तो सी और ई जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन है, सो वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल, ओके, प्लेटवर्म फ्रॉग बर्ड्स इंसेक्ट, ठीक है, ये चार का एग्जांपल दिया है, आपको बताना है मैरो एंड होलोब्लास्टिक के भी दो एग्जांपल दिए गए हैं। तो होलोब्लास्टिक डिस्प्लेस्ड रेडियल, ये तो जहां तक मुझे याद आ रहा है इट इज अ केस ऑफ फ्रॉग, बी का थ्री मुझे याद आ रहा है क्योंकि हमने होलोब्लास्टिक उसमें पढ़ा था और डिस्प्लेस्ड तरीके से एनिमल वेजिटल पोल में डिफरेंस होने के कारण रेडियल क्लीवेज करा था, ठीक है। इंसेक्ट जिसका एग्जांपल हमने पढ़ा था ड्रोसोफिला, उसमें क्या होता है वो मेरोब्लास्टिक शो करता है, सुपरफिशियल शो करता है, तो टू हो गया। अब यही दो स्टेटमेंट के बेसिस पे मैं करेक्ट स्टेटमेंट में पहुंच गई, दैट इज बी का 3 और D का 2, यानी जो सबसे फेमस एग्जांपल था जो हमने पढ़ा था उसके बेसिस पे हम पहुंच गए। अब अगर हम बर्ड के केस देखते हैं तो इसमें डिस्कॉइडल होता है, दैट इज मेरोब्लास्टिक डिस्कॉइडल, और कौन का लेते हैं तो होलोब्लास्टिक स्पाइरल हो गया, तो वी कैन गो विद द वेरी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, बर्ड जो है डिस्को करती है वो भी आसमान में उड़ उड़ के, मैं अपने एग्जाम के टाइम में ऐसे ही याद करती थी कि बर्ड जो है आसमान में ऐसे ही उड़ती रहती है, तो उसके लिए डिस्को करना बहुत आसान जाता है, अदर देन वो पर्सन जो कि जमीन पे है। ओके, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, ये तो बहुत इजी है। विच काइंड ऑफ क्लीवेज इज शोन इन मैमल्स, ऑब्वियसली इट इज अ होलोब्लास्टिक रोटेशन, क्या मैंने इसका आपको कोड बताया था, मैंने इसकी भी स्टोरी मिली करी थी, इसका बताया था ना शायद, H4 ह्यूमन रोटेशनल, यानी अपनी जरूरतों के चारों तरफ, ह्यूमन बींग जो अपनी जरूरतों के चारों तरफ घूमता रहता है, राइट, आई थिंक मैंने आप लोगों को बताया था या पिछले बैच को बताया था, पता नहीं जितना मुझे याद आ रहा है, मे बी मैंने बताया था। ओके, यस, तो इसका इजी आंसर दैट इज होलोब्लास्टिक रोटेशनल। अगला, नहीं बताया, कहानी ये थी कि होलोब्लास्टिक रोटेशनल, ठीक है, होलोब्लास्टिक रोटेशनल, तो क्योंकि मेरी मेमोरी बड़ी खराब है मुझे याद रहती नहीं थी ये सब चीजें, तो मैंने कैसे याद किया था कि ह्यूमन बींग में होलोब्लास्टिक रोटेशनल होता है, तो मैंने किया था H4 ह्यूमन और रोटेशन, यानी मनुष्य पूरी जिंदगी अपनी जरूरतों के चारों तरफ रोटेट करता रहता है, यानी घूमता रहता है, जो कि रियलिटी भी है कि हम ह्यूमन बींग जो है अपनी जो नीड होती है उसी के चारों तरफ अपनी घूम घूम के पूरी अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं, यानी हमारी कभी नीड खत्म नहीं होती और हमारा घूमना भी उसके चारों तरफ खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया होलोब्लास्टिक रोटेशनल, तो होलोब्लास्टिक रोटेशनल इज फॉर ह्यूमन, ठीक है, मैंने ऐसे करके याद रखा था, और इसके एक प्लस पॉइंट मैंने याद कर लिया था कि भाई इसी में जो है सी एलिगन भी आते हैं, सी एलिगन भी हमारे जैसी कैटेगरी में है, तो मैंने ऐसे करके याद किया था, आप भी ऐसे करके याद कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई और इंटरेस्टिंग स्टोरी हो तो वो भी बना सकते हो। जी बाकी आगे का अपना बनाइए, कुछ एक आधा हमने बता दिया, सबकी अपनी अपनी स्टोरी होती है, थोड़ी स्टोरी बनाइए। हाँ जी, मैंने सेल्फ स्टडी किया था बट आई वॉज इन अ गाइडेंस ऑफ लाइक माई सीनियर्स, एक नहीं बहुत से सीनियर्स थे जो कि गाइड करते रहते थे, जिनका एग्जाम क्लियर हो गया था, कुछ ऐसे हुआ था सब चीज़।
यस, फिश भी वाटर में डिस्को करती है, फिश वाटर में डिस्को करती है, यानी एक जमीन पे दूसरा आसमान पे डिस्को करता है। चलो इसका आंसर बताओ। इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एक्सपैंडिंग आउटर लेयर स्प्रेडिंग ओवर द इंटरनल सरफेस ड्यूरिंग द गैस्टुलेशन इज टर्म्ड एज। इनवर्ड मूवमेंट की बात की गई है, उसे हम क्या कहेंगे बताओ? That is? Yes. क्या कहेंगे इसको? इन्वेजिनेशन कहेंगे ना, इनग्रेशन तो कह नहीं सकते, डिलेमिनेशन भी नहीं कह सकते, इसको हम इन्वॉल्यूशन कह सकते हैं, राइट? चलो अगला सवाल। ओके चलो बताओ क्या होगा आंसर। क्वेश्चन बोला गया फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग द डिसीजन टेकन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो। ठीक है, आपको बताना है ट्रू स्टेटमेंट। पहला है द प्लुरिपोटेंसी ऑफ आईसीएम इज मेंटेन बाय द कोर ऑफ थ्री ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ऑक्स4 सॉक्स2 नैनो। ट्रू, नो डाउट। नेक्स्ट, prior to the blastocyst formation each embryo expressed both cdx2 and oct4 transcription factor and appeared to be capable of forming either icm or trophoblast. ekdam satya vachan, true. both icm and trophoblast cell synthesized transcription factor cdx2, no, sirf trophoblast karta hai. oct4 activate cdx2, bhai sahab sher kab se jo hai apne shikar se dosti karne laga, galat. to a aur b sahi ho jate hain, that is first option sahi ho jata hai. okay next, bhai sahab kitne question hai, to khatam nahi ho rahe. बताओ क्या होगा आंसर। भूख लग गई है, क्या बात है, यानी आज आप लोगों ने मेरा दिमाग नहीं खाया, भूख लग गई है आप लोगों को। हिप्पो पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रोफोब्लास्ट एंड आईसीएम डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द मैमेलियन डेवलपमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर आईसीएम फॉर्मेशन। अच्छा, किसी का इंपॉर्टेंट काम हो तो दे कैन लीव द क्लास एंड कैन वॉच द रिकॉर्डिंग आफ्टर दिस, क्योंकि मैं सोचूं इस क्वेश्चन को आज ही कंप्लीट करा दूं ताकि मैं कल नया चैप्टर शुरू कर सकूं। ठीक है, तो किसी को कुछ अर्जेंट काम है तो दे कैन लीव द सेशन, और जो पोर्शन मिस हो गया होगा वो आप बाद में वॉच कर सकते हो। ओके, तो बोला गया है आपको क्या पिक करना है, ट्रू स्टेटमेंट पिक करना है। ठीक है, पहला है the TED4 transcription factor when active promote the transcription of CDX gene leading to the ICM formation by trophoblast होगा ना, trophoblast formation होगा, गलत। if lax kinase phosphorylate the YAP transcriptional co-activator the phosphorylated form of the YAP does not enter the nucleus and get degraded which lead to the ICM formation। ये कदम सही सही मान पाएंगे। next, in the absence of functional lax protein the YAP transcriptional co-activator can bind to the TED4, yes, to activate the CDX gene promoting the ICM। पूरा स्टेटमेंट सही बोला, बट प्रमोटिंग ICM नहीं होता, trophoblast होता। ठीक है, नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ CDX2 अप रेगुलेट्स OCT4, नो बेटा डाउन रेगुलेट होगा, गलत हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सेकंड सही हो गया। ओके, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, ओके ये वाला क्वेश्चन कीजिए। पहले दो क्वेश्चन थे जिसमें फेट वाला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया, आप लोग अपने आंसर देख लीजिएगा जब आप इसको याद कर लेंगे, बाकी जनरल क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके बताइए क्या होगा। माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल फ्रॉम द सर्फेस इन टू द एम्ब्रियोज इंटीरियर इज टर्म्ड एज। इंडिविजुअल सेल माइग्रेट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इट विल बी इनग्रेशन। ओके, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज सेंट्रोलाइज्ड लाइक कंडीशन किसमें देखने को मिलता है, ये हमने ड्रोसोफिला में कर लिया था जिसमें कि ये सुपरफिशियल क्लीवेज को शो करता है। लॉजिक टेस्ट हो गया, मतलब कि खत्म हो गया।